I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And through the highways, till my shadow turns to sun rays.
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीआरएक्स इन्फ्लुएंसर्स ग्राइंड स्क्रीन पावर्ड बाय गेम.टीवी। मेरा नाम है संजीवन, यहां पर बात करना चाहूंगा प्रसाद के साथ मिलकर। तो गाइस आज की जितनी भी टीम्स यहां पर निकल कर आने वाले हैं, जैसे कि आपने यहां पर टाइटल पढ़ी लिया होगा, ग्राइंड स्क्रीन होने वाले, यानी कि यार कौन किसको क्रश करने वाला है, बहुत कुछ आज हमें नजर आएगा। जी बिल्कुल, एंड गाइस आज डे टू होने वाला है, तो हम सबको बताया कि यार बिल्कुल टीम्स बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं, 12 टीम्स का यहां पे एक दूसरे के साथ क्लैश देखने में आज तो मजा एंड एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो गाइस शुरुआत से लेकर अंत तक यहां पे बिल्कुल जुड़े रहेगा, हमें बताते रहेगा कि आज आप किस टीम का यहां पर परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रहे हो। कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा आपका है, अपने फेवरेट टीम के नाम के हैशटैग लगाते रहो एंड उनके साथ कलरफुल हार्ट स्पैम करते रहो। जी बिल्कुल, आप स्पैम करना है तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल आप करते रहना। तो गाइस आगे की तरफ बढ़ेंगे, बट आगे जाने से पहले हम लोग इनवाइट करना चाहेंगे आप स्टार तानिए को, जान लेते हैं आज के मैचेस को लेकर क्या कुछ उनके पास भी जो स्ट्रेटजीज है वो रहने वाली है। Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for having me in, Sanjeev and Prasad. And special thanks to Game.TV for giving me this opportunity. Aaj naya logo ho chuka hai hamara. From black to we have turned men in blue, and thus we all are wearing blue today. With that new logo, aaj ek naya introduction hai CRX Influencers Grind Scrim ka. Aaj kaise kaise influencers hai? Well, Total Gaming ek aisi team jo sabse zyada community growth par hai. Team elite, fan favorite, bahut zyada official tournaments mein participate kar chuki hai. To aaj जितने स्टार्स हमारे साथ हैं सब एक साथ कोलैबोरेट हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन आज क्रिटिकल एक्स में पूरी की पूरी गैलेक्सी आ चुकी है। सबसे ज्यादा शाइनीएस्ट स्टार कौन होगा वो तो एंड पे पता चलेगा। सो व्यूअर्स मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। लिया जी बिल्कुल, अब देखना पड़ेगा कौन आज कौन सा सितारा होगा जो आज यहाँ पर चमक कर जाएगा, कौन अपनी रोशनी इतनी ज्यादा बिखेरने वाला है कि अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर लेकर जा पाए। बट यार बहुत ज्यादा मजा आएगा, मैं मीनिंग यहाँ पर लाइक टाइटल पढ़ के समझ गया था, ग्राइंड यानी कि यार बहुत ज्यादा क्रश होगा, कौन किसको कुचलेगा या फिर क्या कुछ होने वाला, किसके ऊपर चढ़ के यहाँ पर निकल जाएंगे। बट बहुत कुछ स्ट्रेटजीज आज हमको नजर आ जाएंगी। जी बिल्कुल, देखेंगे आज भरता किसका बनता है इस कुचलने के सिचुएशन में गाइस। बट यार मजा बहुत आएगा, बर्मुडा पगेटी कारारी हर एक मैप में हमारी फेवरेट टीम यहाँ पे बिल्कुल हमें एंटरटेन करते हुए नजर आएगी संजीव। तो गाइस चलते हैं एक बार टीम लिस्ट की तरफ, जान लेते हैं आज के कौन कौन से नाम हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, सबसे पहले होने वाला टोटल गेमिंग यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएगी, फुल ऑफ स्ट्रेटजीज, एंड ये टीम बिल्कुल यहाँ पर मचाएगी। डिलीट हो चाहे माफिया हो, आन बान शाम इनकी टीम में जो है वो रहने वाले। फिलहाल टीम लीड की बात की तो आई मेरे पास इनके लिए वर्ड्स नहीं रहते यार, इतने सारे किल्स लोग यहाँ पर निकालते हैं। पहाड़ी की स्नाइपर एंड किलर के जो हेडशॉट्स होते हैं वन टैप यहाँ पर परफेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, एंड आइकॉनिक के जो नेट्स है वो परफेक्टली जाते हैं डाउन यहाँ पर निकालते हैं। कहने के जॉन्टी को देखना पड़ेगा आज कितनी अच्छी लीडिंग वो यहाँ पर करने वाले तानिया। बिल्कुल, हम देखेंगे टीम लीड से कैसा परफॉर्मेंस आता है। ब्लैक फ्लैग आर्मी को हम देखने वाले हैं, लोकेश गेमर है, लास्ट सेवन बेटर नोन, गैलेक्सी रेसर्स वेल वासियो है तो मुमकिन है, वेयर देयर इज वासियो देयर इज विल एंड वे, सीआरएक्स डिवाइन एक दीवास की स्क्वाड है जो यहां पर हमारे साथ जुड़ी हुई है, टीएसजी आर्मी वेल वंस अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी इन यूट्यूबर्स, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, फॉलोड बाय टीम लावा एंड वंस अगेन अ नेपाली लावा गर्ल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर सुनीता जी, एंड Please go ahead from your Prasad. Okay, तोंडे गेमर भी आज हमारे साथ होने वाले, देखेंगे गाइस आज यहाँ पे परफॉर्मेंस इनकी टीम का कितना ज्यादा दमदार होता है, बिकॉज आज का यहाँ पे जो टूर्नामेंट होने वाला है वो पूरा का पूरा दम लगा के हैशा वाला होने वाला है। जी हाँ गाइस, यूजी एम्पायर भी हमारे साथ जुड़ेगी, देखेंगे उज्जवल के क्लचेस आज कितना ज्यादा यहाँ पे काम आते हैं। टू बी गेमर का फायर पावर तो हर दिन बढ़ता जा रहा है, आज देखेंगे यहाँ पे टू बी गेमर कितनी टीम्स को यहाँ पे ग्राइंड करती है, एंड रोमियो गेमर एक आखिरी नाम हमारे साथ रहने वाला है। तो गाइस आज की ये 12 टीम आज हमारे साथ यहाँ पर परफॉर्म करने वाली, देखेंगे संजीव के आज यहाँ पे हमारे एक्साइटमेंट को ये 12 टीम कितना ज्यादा बढ़ाती है। बिल्कुल, पर देखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स इतने ज्यादा सपोर्ट करने के यहाँ पर पहले से आ चुके हैं। मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन के ऊपर देख रहा था, बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें कहने के यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे। तो गाइस आपको एक बार लेकर चलूंगा लॉबी की तरफ और पता चल जाए आपको भी क्या कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करूंगा लोकेश गेमर, यहाँ पर शाहिद विशाल एंड लोकेश गेमर, शीनू क्या लगता है, शीनू यहाँ पर डबल स्नाइपर बहुत फुर्ती से चलाते हैं। जी बिल्कुल, डबल स्नाइपर यहाँ पे बहुत ज्यादा फुर्ती रहती है, एंड यार हर एक बार बात करें तो यार बीएफए की तरफ से आवारा भाई भी खेलने वाले, देखेंगे उनकी लीडिंग आज कितना ज्यादा अच्छा फॉर्म करेगी टीम लावा से सुनीता। जी हाँ गाइस, बात करेंगे रोमियो गेमर की तरफ से, यहाँ पे रोमियो खुद खेलने वाले। जी हाँ गाइस, तोंडे भाई आज यहाँ पे खुद अपना परफॉर्म करेंगे, गैलेक्सी रेसेस यहाँ पे होने वाले। तो गाइस बिल्कुल आज वासियो भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे अब यहाँ पे बाकी सारे टीम के बारे में। तो सीआरएक्स डिवाइन की शेरनिया यहाँ पे होने वाली, टोटल गेमिंग माफिया अंश फौजी अजय एंड डिलीट यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके, टीम एलीट के पहाड़ी की स्नाइपिंग। जी हाँ गाइस, देखने के लिए आज फैंस यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्सुक होने वाले, बात करेंगे टीएच आर्मी के बारे में तो लेजेंड एंड ऋतिक भी संजीव यहाँ पे होने वाले।
जी बिल्कुल। पर गाइस आप लोग समझ सकते हो लेजेंड के जो क्लच होते हैं वो बहुत ही शानदार हमको यहाँ पर कहने की देखने के मिल जाते हैं। ओजस्वी एंड जो लिखी यहाँ पर बहुत शानदार हेडशॉट कनेक्ट करते हैं। बट गाइस टीएचजी ऋतिक देखना पड़ेगा आज ये प्लेयर कितने ज्यादा अच्छे लीडिंग यहाँ पर करते हैं, कितने पॉइंट टीएचजी यहाँ से निकाल कर लेकर जा पाएगी। बट टू बी गेमर चिया गाइस आज यहाँ पर हमको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, देखना पड़ेगा। एंड ये जो कैप्टन रहेंगे यार कितने अच्छे से टू बी गेमर आज यहाँ पर लीड करने वाले कड़की के जो क्लची से गाइस सब लोगों ने यहाँ पर देखे। बट क्लासी एंड सौगट यहाँ पर कितना शानदार गेम यहाँ पर दिखा पाएंगे वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। बट यूजी एम्पायर में पर बात करना चाहूंगा प्रिंस स्केलेटन जावा बॉय के लिए यहां पर थोड़ा सा हैशटैग कहने के ताने बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा हैशटैग लगते हैं। 12 सितारे हमारे साथ जुड़े हैं, 12 यूट्यूबर स्टार्स हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू ऑल द यूट्यूबर्स जो हमारे साथ जुड़े हो और यहाँ पर क्रिटिकल एक्स के गेम डॉट टीवी के स्पेशल इन्फ्लुएंसर्स ग्राइंड स्क्रीम्स में पार्टिसिपेट किया। आपके आपके प्ले से आज हमारी चैट स्क्रीन भी काफी ज्यादा फ्लैशी है, रोज के कंपेरिजन में आप काफी आज काफी स्पीड में चैट चल रही है। सो वंस अगेन अ स्पेशल थैंक्स एंड प्रिविलेज इज ऑल आर्स, हम आपको थैंक यू कहते हैं क्योंकि आपको कास्ट करने का अपॉर्चुनिटी एंड इन टू सच अन ऑफिशियल इवेंट जो सिर्फ स्टार्स पर शाइन होते जाएंगे और सबसे शाइनीस्ट स्टार बाय द एंड ऑफ द डे दिखने वाला है। तो व्यूअर्स कीप ऑन सपोर्टिंग योर फेवरेट टीम, कीप ऑन सपोर्टिंग योर फेवरेट प्लेयर, हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट स्टोरी टेलिंग करें। हाँ गाइस एक बार हम लोग चलना चाहेंगे मैप्स की तरफ तो जान लेते हैं आज का फॉर्मेट कैसे रहने वाला। टोटल 7 मैचेस यहाँ गाइस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा बरमूडा मैप यहाँ पर वेलनोन मैप होने वाला है, इसके बाद हमें परगेटरी मैप देखने के लिए मिल जाएगा। कहीं ना कहीं एक रिवर यहाँ पर डिवाइड करेगी पूरे के पूरे तीनों आइलैंड्स को। बट देखना पड़ेगा कितने ज्यादा रोटेशन देने पड़ेंगे, कितने अच्छी फायर रिसोर्सेज में कोई भी कमी नहीं रहने वाली। कालाहारी मैप जो कि अनप्रिडिक्टेबल रहेगा एंड यहाँ पर हम लोग गुंजाइश नहीं लगा सकते यार क्या कुछ होने वाला है इस मैप के अंदर। बट जो गाइस मैप्स होंगे वो रिपीट होंगे, बरमूडा एक और बार देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमको यहां पर परगेटरी कालाहारी बट थर्ड टाइम बरमूडा एक और बार देखने के मिलेगा। प्रसाद मेरा मानना तो यही रहेगा जो भी एड्स मैप पे स्ट्रॉन्ग रहेगी ना उनके पास एक तीसरा मौका भी रहेगा कि अपने लिए बुया लेकर जाएं। जी बिल्कुल तीसरा मौका भी रहेगा एंड जो सबसे ज्यादा वेल नोन मैप है संजीव आज तीन बार देखने को मिलने वाला है, यानी कि बरमूडा आज टोटल तीन बार आएगा। तो गाइस देखेंगे यार संजीव आज के इस यार ग्रैंड स्क्रीम के आसमान में कौन सा सितारा सबसे ज्यादा रोशनी लाता है। So guys, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा अगर आपने तो स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला कर उनको बताइए यार आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर खेलने वाले, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें। एक और बात गाइस अगर आपने अभी तो कैरी मिनाटी के गिल्ड ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया और चैट में भी पिन करके रखा गया 5 लाख रुपीज का टूर्नामेंट, यानी कि 5 लाख रुपीज के जो टूर्नामेंट पर मंथ आपको देखने मिलते हैं। तो गाइस फटाफट से आना है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। तब तक हम लोग बात करेंगे गाइस पहला मैच जो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं प्लेन बात होने वाले केप टाउन से होता हुआ ऑब्जर्वेटरी के ऊपर चले जाएगा। टीम में लीड की फाइट हमको यहाँ पर देखने लिए मिल जाएगी। जी हाँ गाइस यहाँ पर बात करना चाहूंगा तो इनका मुकाबला कहीं ना कहीं एक टीम के साथ हमको यहाँ पर देखने लिए मिलने वाले। ट्राई करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर लेकर जा पाए। बट सेंटोसा आई थिंक कहानी यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ने वाली है। बिल्कुल सेंटोसा पर हम तीन टीम्स को देख पा रहे हैं, जो टीम नंबर टू बी गेमर की जो टीम है वो हम देख पा रहे हैं कि एक प्लेयर केप टाउन चले गए जो ग्राउंड शेयर कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नथिंग टू वरी, शायद वो अपने आप को एक्सपोज ना करें, बैक फुट चले जाएंगे। लेकिन टीम लावा सैंडविच सिचुएशन में आ सकती है, हम देख पा रहे हैं दो टीम से गिरे चुके हैं और यहाँ पर टू बी गेमर इज द टीम जो सबसे पहले फायरिंग शॉट्स डालेगी। प्लाज्मा हाथों में आ चुकी है और यहाँ पर शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन कार्की के पास कोई और प्लान होने वाले हैं, वो ऑलरेडी बैक फुट जाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर अपनी टीम से रीयूनाइट होना पसंद करना चाह रहे हैं बिकॉज दे आर हेडिंग टूवर्ड्स अ ज़िप लाइन। लेट्स सी स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, लेकिन थैंक्स टू द फ्लाइट पाथ स्प्रेड आउट काफी अच्छा रहा, इतना क्रैश लैंड नहीं देखने को मिला, अर्ली लैंड एंड फाइट देखने के लिए नहीं मिला है। जी बिल्कुल यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा बट यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल तो टू बी गेमर यहाँ पर रहने वाली टीम लावा इनके साथ रहने वाले रोमियो गेमर जी आ गए एंड हर एक टीम बहुत ज्यादा बेस्ट गेम में दिखलाना चाहेंगे। देखना होगा फिलहाल रोटेशंस के ऊपर थोड़ा प्रोसीड करना पड़ेगा, टीम लावा थोड़ा चतुराई से खेलना चाहती, नीचे रिजिस का जो कवर है पूरा का पूरा लिया जाएगा एंड सुनीता आई थिंक कितना आगे बढ़ पाएंगे वो भी देखना पड़ेगा। वेपन्स की कोई भी आई थिंक वेपन्स सबसे पहले इनको ढूंढने पड़ेगी बट आई थिंक अगर बात की तो संदीप गेमर हमको यहाँ पर देखने के मिल जाएंगे। थोड़े से रोटेशंस कहने के लेनी पड़ेगी सुप्रीम यहाँ पर रहने वाले, ये टीम बहुत सारे किस कहने के निकाल कर लेकर जाते हैं, इनका भी रिकॉर्ड है कि यार बहुत सारे बुयास अपने नाम कहने के करके जाए। बट रोमियो गेमर क्या लगता है गाइस ये जो प्लेयर यहाँ पर रहने वाले कितने अच्छी लीडिंग करेंगे अपनी टीम के लिए, कितने ज्यादा पॉइंट्स आई थिंक जो भी टीम अच्छा खासा गेम प्ले दिखलाएगी थोड़ा सा सोच समझ कर जो फाइट है वो कहने के लेनी पड़ेगी। बट गाइस मेरा मानना ये रहेगा बहुत अच्छी फाइट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल सुप्रीम आई थिंक यहाँ पर ट्राई करेंगे जी नहीं जो प्लेयर है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे एंड इसी के साथ साथ दोनों ही टीम्स की फाइट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली। क्या लगता है गाइस कौन किसके ऊपर पड़ेगा भारी, फिलहाल सुप्रीम के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था वो थोड़ा सा पीछे जा चुके, रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहेगा, नेट से यहाँ पर प्रॉपरली थ्रो किए जा रहे हैं।
बिल्कुल यहाँ पर ग्रेनेड थ्रो किए जा रहे, एक्सचेंज भी हो रहे हैं। संदीप नेमर का ग्रेनेड कंफर्म कर चुका है, फर्स्ट ब्लड ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर टीम लावा इज द फर्स्ट फ्लैग उनके सामने। रोमियो नेमर एज अ ट्रियो नजर आएगी, 4-3 का सिचुएशन है। विंडो पीक के थ्रू थगेश को हल्का सा डैमेज दिया गया लेकिन डाउन भी कर दिया है। एंड इट इज सुनीता जिन्होंने नॉक एंड किल कंफर्म करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। बिल्कुल अब देरी नहीं करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। टीम लावा दो के चिया गाइस रोमियो गेमर से किलौते प्लेयर रोमियो गेमर अब चलेंगे। क्या लगता है गाइस यहां से निकल कर सरवाइव कर पाएंगे अमित संदीप गेमर? उनको भी एक पनिशमेंट यहां पर देने वाले हैं, कहीं ना कहीं चाहे के वो यहाँ पर भटपा जाएगा, देखना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे इसी के साथ साथ हमको बहुत कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने मिलने वाले। फिलहाल पहली टीम कौन सी होगी जो यहाँ से एलिमिनेट होकर जाने वाली? बट गाइस आपका अपना जो सपोर्ट है वो यहाँ पर कहने की बना कर रखना। अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक कीजिएगा, शेयर करके अपने दोस्तों के यहाँ पर बुला कर लाइए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर लें। फिलहाल आगे बढ़ेंगे संदीप गेमर, आई थिंक लगता नहीं प्लाज्मा वेपन के बाद क्या वो एलिमिनेट कर पाएंगे। ओ माय गॉड यहाँ पर बहुत लोग करके रखा जाएगा, इसी के साथ जंप में चुकी टैक्टिक है संदीप गेमर यहाँ पर डाउन हो जाएगा। जी हाँ रोमियो गेमर कोई मौका नहीं देंगे, जाएंगे तो साथ साथ एक प्लेयर को लेकर। जी हाँ बहुत ही अच्छा गेम प्लेयर्स अकेले सोलो सर्वाइवर की तरफ से, बिल्कुल काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। जब आपको पता है आप एलिमिनेट होने वाले हो तो डैमेज देकर एलिमिनेट करना एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो हमें रोमियो गेमर की ओर से देखने के लिए मिली। लेकिन टीएसजी यहां पर हाईएस्ट रिसोर्स जोन में नजर आ रही है, उनके साथ ग्राउंड शेयर करते हुए टोंडे गेमर लॉन्च पैड के काफी ज्यादा करीब ओजस्वी। देखेंगे ओजस्वी के पास क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, कहां एग्जैक्टली जाना चाहते हैं। बुलजाई से आगे बढ़ते हुए वी कैन सी ओजस्वी रूफटॉप पर आ चुके हैं और यहां पर गाई टोंडे को स्पॉट करके डाउन करने की कोशिश। गाई टोंडे इमीडिएटली हार्ड कवर में आ जाते हैं जिसके चलते नॉक नहीं किया गया। स्प्लिट ऑफ 50-50 देखने के लिए मिल रहा है फ्रॉम टोंडे गेमर्स एंड यहां पर ओजस्वी ओवर एक्सटेंड कर चुके हैं अपने आप को, दो प्लेयर्स देख पाते हैं तो ये स्प्लिट ऑफ 3-2-1 है। देखेंगे ये स्ट्रेटजी किस तरीके से फेवर में लेकर जाएंगे। बिल्कुल लेकर जाएंगे, फिलहाल देखना पड़ेगा इसी के साथ साथ लेजेंड यहाँ पर डबल डोर के छत का कवर लेना चाहेंगे। क्या लगता है गाइस यहाँ पर मुकाबला कर पाएगी टीएसजी आर्मी वर्सेस टोंडे गेमर? जी हाँ गाइस पहला नॉक यहाँ पर निकाल कर रखेगा, फिनिश आउट करेंगे सूरज का किल यहाँ पर कंफर्म कर लें, कोई भी मौका यहाँ पर नहीं देना चाहेंगे। इसी के साथ साथ ऋतिक यहाँ पर कैप्टन आगे की तरफ बढ़ेंगे, गाड़ी टोंडे को नॉक करके रखा जाए। क्या लगता है गाइस यहाँ पर टीएसजी आर्मी? जी हाँ गाइस हैशटैग लगाइएगा अपनी फेवरेट टीम से एंड गाइस हमारा लाइक टारगेट गेम के एंड तक यहाँ पर पहले मैच का जब एंड होगा तब तक 15,000 लाइक्स का होने दो गाइस। फटाफट से एक साथ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना। फिलहाल लिखी यहाँ पर आगे बढ़ेंगे लेजेंड ओजस्वी, आई थिंक क्या कुछ यहाँ पर रहने वाले, क्या बचे हुए प्लेयर्स को ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे, बट हर एक मुमकिन कोशिश यहाँ पर करनी होगी। जी हाँ गाइस बिल्कुल अच्छा खासा एरिया अंडर में आ चुका है, बट बाकी दोनों प्लेयर्स लूरे एंड कृपेश, आई थिंक लूरे का गेम प्ले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है बट इस बार थोड़ा सा डाउन उनको करके रखा जाएगा, थोड़े से कदम पीछे हटा जाएंगे। सर्वाइवल के लिए आज कोई भी मौका नहीं मिलने वाला। जो भी बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ याद रखना, आज के मैचेस में हमें एक ही चीज नजर आने वाली है, एग्रेशन एंड अटैकिंग गेम प्ले आज बहुत ज्यादा नजर आएगा। बिल्कुल काफी ज्यादा अग्रेशन नजर आ रहा है, 5 मिनट के अंदर अंदर 7 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। टोंडे गेमर एज ड्यूस येलो बॉक्स के पास नजर आ रहे हैं, कार्टुलिस्टिवा पर आगे जाना काफी ज्यादा बाकी है। देखेंगे रोटेशंस फ्लैंक्स कौन सी डायरेक्शन में लेंगे, डंप ट्रक की ओर आगे बढ़ रहे हैं बट उन्हें चाहिए हेलमेट, उन्हें चाहिए येलो टोकन्स एक बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखेंगे टू कलेक्ट सम स्नाइपर मे बी एंड टॉकिंग अबाउट येलो टोकन्स वेल टीम सीआरएक्स डिवाइन वेंडिंग मशीन के पास नजर आ रही है और एक ही ग्रेनेड था, लेट्स सी क्या वो और ग्रेनेड जमा करना चाहेंगे। नियर टू देम और एक टीम भी होने वाली है व्हिच इज गोइंग टू बी टोटल गेमिंग, वेल #CRX #TotalGaming, लेट्स सी यहां पर कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा यूट्यूबर यहां पर खिताब जीत कर जाएगा फॉर द सीजन 1 ऑफ इन्फ्लुएंसर्स टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, अब टोटल गेमिंग गाइस आपके आंखों के नजरों के सामने आज के फिलहाल बात करूंगा यहाँ पर माफिया अंश रहने वाले फौजी अजय डिलीट। जी हाँ गाइस आज कैप्टन भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आने वाले, फिलहाल देखना पड़ेगा रोटेशंस कैसे यहाँ पर रहेंगे बट फौजी अजय को कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसके कारण वो अच्छे खासे खेल से यहाँ पर निकाल कर जा पाए। बट फौजी अजय ऑलरेडी स्नाइपर टावर के ऊपर रहने वाले, फिलहाल भीमा शक्ति क्या लूटेड रहेगा क्या लूटेड नहीं रहेगा, अगर लूटेड होगा तो लूट ज्यादा नहीं करेंगे बट अगर अनलूटेड है तो फटाफट से पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर लूट कर लेना चाहिए। कोई भी टीम ये नहीं चाहिए कि स्टार्टिंग में एलिमिनेशन उनको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए और साथ साथ जो भी प्लेयर यहाँ पर फैल को लेकर आएगा उनको वॉल्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जिनके पास भी वैगर्स होगा वो यहाँ पर ज्यादा वॉल्स यहाँ पर कलेक्ट करना चाहेंगे। कहने गई गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा, फिलहाल किसी भी टीम को हम लोग यार थोड़ा सा कम नहीं आ सकते, देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ फौजी अजय माफिया गाइस ये चारों प्लेयर्स कितनी देर इस एरिया को होल्ड करके रखना चाहेंगे, हम लोग भी एक बार सर्कल देखना चाहेंगे फिलहाल टीम्स कहां कहां पर रहने वाले ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ में आए एंड वो भी यहां पर बहुत कुछ नॉलेजेबल सीख कर जाए कि अगला सर्कल कहां बनेगा, वो भी अपने प्रिडिक्शंस यहां पर लगा पाए जो भी टीम्स यहां पर रहने वाले, कैसे कैसे रोटेशन हमको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो गाइस आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा एक मौका देना चाहता हूँ कि आप लोग भी सीख सके, बहुत कुछ नॉलेज आपको भी समझ में आ पाए। तो गाइस पहले सर्कल का सेंटर होने वाला भीमा शक्ति, जहां पर ऑलरेडी सीआरएक्स डिवाइन बैठी रही, गैलेक्सी रेसर भी सेंटर में रहने वाली बट
ब्लैक फ्लैग आर्मी एंड यहाँ पर टोंडे गेमर कितना अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे तानिया? बिल्कुल, हम देखेंगे कैसे सर्वाइव करेंगे। व्यूअर्स, चलो इंटरेक्शन का वक्त आ चुका है। सर्कल कहाँ शिफ्ट लेगा गेस करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सही वक्त है अभी प्रिडिक्ट करने का, ताकि जब तक श्रिंकन क्लोज हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि सर्कल ने कहाँ एंड किया। व्यूअर्स, दीज आर योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स प्लेइंग, आप इनसे जरूर कुछ सीखिएगा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीम लीड आ चुकी है एंड इट इज पहाड़ी द स्नाइपर बॉय राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। व्यूअर्स का फेवरेट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट स्नाइपर वी ऑल हैव लिटरली विटनेस। स्ट्रेटजीज अभी के लिए सेफ रखी गई है, अर्ली elimination, early battle pick nahi kiya gaya and we can also see team Lava Sunita all set, all ready, kahan chalenge because you've seen Sunita getting eliminated, lekin even after you get eliminated team support hamesha jari rehta hai। जहाँ गाइस और साथ साथ गाइस आपको स्ट्रीम को इतना ज्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला के लाना, आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर खेलने वाली गाइस, आपके फेवरेट प्लेयर्स यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आने वाले, तो गाइस जल्दी से जाइएगा शेयर कीजिए स्ट्रीम करना, अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला कर ले। क्या हम लोग 30,000 की वॉचिंग यहाँ पर क्रॉस कर पाएंगे? तो गाइस फटाफट से आना, जल्दी से जल्दी शेयर करना, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जी हाँ गाइस, देखना पड़ेगा। फिलहाल टीम लावा 4 किल्स अपने खाते में लेकर जाएगी, यहाँ से मार्स इलेक्ट्रिक का हीरो रहने वाले, फिलहाल छोड़ना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी यहाँ से आई थिंक सर्कल में पहुंच के तो ज्यादा फायदा रहेगा, बट सेफ खेलना कॉर्नर टू कॉर्नर कितना ज्यादा कामयाब रहेगा वो भी इनको सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। फिलहाल सुनीता कितना अच्छा लीडिंग यहां पर करने वाले अपने टीम मेंबर्स के साथ, वो भी इनको यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमको यहां पर टीम लीड गाइस इनका मुकाबला होने वाला गैलेक्सी रेसर। क्या लगता है आपको टीम लीड वर्सेस गैलेक्सी रेसर, वासियो की स्ट्रेटजी आज आपको यहां पर समझ में आ जाएगी? आप लोग नोटिस कर लीजिएगा गाइस, वासियो ऑलरेडी नीचे की तरफ रहने वाले, चट्टान का कवर लेकर रखा होता है कि अगर कोई भी टीम इस रिस से रश करती है तो वो पहले से ही यहां पर डैमेज दे पाए, कहीं नहीं कि इस टीम को थोड़ा सा कमजोर यहां पर कर पाए। बट पहाड़ी पूरा कपड़ा ट्राई करेंगे, डबल स्नाइपर रहने वाले, कार 90 M82 भी क्या रहता है गाइस, क्या कोई डाउन निकाल पाएंगे? अगर एक भी प्लेयर नॉक होता है गैलेक्सी रेसर का तो बिल्कुल रश करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ जाएगी। बट किलर एफएफ यहाँ पर फाइनली आगे की तरफ पहुंच जाएगी, नेट्स एंड फ्लैश बैंग यहाँ पर थ्रो होने वाले, इसी के साथ साथ डबल बैरल होने वाले, अंदर की तरफ जाएंगे, रश करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। चिया गाइस थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, सेफली आरडीपी यहां पर हमको देखने मिल जाएंगे। टीम लीड एक नेड यहां पर क्या कुछ वर्क कर पाएगा? फिलहाल क्रोनो एलबीटी को तोड़ा जाएगा, जॉन्टी को डैमेज देने की कोशिश, किलर को यहां पर डाउन करके रखा जाएगा। इसी के साथ क्या रिवाइव देने का मौका मिलेगा? ट्राई करेंगे प्लेयर्स जल्दी से जल्दी आगे की तरफ बढ़ पाए। पहाड़ी डबल स्नाइपर के साथ एक नेड यहां पर थ्रो करना चाहेंगे, बट एक और प्लेयर को डाउन करके रखा जाएगा, आरडीपी पहुंच हो जाएगा आखिरी प्लेयर। पहाड़ी क्या कुछ जलवा यहां पर दिखा पाएंगे देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ क्या ये प्लेयर कर पाएगा? 2B गेमर थर्ड पार्टी करने के लिए तानिया बिल्कुल रेडी रहेगी, बिल्कुल रेडी रहेगी। गैलेक्सी रेसर ने काफी ज्यादा डैमेज दे दिया है, पहाड़ी यहाँ से बच के भाग निकलना पसंद करेंगे क्योंकि सर्वाइवल पॉइंट्स भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं, अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर जाते जाते एक गैलेक्सी रेसर प्लेयर को डाउन कर दिया है, बारसा बॉय यहाँ से जाने नहीं देना चाहते, पहाड़ी के पीछे पीछे मेरिक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं, K9 हाथ में होने वाली है। अगर कनेक्ट होता है तो काफी ज्यादा डैमेजिंग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन 2B गेमर के भी प्लेयर्स काफी ज्यादा करीब, 1-on-1 सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की गई है। जल्द से जल्द मेरिक्स हील अप हो रहे हैं, पहाड़ी की लिटिल टू नो HP एंड यहाँ पर देखते इट इज गोइंग टू बी गोल्डन जो मैक 7 के साथ टीम लीड को डिलीट कर देंगे। नाउ व्हाट्स अप टू गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस 2B गेमर, अटैक शुरू हो चुका है, 4 किल के साथ एक प्लेयर को डाउन रखा गया, 3 vs 3, व्हाट अ परफेक्ट स्नाइपिंग शॉट, हर एक शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं 2B गेमर। जी बिल्कुल, और 2B गेमर के स्नाइपर गाइस एक नंबर हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल देखना पड़ेगा कितने नॉक्स और वो यहां पर निकाल के लेकर जाने गए, एक के बाद एक बॉस को तोड़ा जाएगा। फिलहाल गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो कितना शानदार जो फोकस है वो पूरा का पूरा गेम के ऊपर रहने वाला है। फिलहाल 2B गेमर ट्राई करेंगे ज्यादा से किल से अपन निकाल कर जा पाए, 2 किल्स ऑलरेडी इनके पास आएंगे, बट स्वागत को यहां पर खो दिया गया है। थर्ड पार्टी करने का मौका अच्छा खासा मिला था, बट गैलेक्सी रेसर अभी 2 प्लेयर के साथ यहां पर बची रह जाएगी, उनको पता है कि यहां से निकलना जरूरी है, एक चकमा जरूर दे दिया गया। फिलहाल जो प्लेयर्स है मैरी एक्स एंड गोल्डन नीचे की तरफ चले जाएंगे, सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल जो स्ट्रेटजीज है वो अपनाई जाएंगे। इसी के साथ साथ गाइस आपकी फेवरेट टीम यहां पर आपको देखने मिलने वाले गाइस, अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो गाइस फटाफट से शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को यहां पर बुला के लाए, उनको बताइए यार बहुत कुछ नॉलेजेबल यहां पर सीखने के लिए मिलने वाले। स्नाइपर्स कैसे चला रहे, प्लेयर्स कैसे कैसे रोटेशंस के साथ जो टीम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने वाली। गाइस एक ही बात बोलना चाहूंगा, हम लोग यहां पर जो भी टीम्स को देख रहे हैं हम किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ जाए, भले ही 2 प्लेयर्स हो 3 प्लेयर्स हो, कुछ भी यहाँ पर 3v4 2v4 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर गैसेस निकालते हुए प्रथम कनकारिया नजर आ रहे हैं कि क्लॉक टावर पर सर्कल बनेगा या फिर कहना है बिटवीन क्लॉक टावर एंड फैक्ट्री जो BFS लैप ही कहने, हम जरूर आपको बताएंगे सर्कल कहाँ हो रहा है क्योंकि टीम CRX ऑलरेडी अटैक करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर अटैक करते हुए शेरनी को डाउन कर दिया है, स्पैमिंग ऑफ फ्लू ऑल्स सीन और यहाँ पर रिवाइव देने का मौका मिल चुका है। मेरिक्स और गोल्डन घेरने की कोशिश करें, एज अ ड्यूओ का घेरना इतना आसान होगा, गोल्डन विद लिटिल HP यहाँ पर एरियाना को डाउन करने में सक्सेसफुल रहते हैं और यहाँ पर स्नेहा
अब लॉन्गर फ्लैंक रहना पसंद कर रही है. रिवाइव देने का मौका शायद ही मिले. शेरनी क्लोज है, अटैक विंडो के थ्रू करती है तो मे बी दे कैन सेव एरियाना. देखेंगे एरियाना यहाँ पर बचेंगे या नहीं. हिनाटा यहाँ पर जोन का डैमेज कर रहे. गोल्डन रश कर चुके विद इन द हार्ट कंपाउंड जहाँ पर टीम सीआरएक्स काफी देर से होल्ड करके बैठी थी. क्रोनो एबिलिटी के बावजूद नॉक नहीं निकाल पाए. हिनाटा हैज मिस्ड द गोल्डन चांस ऑफ नॉकिंग आउट गोल्डन लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग. पीछे किया जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ पर गैलेक्सी रेसर्स को एलिमिनेट कर दिया है. बट ऑन द कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी टीम टीआरएक्स. टीम लावा की एंट्री. जी बिल्कुल, टीम लावा की एंट्री हो जाएगी. देखा जाए तो क्या सीआरएक्स इवेंट फिर कोई भी क्लब ने खाते में नहीं निकाल के रखना चाहिए बट सर्कल में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाले. क्या लगता है कि सीए टीम यहां से सर्कल में निकलकर जा पाएगी नहीं जा पाएगी. बट गाइस आप लोगों इस टीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल अपर करते रहना. अपनी फेवरेट टीम्स के लिए हैशटैग यहां पर लगाते रहने. बहुत सारा सपोर्ट जो है यहां पर देखने मिल जाएगा. यहां पर कुछ कमेंट्स ऐसे आएंगे वी आर इलीटियंस, तो देखना पड़ेगा कितना ज्यादा सपोर्ट यहां पर हर एक टीम को मिलने वाला है. बट गाइस अपना लाइक टारगेट आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देगा. गाइस आवारा 007 को आप लोग देख सकते हो कितना था फोकस जो मेनली जो गेम पर किया जा रहा है. बट देखना पड़ेगा ये चारों प्लेयर्स यहाँ पर कैसा गेम प्ले दिखलाकर आगे जा पाएंगे वो भी यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर आगे जाना पड़ेगा. फ्लावर सर्कल का फायदा ब्लैक फ्लैग आर्मी के पास रहने वाला. क्या लगता है गाइस 9 टीम्स अलावा 28 प्लेयर्स कौन सी टीम यहाँ से लेकर जाएगी. भूया तो गाइस आपकी टीम होने वाली है तो बिल्कुल हैशटैग यहाँ पर लगाती रहेगा. बट यूजी एम्पायर वर्सेस लोकेश गेमर्स कैलिडन यहाँ पर क्या कुछ करेंगे. बट चीनू का एक नेड यहाँ पर क्या प्रॉपरली वर्क कर पाएगा देखना पड़ेगा. घेरने की स्ट्रेटेजी लगाई तो जा रही है बट क्या वो सर्कल में पहुंच पाएंगे नहीं. यहाँ पर विशाल को नौकर रखा जाएगा इसी के साथ शीनो एंड यहाँ पर शायद के ऊपर पूरी पूरी कमान आ जाएगी. क्या ये दोनों पर संभाल पाएंगे इस फाइट को. जरूर देखेंगे क्या दो मुमकिन है कि यहाँ पे 2v3 का क्लच निकाल पाए. शानो ने काफी ज्यादा डैमेज शायद ने काफी ज्यादा डैमेज ले लिया है. उज्जवल रेडी है ग्रेनेड के साथ अटैक करने की कोशिश की जा रही है और सक्सेसफुली यहाँ पर स्केलेटन को डाउन कर दिया गया है. शीनो का ग्रेनेड बिल्कुल सही वक्त पर लग जाता है एंड यूजी सर्वाइव्स टू सी अनदर डे टू सी अनदर बैटल. एज द ड्यूओस आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे एक प्लेयर जो है लोकेश गेमर के उन्हें भी स्पॉट किया है. वुकोंग एबिलिटी के चलते काफी इजीली क्रॉस ओवर कर चुके हैं लेकिन उज्जवल की नजरों से निकल कर जाना इतना ईजी नहीं था. यहाँ 4 किल के साथ टीम यूजी आगे जाए. टोटल गेमिंग एज अ स्क्वाड रेडी है. अभी तक एक भी बैटल नहीं लिया. काफी सेफर अप्रोच रखा गया है. अगर व्यूअर्स आपको लगता है कि फौजी अजय यहां से ज्यादा किल्स लेकर जाएंगे तो हैशटैग फौजी अजय लगाना शुरू कर दीजिए. स्ट्रीम पर आप देख पा रहे हो कि काफी सुपर डुपर फोकस नजर आ रहे हैं आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर. सीखिएगा जरूर बिकॉज दिस इज परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि किस तरीके से फोकस लगाकर खेलने से आप ये टूर्नामेंट जीत सकते हो. फौजी अजय विंडो पीक लेने की कोशिश कर रहे हैं और सीआरएक्स डिवाइन जोन से एलिमिनेट हो जाते हैं. बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे. फिलहाल देखना पड़ेगा प्रोबेबली बहुत सारी टीम्स इस जगह से सर्कल में रोटेशन लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे. बट सर्कल यहाँ पर स्मॉलर होता जाएगा बट यहाँ पर डिलीट क्या डाउन कर पाएंगे ट्राई करेंगे यहाँ पर केले पुष्पम के फाइनली यहाँ पर डाउन कर जाएगा. देखते देखते फौजी आ जाए कोई भी मौका नहीं देना चाहिए. फिलहाल आगे बढ़ना पड़ेगा इसी के साथ साथ क्या बाकी प्लेयर्स को डाउन करके रखा जाएगा. फ्लावर ट्राई करना चाहिए एक और डाउन बट फौजी अजय को फिनिश ऑफ करेंगे इसी के साथ साथ पहला किल एंड दूसरा किल अपने खाते में निकालेंगे. बट माफिया यहां पर करके डाउन हो जाएगा फिनिश ऑफ कर जाएगा टोबी गेमर को बैक टू लो. बट देखते देखते 3 किल्स यहां पर अपने खाते में निकालेंगे. बट एक और एंट्री होने वाली एक और टीम की. जी हां गाइस देखना पड़ेगा फिलहाल यहां से टोटल गेमिंग सर्कल में कैसे जा पाएगी. जो टीम ऑलरेडी सेट होकर बैठी हो कितना अच्छा गेट कीपिंग करने वाली इन प्लेयर्स का वो इनको समझना पड़ेगा. ब्लैक फ्लैग आर्मी जिया गाइस मैं बात करना चाह रहा था इसी टीम की. खाता नहीं खुला है बट ज्यादा से ज्यादा फोकस है गेट कीपिंग करने का. जितनी भी टीम बाहर से आएंगे उनके किल्स यहाँ पर उठाए जाएंगे. बिल्कुल यहाँ पर किल्स उठाए जाएंगे गेट कीपिंग किया जाएगा. टोटल गेमिंग को ऑलरेडी गेट कीप किया जा रहा है फ्रॉम ब्लैक फ्लैग आर्मी. देखेंगे कितनी ज्यादा देर तक यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं. सर्कल अभी फेवरफुल है. हर एक टीम सर्कल के कॉर्नर्स पर नजर आ रही है एंड ऑन द कोर्स टीएसजी लेजेंड ने अपनी स्नाइपर के शॉट से एलिमिनेट कर दिया यूजी को. हैशटैग लेजेंड. लेजेंड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर वन ऑफ द फाइनेस्ट रशर और हमेशा हमने उन्हें एमवीपी बनते देखा है ज्यादातर. और यहाँ पर ब्लैक फ्लैग आर्मी के प्लेयर्स अभी भी सर्कल के अंदर हैं. टोटल गेमिंग ने मौका ढूंढ लिया सर्कल के अंदर आने का. चांसेस है कि टोटल गेमिंग और ज्यादा देर तक सरवाइव करें. व्यूअर्स 5 टीम्स 14 प्लेयर्स आपके फेवरेट यूट्यूबर्स आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ऑल सेट ऑलरेडी. आवारा कैन इज आल्सो सीन ओवर हियर विद द प्रिसिशन ऑफ एम लेकिन ओजस्वी के ग्रोजा से कैसे बचेंगे. नॉट ओनली 5 दो प्लेयर्स को ओजस्वी डाउन कर देंगे विद द ग्रोजा स्प्रे. जी बिल्कुल आप देखना पड़ेगा. फिलहाल जैदू एंड आवारा यहां पर नॉक जाएंगे. जल्दी जल्दी रिवाइव देना पड़ेगा रेडी होना पड़ेगा कोर फाइट के लिए. बट यहां पर सर्कल थोड़ा शिफ्ट होने वाले. क्या लगता है टीएसजी यहां से बुया लेकर जा पाएगी यहां पर नहीं जा पाएगी. ओजस्वी लिखी एंड रित की बात करना चाहूंगा सामने बाकी टीम से यहां पर रहने वाली लिखी यहां पर कितनी अच्छी स्नाइपर चला पाए. क्या कोई नॉक यहां पर निकाल पाएंगे. फिलहाल देखना पड़ेगा धीरे धीरे करके रितिक का जो रश है वो होने वाला टोंडे गेमर के बचे हुए दोनों प्लेयर्स के ऊपर जो यहां पर डुओस बचा हुआ कितना अच्छा
सर्वाइव यहाँ पर कर पाएंगे वो इनको डिसाइड करना पड़ेगा। फिलहाल सर्कल ने शिफ्ट इन होना स्टार्ट कर दिया, सर्कल जाएगा आगे की तरफ, इसी के साथ साथ रितु के यहाँ पर आगे जाना पड़ेगा, तीन ही वॉल्स उनके पास यहाँ पर रहने वाले। क्या लगता है गाइस, टोंडे गेमर को रोकना क्या इतना आसान रहेगा? फिलहाल आगे बढ़ेंगे इसी के साथ साथ, डिलीट को भी अपना करके रखा जाए, एक और हेडशॉट एलिमिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर देख पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर फाइनली एलिमिनेट कर देगा, तीन टीम से लाइव रहने वाले। क्या लगता है गाइस, क्या वो आपके फेवरेट टीम लेंगे? टीम लावा टीएसएन ब्लैक फ्लैग आर्मी कौन लेकर जाएगा यहाँ से? बुया जरूर देखेंगे। और यहाँ पर शेक हो रहे हैं, लिखी अकेले बच गए, स्नाइपर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैदू के लिए काफी ज्यादा हैशटैग्स आ रहे थे और जैदू अपने स्नाइपर से कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर लिखी को स्पॉट करके रखा है, डाउन करने की कोशिश की जा रही है, सक्सेसफुली शॉट्स कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर एलिमिनेट भी कर दिया गया है। ब्लैक फ्लैग आर्मी वर्सेस टीम लावा सुप्रीम यहाँ पर डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, कसाना ने आवारा को डाउन कर दिया है। सुल्तान विद लिटिल नो एचपी, चेंज ऑफ बुलेट्स इज ऑल ऑन द स्क्रीन। व्यूअर्स देखेंगे फाइनल नेल इन द कॉफिन, कौन नॉक करेगा ब्लैक फ्लैग आर्मी। Eliminated and it is going to be Team Lava taking away the booyah with total of 11 kills. First frag bhi Team Lava se nikla gaya tha, finisher bhi Team Lava se nikla gaya hai. जी बिल्कुल, और हैशटैग टीम लावा इन द कमेंट सेक्शन लगा दीजिएगा। इसका सारा एमवीपी होने वाले, बहुत सारी किस्सा पर कहने की निकाली गई। तो गाइस अगर आपने तो स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो गाइस एक साथ लाइक करना, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के ऊपर बुला कर ले, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर प्रसाद से पूछा जाएंगे, प्रसाद आपने पूरी की पूरी जो फाइट थी वो यहाँ पर देखी, और हर टीम एक दूसरे को डोमिनेट करते हुए आगे बढ़ रही थी। जी बिल्कुल, आज के इस टूर्नामेंट में खूबसूरत बात गाइस यही कहना चाहूंगा मैं कि यार हर एक सेकंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये टीम जीतेगी, ये टीम बुआ करेगी, वो टीम बुआ करेगी, बिकॉज एक के बाद एक कहीं ना कहीं ये सितारा चमकने की कोशिश कर रहा है। एंड जी हां गाइस, कहना ना कि इनकी रोशनी कोई और टीम से छीनी जा रही है। जी हां गाइस, आज हमारे साथ बहुत सारे सितारे जुड़ चुके हैं। एंड जी हां, जैसा कि हम फेस कैम देख रहे हैं हर एक प्लेयर का, तो गाइस थोड़े देर बाद यहां पे और भी ज्यादा प्लेयर्स के फेस कैम हमें नजर आने वाले हैं। आपके यूट्यूबर्स और भी ज्यादा वेट कर रहे हैं गाइस, तो आपको भी वेट करना होगा, उनको यहां पे थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जरूर। बट यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, कमेंट में बताते रहेगा कि आप आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। बट संजीव बात करना चाहूंगा मैं टीम लावा के बारे में, पहले मैच में इतनी स्ट्रांग लॉबी में यहाँ पे इतना तगड़ा डोमिनेशन, बिल्कुल पर बहुत ही अच्छा डोमिनेशन यहाँ पर करने की देखने के लिए मिला। स्टार्टिंग में सेंटोसा के ऊपर उतरे थे, सबसे पहले टीम को यहाँ पर एलिमिनेट किया गया, तीन ही प्लेयर्स इनके पास बचे हुए थे। अच्छा खासा रोटेशन लेकर पूरा का पूरा बहुत लंबा रोटेशन लिया गया, सर्कल में पहुंचे और जैसे जैसे करके एक बुआ अपने नाम किया गया। बट टोटल गेमिंग यहाँ पर थोड़ा सा चूक गई क्योंकि उनके पास सर्कल नहीं था, सर्कल में जाने के लिए उनको आगे बढ़ना था। एक तरफ टीम लावा थी, एक तरफ ब्लैक फ्लैग आर्मी बैठी हुई थी, दोनों तरफ से गोले चलाए गए, थर्ड पार्टी करने का मौका कोई भी नहीं छोड़ता गया। सो फ्री किट से यहाँ पर हर एक टीम चाहिए कि अपने खाते में लेकर जा पाए, बट वही टीम देर तक टिकती है जो सही से सर्कल प्रेडिक्ट करेगी। तो गाइस आप लोगों को भी यहां पर सर्कल प्रेडिक्ट करने का हम लोग बिल्कुल मौका देने वाले, सर्कल हम लोग बार बार दिखाएंगे, तो आप लोग गैस कीजिएगा कि सेकंड सर्कल कहां पर जाने वाला है। तानिया एब्सोल्युटली बताइएगा, एंड व्हाट अ परफेक्ट प्रेडिक्शन, खेम मोगोर ने बिल्कुल सही बताया था। जब पांच टीम्स अलाइव थी तो उन्होंने गेस किया था कि टीम लावा बुआ करेगी और हैशटैग एनपीएमपी लगाया था। हैशटैग लगाते जाइए, आपके फेवरेट टीम आपके फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करिए। बट कमिंग बैक टू द व्यूअर्स का इन्फ्लुएंसर्स का ग्राइंड चल रहा है, ये ग्राइंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख पा रहे हैं कोई टीम है जस्ट लाइक टोटल गेमिंग जो सर्कल को पहले प्रायोरिटी देते हैं, हमने देखा टीएचई रोटेशंस में बैटल लेती है, तो दिस इज द परफेक्ट लर्निंग प्रोसीजर। आप आपके फेवरेट यूट्यूबर से, आप आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर से लर्निंग का बिल्कुल मौका पा रहे हैं। कमिंग अप फ्रॉम game.tv, चूकिएगा नहीं, रोटेशंस नोटबुक पास रखिए, सिर्फ इस चीज के लिए नहीं कि किसने कितने पॉइंट्स लिए, बट रोटेशंस लैंडिंग पॉइंट्स हर चीज स्टडी करते रहिए। आई थिंक प्रसाद क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि गाइस आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस बिल्कुल बना के रखने, बिकॉज इन सेवन मैचेस के बाद आपसे हम सवाल यहाँ पे पूछने वाले कि यार कौन सी टीम यहाँ पे टॉप थ्री पोजीशन में एक्वायर करके रहेगी, तब आपको ये सारे कैलकुलेशंस काम आएंगे। जी हाँ गाइस, एक और बात कि जैसे कि ये ग्रैंड स्क्रीम जैसे बहुत स्पेशल टूर्नामेंट हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो गाइस इस सारी स्पेशल टूर्नामेंट खेलने का मौका आपको भी मिल सकता है अगर आप कैरी मिनाडी की गिल्ड ज्वाइन करते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देख रखा है, तो गाइस ये सारे स्पेशल टूर्नामेंट उसी गिल्ड में होने वाले हैं, ये सारी टीम्स आपके विरुद्ध वहां पर परफॉर्म करेगी, तो आपको मजा आएगा। कहीं ना कहीं यार ये मीटअप कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा संजीव, बिकॉज यार फ्रेंड्स अपने टीममेट को और अपनी जो आइडल टीम से उनको मिलने का मौका उनको जरूर मिलेगा। हाँ गाइस, तो आप लोग यार अपनी फेवरेट टीम्स के साथ खेल सकते हो, आपका मौका मिलेगा उनको डोमिनेट करने के। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आवारा, लोकेश गेमर, टीम लावा से सुनीता एंड फौजी अजय, तो गाइस चारों प्लेयर्स का जो फोकस है वो कितना ज्यादा गेम पर रहने वाला है। बट गाइस जो प्रेशर है वो भी यहाँ पर कहने की गेम के अंदर देखने के मिलेगा। फिलहाल तो एक सेफ गेम प्ले यहाँ पर दिखाया जा रहा है, टीम लावा जो बुआ यहाँ पर लेकर गए वो कितनी अच्छी लीड यहाँ पर बरकरार रख पाएगी वो इनको डिसाइड करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टेंट स्पीड से यहाँ पर
आगे बढ़ना पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ साथ हमारा अगला मैच यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल बात करूंगा प्लेन पाथ को लेकर, तो यहाँ पर क्रॉस रोड से होता हुआ फायर ब्रिगेड एंड लंबर बिल की तरफ से निकल जाएगा। जी हाँ, एंड टोटल गेम इन जाएगी क्रॉस रोड के ऊपर। इसी के साथ साथ टीम लीड स्कीलोज के ऊपर जाते हुए हमको नजर आने वाले। फिलहाल यूजी एम्पायर की बात की जाए तो मार्बल वर्क्स का एरिया उनके अंडर में आने वाला। फिलहाल टीएसजी ब्राजीलिया के ऊपर उतरना पसंद करते हैं। इसी के साथ उनके साथ में कितनी टीम्स यहाँ पर उतरने वाली वो भी हमको देखना पड़ेगा। बट गाइस यहाँ पर देख कर ये लगने वाला है कि यार ब्लैक फ्लैग आर्मी क्या कुछ चलवा यहाँ पर खेलेगी वो भी देखने के लिए मिलेगा। टीम लावा रोमियो खेमर जी आ गए, तीन से चार टीम यहाँ पर उतरने वाली। क्या कहना चाहेंगे प्रसाद? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि फैन की तरफ से जो सपोर्ट आ रहा है बहुत ज्यादा बढ़िया आ रहा है। एक यार एक कमेंट यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा था, सरोज पात्रा की तरफ से कह रहा है कि जादू करेगा टीजी, डिलीट करेगा सबको बिजी। तो गाइस देखेंगे आज यहाँ पे डिलीट कितने प्लेयर्स को बिजी कर पाता अपने रोटेशंस के चलते। पहाड़ी विद अ लॉट ऑफ फोकस यहाँ पे अपने मैजिकल फिंगर के साथ आगे बढ़ रहे, बट मैजिकल फिंगर्स में आज यहाँ पे अब इस पर्गेट मैप में मैजिकल वेपन नहीं नजर आ रहा है। देखेंगे पहाड़ी को यहाँ पे कब तक स्नाइपर मिलते हैं। फिलहाल लूरी के बारे में बात किया तो पास के साथ एक प्लेयर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। क्लासी यहाँ पे बिल्कुल सूरज की किरने और भी ज्यादा चमक उठेगी। अपना चौथा खेल ढूंढने की कोशिश में अगर ओपन एरिया में जाएंगे तो LR7 इनकी पार्टी को जरूर ज्वाइन करेंगे। पर खेलने वाले गाइस उनको मौका दीजिए उनके गेम प्ले खेलने के। आपको भी पता चलेगा जब यार प्रो लॉबी में एक साथ बड़ी बड़ी टीम टकराती है तो रिजल्ट्स क्या निकलेगा, कौन सी टीम किसको डोमिनेट करेगी, कौन आज के विजेता यहां से बनकर जा पाएंगे। तो गाइस लोकेश गेमर को आप लोग यहां पर देख सकते हैं। फिलहाल फोकस पूरे का पूरा गेम के ऊपर रहने वाले। स्नाइपर शॉट डबल कैच करेंगे फिलहाल एक डाउन। जी हां, यहां पर फिनिश शॉट करेंगे, पहला किल अपने खाते में निकालते, कोई भी मौका नहीं दिया। लोकेश गेमर बहुत अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए कहने की कर दी गई है, बट सामने टोंडे गेमर कैसे अपने आप को बचा पाएंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर रहने वाला। शीनो यहां पर आगे बढ़ेंगे, एक और किल अपने खाते में यहां पर निकाला जाएगा। बहुत अच्छी शुरुआत करते हुए टीम से यहां आगे बढ़ेंगे। तो जी हाँ गाइस, बिल्कुल बोलना चाहूंगा लोकेश गेमर कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल सोच समझ कर यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चारों पे बिल्कुल ओपी लेवल का गेम प्ले दिखाना चाहेंगे, बट कृपेश यहां पर क्या रोक पाएंगे? लोकेश गेमर खुद यहां पर जंप एंड शूट की टेक्निक क्या यहां पर कामयाबी कर पाएंगे? हाथ से जी पीछे से पूरे का पूरा कवर फ्लाई मिलेगा। ओ माय गॉड, यहां पर जिया बिल्कुल एलिमिनेट किया जाएगा। कवर फायर के साथ पूरा बैकअप यहां पर रेडी रखा गया था। जैसे ही यहां पर लोकेश गेमर ने जंप किया, वॉल लगाई पीछे से सामने वाले प्लेयर ने, बट कहीं ना कहीं जो बाकी प्लेयर थे वो रेडी थे एंड बिल्कुल भी मौका नहीं दिया सोचने का समझने का। तीन किल्स देकर पहली टीम को एलिमिनेशन यहां पर दे दिया गया है। जी बिल्कुल, देखेंगे पर्गेटरी मैच को अगर अपना करेंगे हमारी LR7 यानी कि बुया करेगी तो यार लोकेश भाई के सीरियस एंड फोकस फेस के ऊपर एक स्माइल जरूर हमें नजर आएगी। फिलहाल बात करेंगे हम टीम लावा के बारे में जिन्होंने आखिरी मैच में एक बुया किया था, ब्राजीलिया को अपना करने के लिए आ चुके हार्ट ऑफ द पर्गेटरी यहां पे कहा जाता है। एक टीम इनके साथ ग्राउंड शेयर जरूर कर रही है। देखेंगे गाइस सबसे पहले टीम लावा किस टीम के साथ पंगा लेना चाहेगी, बिकॉज यार पिछली बार हमने देखा था काफी भारी भरकम डबल डिजिट किल के साथ वो बुया हमें नजर आया था। जी गाइस, वो बुया इसलिए उन्होंने लिया ताकि उनकी क्योंकि उनके पास यार सर्कल का एडवांटेज है, वो प्रेडिक्शन सर्कल का पोजीशन जोन में यहां पे एंटी एंड हार्ड कवर उनके पास बहुत ज्यादा बेहतरीन था, उसके चलते एक कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, फैंस का दिल यहां पे जीत लिया। बट देखेंगे क्या कंसिस्टेंसी यहां पे दिखा पाएंगे या फिर से एक बार यहां पे फैंस का दिल पगेटी के इस मैच में जीत पाएंगे या फिर नहीं। बट गाइस आपको यहां पे अलर्ट रहना होगा, आपको अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। गाइस कैरी मिनाटी की गिल्ड को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने देखे रखा है। ये सारे स्पेशल टूर्नामेंट खेलने का मौका आपको भी मिल सकता है अगर आप यहां पे कैरी मिनाटी की गिल्ड ज्वाइन करते। तो आवारा विद अ लॉट ऑफ फोकस यहां पे बिल्कुल तैयार है, रेडी है यहां पे टीएजी के साथ पंगा लेने के लिए। आई थिंक यहां पे आवारा भाई को सामने टीएजी के सारे प्लेयर स्पॉट हो चुके हैं। एक रश यहां पे टीएजी ने करने की ठान लिया। गाइस आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर
जाएगा अगर टीएजी वर्सेस बीएफए आर्मी का अगर ये फाइट शुरू हुआ तो ब्राजीलिया के ऊपर कौन सी टीम सबसे आखिर तक यहाँ पे अलर्ट रहेगी। फिलहाल यहाँ पे नीचे के साइड यानी कि गराज के साइड हमारी बीएफए की टीम होने वाली थोड़ा सा डैमेज, यहाँ पे चला जाएगा आवारा भाई को यहाँ पे नॉक किया जाएगा। एंड बात करेंगे हम यहाँ पर अननोन एक्स की, तो वो यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करेंगे आवारा को रिवाइव करने के लिए। देखेंगे इस बार यहाँ पे टाइम मौका मिल पाएगा यहाँ पे नहीं, बट लेजेंड यहाँ पे बिल्कुल दारा शो हो जाएंगे। गॉर्जियस भी का एक कवर फायर आ जाएगा, 1v2 क्लच विद मैक्स 7 यहाँ पे नजर आएगा गाइस। हैशटैग टीएच इन द चैट यहाँ पे देखते देखते चुटकियों में यहाँ पे बैक टू लॉबी भेजा है। चार किल्स, जैसा कि हम संजीव सोच पा रहे थे कि यार इस टूर्नामेंट से शुरुआत में हमने तय किया था कि आज सिर्फ और सिर्फ रश देखने को मिलेगा, बिकॉज 12 के 12 यहाँ पे एक से बढ़कर एक टीम है। बिल्कुल एक से बढ़कर एक टीम रहने वाली। जी गाइस, एंड गाइस हमारा जो लाइक टारगेट है वो यहाँ पर 22,000 लाइक्स करने वाला है। एक साथ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना। फिलहाल बात करूंगा सीआरएस शिवानी, यहाँ पर शेरनी कैप्टन होने वाले टीम के, देखना पड़ेगा ये कितनी ज्यादा अच्छी लीडिंग करने वाली। फिलहाल शेरनी यहाँ कितना अच्छा गेम प्ले दिखला पाएंगे, कितनी टीम्स का एलिमिनेशन यहाँ पर दिया जाएगा हिनाटा हरियाणा से। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स में चेंजेस जो है वो यहाँ पर किए गए थे, बट शेरनी यहाँ पर फुल जो सपोर्ट है वो यहाँ पर लेना चाहेंगे। लाइक अच्छा गेम प्ले यहाँ पर निकाल पाए, अच्छे अच्छे टीम्स के यहाँ पर एलिमिनेट कर पाए, अपना नाम बनाने का मौका हर एक टीम के यहाँ पर मिलने वाले। तो गाइस टीम्स यही ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा टीम्स का एलिमिनेशन दे पाए, टॉप पोजीशन यहां से कहने के लेकर जा पाए। बट गाइस आपके जितने भी कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आने वाले, लोकेश ओपी के लिए बहुत ज्यादा हैशटैग लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आलोक गुप्ता की तरफ से कमेंट यहाँ पर निकल कर आया, साथ साथ टोंडे गेमर, ब्लैक फ्लैग आर्मी, टीजी, गैलेक्सी रेसर, हर एक चीज हमको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। गाइस आप लोग वासियों को यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है। इस टीम के पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे नहीं लगता किसी भी टीम के पास इतना एक्सपीरियंस आज यहाँ पर होने वाला है। फिलहाल वासियों है तो मुमकिन है, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लगा दीजिएगा। और साथ साथ ये प्लेयर कितनी ज्यादा ऊपर तक अपनी टीम को लेकर जा पाएगा, तो गाइस यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। वासियों को देख सकते हैं, पूरा का पूरा फोकस रखा जाएगा हर एक डायरेक्शन में, जो नजर है वो कहने के रखने हैं। गाइस मैं भी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज यहाँ पर देना चाहूंगा, जितने भी प्रोटीम्स होते हैं गाइस, लाइक यहाँ पर वासियों की बात किया तो उनका मेन मोटिव यही रहेगा कि लाइक किसी एरिया को छोड़कर किसी एरिया में जा रहे हैं तो सामने लेफ्ट राइट यार पीछे हर एक डायरेक्शन में देखकर चलना है कि यार थोड़ा थोड़ी नजरें बना लो हर सेकंड में, ताकि आपको समझ में आ पाए कि कहीं से कोई और टीम आके थर्ड पार्टी ना कर दे। अक्सर ऐसा होता है कि यार आप लोग सीधा सीधा भागे जा रहे हो, आप लोगों ने राइट नहीं देखा, लेफ्ट नहीं देखा और टीम से एकदम से पास में आ जाती है, एक प्लेयर को जो है वो डाउन कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, वन मैन स्टैंडिंग यहाँ पे होने वाले 2v गेमर की तरफ से अकेले। यहाँ पे 2v भाई देखेंगे कितना ज्यादा अच्छी सोलो सर्वाइविंग यहाँ पे कर पाएंगे। टोटल गेमिंग के बारे में बात किया तो यहाँ पे चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव है, तो गाइस आपकी फेवरेट टीम अभी भी यहाँ पे मौजूद है, तैयार है पॉकेट के इस मैच के बुया को अपने खाते में लेने के लिए डिलीट, जिसके बारे में यहाँ पे फैंस बहुत ज्यादा स्पैम कर रहे हैं। देखेंगे आपके डिलीट गाइस आज यहाँ पे कितना तगड़ा परफॉर्मेंस करेंगे, बिकॉज डिलीट हमेशा उनका एक ही काम है, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। देखेंगे कितने सारे प्लेयर्स को यहाँ पे डिलीट कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे यूनाइट होना होगा, सबसे पहले यहाँ पे सर्कल को एक्वायर करना होगा। पिछली बार कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ टीम लावा ने वो बुया अपने नाम किया था, अगर विजय की बात की जाए तो फौजी अजय नाम सबसे पहले जुबा पे आता है। देखेंगे फौजी अजय यहाँ पे विजय प्राप्त करने के लिए अपने तीनों प्लेयर्स को कितनी अच्छी तरीके से लीड कर पाएंगे, जो होने वाले इनके माफिया, अंश एंड डिलीट। देखेंगे इस बार यहाँ पे स्नाइपर टावर होने वाला है एंड सामने एक मौका भी होने वाला है। जी हां गाइस, यूजी का एक कमाल का रश टोटल गेमिंग के ऊपर हो रहा है। देखेंगे इस रश को क्या हमारी टोटल गेमिंग तोड़ पाएगी या फिर यूजी के चारों प्लेयर्स यहाँ पे बैक टू बैक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जवल की तरफ से यहाँ पे फ्लैंकर का रोल प्ले किया जा रहा है, क्या यहाँ पे पंगा लेना पसंद करेंगे, क्या यहाँ पे यूजी को टोटल गेमिंग स्पॉट हो चुका है। अगर स्पॉट नहीं हुई है तो आई थिंक एक धप्पा जरूर देना चाहेंगे एंड फौजी अजय के हाथों में। गाइस इस बार वीएसएस रिपर बुलेट होने वाले, हम सभी को पता है कि ये गन यहाँ पे कितनी ज्यादा प्रभावशाली, अगर किसी प्लेयर ने यहाँ पे हार्ड कवर भी ले लिया तब भी यहाँ पे हार्ड कवर के पीछे डैमेज पड़ता रहेगा एंड आखिरकार यहाँ पे नॉक निकाल के एक रश हमें देखने को मिल सकता है। बट ये तो एक नया सरप्राइज नजर आ रहा है संजीव, बिकॉज एक बार ऐसा लगा था कि टोटल गेमिंग एंड यूजी एक दूसरे के आमने सामने जरूर आएगी, बट कहना कि अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, आई थिंक पंगा लेना चाहती है। जी बिल्कुल, ऑडिशन में बिलीव किया जाएगा, बट देखना पड़ेगा गाइस टीम लीड यहाँ पर लेने वाले। डेंजर जोन ने कहने के दस्तक दे दी है, फिलहाल देखना पड़ेगा। आई थिंक ड्रोन व्यू की वजह से हमको सेफ्टी नजर आने वाले, फौजी अजय स्नाइपर टावर के ऊपर रहने वाले, बट यूजी कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, अपने अपने एरियाज को एक्वायर किया जाएगा। फिलहाल देखना पड़ेगा जी एक्सआर गैलेक्सी रेसर यहाँ पर कितनी देर तक अपने आपको रोक कर रख पाएगी। फिलहाल टीम लावा की बात किया तो गाइस अच्छा खासा एरिया उनके पास भी रहेगा, कसाना सुनीता यहाँ पर रहने वाले, दूसरे जो प्लेयर्स है बाकी थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएंगे, सेंट्रल की तरफ बढ़ते सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। लोकेश गेमर यहाँ पर ट्राई करना चाहिए, खुद आपके फेवरेट टीम्स गाइस आपके फेवरेट प्लेयर्स यहाँ पर खेलने के लिए आए, तो देखना चाहेंगे हम लोग भी कि टीम से यहाँ से कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। रोमियो गेमर क्या कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लेकर जा पाएंगे, इनके पास तो अच्छे खासे प्लेयर्स हमको देखने के लिए मिल रहे थे, बट गाइस यहाँ पर टीम लेट ने ऑलरेडी स्पोर्ट्स कार सेट करके रखे हुए। तो फिलहाल पहाड़ यहाँ पर फटाफट से कार के अंदर बैठेंगे, अपने टीम मेंबर को बिठाएंगे या फिर उनको यही बोलेंगे यार आप लोग जाइए, मैं तेजी में पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो देखना पड़ेगा फिलहाल सर्कल में पहुंच के कितने सारे खेल से निकाले जाएंगे, तो गाइस बिल्कुल तैयारियां कर ली गई, धीरे धीरे करके यहाँ से आ जाएंगे। कहीं ना कहीं
ड्रिफ्ट करते हुए आगे जाएंगे, तो फिलहाल पहाड़ी को सेफली आगे जाना पड़ेगा। एंड कंपाउंड्स खाली हैं या फिर नहीं वो बिल्कुल यहाँ पर नोटिस करना पड़ेगा। खाली रहेंगे तो बिल्कुल एक सेफ गेम प्ले यहाँ से दिखला कर जा पाएंगे। तो गाइस 10 टीम्स लाइव रहने वाले। गाइस अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो गाइस एक साथ लाइक करना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को यहाँ पर ब्लॉक लाना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर यहाँ पर सेट कर देना। तो जी हाँ गाइस एक साथ लाइक करना, साथ साथ गाइस क्या हम लोग यहाँ पर 30,000 की वॉचिंग क्रॉस कर पाएंगे। तो गाइस जल्दी से जाना शेयर करना, अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला कर लाना है। जी बिल्कुल, एक बेहतरीन मौका गाइस आपको यहाँ पे मिल चुका है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे भारत के सर्वर के बहुत ज्यादा बेहतरीन इन्फ्लुएंसर्स आपके सामने अपना परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो यार इवेंट्स है, ये game.tv क्रिटिकल एक्स दोनों आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं गाइस। ये इवेंट्स आप अगर बार बार देखना चाहते हो तो आज का हमारा वॉचिंग टारगेट होने वाला है गाइस 30,000 का, वो आपको जरूर क्रॉस करना होगा ताकि आप हर बार ये प्यारे से इवेंट बहुत बार देख पाओ एंड बार बार अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को यहाँ पे खेलते हुए नजर आ पाओ। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पे हैशटैग लगेगा अपने फेवरेट टीम के एंड शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम को ताकि आपके इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे बार बार आ पाए, आप उनको देखने का मजा यहाँ पे यानी कि लुप्त यहाँ पे उठा पाए। फिलहाल लोकेश गेमर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपने सारे प्लेयर्स को आगे बढ़ाने की। एरिया होने वाला है गाइस ब्राजील का ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे एक टीम होने वाली, देखेंगे इस बार यहाँ पे इस टीम को बैक टू लॉबी भेज पाएंगे या फिर नहीं। लोकेश गेमर राइट साइड का फ्लैंक, लेफ्ट साइड यहाँ पे प्लेयर थोड़ा सा स्पॉट जरूर करना होगा। अगर ओपन एरिया में पकड़े जाते तो बिल्कुल इसका खामियाजा उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। M87 बिल्कुल यहाँ पे होने वाली संजीव जी, बिल्कुल यहाँ पर देखना पड़ेगा। फिलहाल टीम लावा जिया का इस बात करूंगा, सुनीता हमको यहाँ पर कहने की देखने मिल जाएगी। सी के साथ साथ गाइस देख सकते हैं बिल्कुल सेफ गेम ले, कोई भी प्रेशर अभी तक डाला नहीं गया, बट सर्कल किसके फेवर में जाएगा। लोकेश गेमर वर्सेस यहाँ पर चलने वाले रोमियो गेमर, फिलहाल पहला आई थिंक एक और किल अपने खाते में निकाल कर लेकर जाना चाहेंगे। देखना पड़ेगा कितनी देर तक इस एरिया को यहाँ पर होल्ड आउट करके रखा जाएगा। चारों प्लेयर्स लाइव है, मैन एडवांटेज में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसी के साथ साथ गाइस आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल लोकेश गेमर क्या एक और बार के लिए अपन निकाल कर दे पाएंगे। स्नाइपर बहुत अच्छी खासी चलाई गई थी कहीं ना कहीं लंबर मिल के ऊपर, बट इस बार कितने किल्स इनके पास यहाँ पर निकल कर आ पाएंगे। ट्राई करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अच्छे पॉइंट यहाँ से निकाल कर लेकर जा पाए। बट गाइस क्या लगता है ये प्लेयर कितनी ज्यादा तबाही यहाँ पर मचाने वाले और साथ साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। सामने उनको जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बट गाइस टोटल रैंकिंग यहाँ पर आ चुकी है, टीम लावा टॉप पर बैठी रहेगी, 23 पॉइंट्स उनके पास यहाँ पर रहने वाले। सेकंड पर होने वाली ब्लैक फ्लैग आर्मी देखा जाए तो गाइस अच्छा खासा 6 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर बना, आई थिंक 9 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पर बनाकर रखा गया है। एनसी के साथ साथ टीएचसी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, 13 पॉइंट्स यहाँ पर रहने वाले गाइस। तो क्या लगता है ये टीम जो सबसे पहले टॉप कर रही है उनके पास जो डिफरेंस है यहाँ पर ऑलमोस्ट 9-10 पॉइंट्स का है, तो बाकी टीम्स के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ साथ जो टीम्स यहाँ पर बॉटम में लाइक 9th, 10th, 11th टाइप उनको यहाँ पर एक शानदार कम बैक कहीं ना कहीं करना होगा। जी बिल्कुल, देखेंगे यहाँ पे यार कौन सी बॉटम टीम आज कम बैक कर पाएगी, बिकॉज गाइस कहीं ना कहीं अपनी रोशनी जो है वो यहाँ पे पर्गेटरी मैप में या फिर कलर में हर एक मैप में फैलाने होगी ताकि बहुत सारी टीम यहाँ पे कमबैक कर पाए। टोटल गेमिंग चारों प्लेयर्स अलाइव एंड हम यहाँ पे बिल्कुल मजा देखने वाले गाइस डिलीट के उस पावर का, जहां पे डिलीट बहुत बार क्लचेस करने वाले। थोड़ी देर बाद गाइस कोई ना कोई टीम जरूर टोटल गेमिंग के मेहमान नवाजी करने के लिए आएगी, देखेंगे उस बार यहाँ पे डिलीट उनकी खातिरदारी किस प्रकार से करते हैं। आवारा लोकेश गेमर टीम लावा की सुनीता जी यहाँ पे होने वाले हैं टोटल गेमिंग से, फौजी अजय बिल्कुल तैयार है विजय पाने के लिए, देखेंगे इस बार यहाँ पे लास्ट 7 शायद आई थिंक यहाँ पे ठान लिए कि एक रश यहाँ पे किया जा सकता है। देखेंगे इस बार यहाँ पे डैमेज दे पाएंगे या फिर रोमियो गेमर की टीम, बिल्कुल इनके सामने होने वाली गाइस। लोकेश गेमर यहाँ पे कहना कि नई स्ट्रेटजी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल डैमेज करेंगे। आई थिंक ग्रेनेड अगर रहते तो इस बार यहाँ पे रोमियो गेमर की टीम को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा काम आते, बट थ्रोएबल आइटम्स नहीं, बट कहना कि हैंड कैनन जरूर अपना काम करेगी आगे बढ़ने की कोशिश। यहाँ पे लोकेश गेमर बिल्कुल पीछे होने वाले कवर फायर देने के लिए M87 इनके पास यहाँ पे होने वाली 3 ग्लूवॉल्स है, 4 मेडिकेट है। कहना कि इस फाइट में यहाँ पे हीलिंग रिसोर्सेस काफी भारी भरकम है, बट देखेंगे यहाँ पर क्या डोमिनेशन का एक दूसरा नाम बन पाएगा या फिर नहीं, बिकॉज गाइस ये एरिया होने वाला ब्राजील का एंड यहाँ पर सिर्फ एक चीज काम आती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ डोमिनेशन, बिकॉज बहुत बार एक के बाद एक नई नई टीम यहाँ पे इनके पार्टी ज्वाइन करने के लिए आते हैं। देखेंगे लोकेश गेमर विद 7-9 यहाँ पे क्या डैमेज दे पाएंगे यहाँ पे, बट सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन स्पॉट करनी होगी तभी यहाँ पे बूम बम वाला सिचुएशन देखने को मिल सकता है। बट दूसरी तरफ टीम एलीट बिल्कुल एक मैच में यहाँ पे फाइट में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी एंड कहना की पास है यहाँ पे बिछा के रखे ग्रेनेड जो फेंके गए उनसे थोड़ा सा बचना होगा, अपने ग्रेनेड से यहाँ पे नॉक हो जाएंगे एंड गलती की कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं होने वाली। आई थिंक आरडीपी को बचाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा, बट आरडीपी सक्सेसफुली यहाँ पे बच जाएंगे। ग्लू वॉल तो लगा दी थी खुद को बचाने के लिए एंड ग्लू वॉल के पीछे की तरफ से यहाँ पे आरडीपी को रिवाइव जरूर मिल जाएगा। टीम एलीट के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे होने वाले, देखेंगे पहाड़ी को तो जरूर खो दिया बट क्या हमारे किलर आरडीपी एंड जॉन्टी जो होने वाले वो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं। गाइस क्या लगता है आपको ब्राजील के ऊपर कौन सी टीम यहाँ पे बिल्कुल ये जो ब्राजील का दिल है यानी कि पर्गेटरी का दिल है गाइस उसको जीतेगी और आपके दिल को यहाँ पे खुश करके बिल्कुल राज करेगी। फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे टीएजी के बारे में, तो 4 किल्स खाते में 3 प्लेयर्स लाइव है, क्या लगता है
है संजीव, यहाँ पे टीम इलिट के तीन प्लेस, टीएजी के तीन प्लेस, 3v3 अगर पैडल पिक की तो एलआर 7 का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल देखना पड़ेगा। फिलहाल तो ये फाइट सीआरजीवन वर्सेस टीएचएम को यहाँ पर देखने मिल जाएगा। टीम इलिट चिया गाइस नॉटा का नॉक करके निकल जाएगा। आरडीपी कवर पूरा का पूरा, प्रेशर यहाँ पर बना जाए, ऋतिक यहाँ पर डाउन निकाल पाएंगे। फिलहाल पीछे से लोकेश गेमर की एंट्री यहाँ पर होने वाली है। बहुत सारे टिप्स इसी रास्ते से सर्कल में जाने की कोशिश करेंगे, बट देखना होगा ये रास्ता कितना ज्यादा सेफ रहने वाला है। टीम्स को यहाँ पर एलिमिनेशन दिया जाएगा, टीम लावा एलिमिनेट हो जाएगी। इसी के साथ साथ टीएचजी क्या एक अच्छी फाइट यहाँ पर पिक कर पाएंगे। फिलहाल किलर एफएफ यहाँ पर ट्राई करना चाहिए, धीरे धीरे करके यहाँ से आगे बढ़ते हमको नजर आने वाले। टीम इलिट से गाइस तीन प्लेयर्स बचे रहेंगे, दो किल्स अब निकाल कर रखा जाएगा। शेन यहाँ पर M79 से जॉन्टी को नॉक करके रखना चाहिए, फिनिश ऑफ कर पाएंगे। किलर यहाँ पर ट्राई करेंगे, इसी के साथ साथ आगे जाना कितना सेफली यहाँ पर सेफ रहेगा, बट लोकेश गेमर को दूसरे पर एलिमिनेशन दिया जाएगा। इसी के साथ साथ फिनिश ऑफ करेंगे, सीआरएक्स जीवन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। दो टीम यहाँ पर बची रहेंगे, टीएचजी वर्सेस टीम इलिट। जी हाँ गाइस, क्या करना चाहेंगे टोटल गेमिंग के प्लेयर्स यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए नजर तो आ रहे, बट टू बी गेमर इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे अपने टीम से। एंड क्या लगता है गाइस, अकेला प्लेयर सर्वाइव कर पाए क्या? टोटल गेमिंग यहाँ से भूया लेकर जा पाए क्या? गैलेक्सी रेसर मात दे पाए कि हर एक टीम को? ट्राई करेंगे डिलीट के हेडशॉट्स यहाँ पर बिल्कुल ऑन पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। तो गाइस क्या हम लोग यहाँ पर 35,000 की वॉचिंग क्रॉस कर पाएंगे? गाइस जल्दी से जाइएगा, शेयर कीजिए स्ट्रीम को, अपने दोस्तों को यहाँ पर ब्लॉक लाइएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो गाइस एक साथ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। डिलीट यहाँ पर क्या डिलीट कर पाएंगे? फिलहाल तो फौज ये थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन में होने वाले, क्योंकि पानी में अगर डाउन, आई थिंक डाउन तो नहीं होंगे, डायरेक्ट फिनिश ऑफ हो जाएंगे। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा रिस्क हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। जी बिल्कुल, एक छोटा सा सर्कल, 5 टीम 11 प्लेयर्स यहाँ पे होने वाले। जी एक साथ टोटल गेमिंग यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने देखेंगे। डिलीट यहाँ पे अपनी शुरुआत कर पाएंगे, यहाँ पे अपने 5 किल्स यहाँ पे अपने खाते में छोड़ तो जरूर रखे। जी हाँ गाइस, बात करेंगे अब यहाँ पे डिलीट की, तो डबल किल का अपना पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन अपने टीम के खाते में यहाँ पे लगा देंगे पांचवें स्थान के ऊपर। टीएचजी आर्मी बैटल लॉबी यहाँ पे भेजी जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बेहतरीन फाइट देखने को मिलेगी गाइस आज के इस टूर्नामेंट में, टोटल गेमिंग वर्सेस गैलेक्सी रेसर्स। एक तरफ तीन प्लेयर होने वाले, टोटल गेमिंग के पास यहाँ पे मैन एडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा है, बट क्या अगर इनकी फाइट को यहाँ पे 2v गेमर की टीम ने ज्वाइन किया, बिकॉज लेफ्ट साइड वो बिल्कुल तैयार है थर्ड पार्टी करने के लिए। जी हाँ गाइस, एंड सोलो सर्वाइवर यहाँ पे होने वाले, देखेंगे लॉन्ग रेंज वेपन इनके पास क्या कुछ नजर आने वाला है, एंड ऑक के साथ या फिर फुमास के साथ कौन से वेपन होने वाली। जी हाँ गाइस, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, बट सोलो सर्वाइविंग काफी ज्यादा शानदार आज 2v भाई की। जी हाँ गाइस, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, हर एक एक से बढ़कर एक टीम यहाँ पे होने वाली है, तब यहाँ पे यार 9 से लेकर 4 तक का अपना सफर यानी कि टॉप 4 तक लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तब भी अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। किलर इनके लेफ्ट साइड होने वाले, सोलो सर्वाइवर देखेंगे इस बार यहाँ पे टीम सोलो सर्वाइवर, टोटल गेमिंग 4+ गैलेक्सी रेसर्स की 3+ यहाँ पे होने वाले, बट बुया कॉन्सेंट्रेट लेके जाएगी गाइस। क्या टोटल गेमिंग यहां से परगेटी का मैप यहां पे बिल्कुल एक बुया जीत के जाएगी, बिकॉज़ चारों प्लेयर्स यहां पे होने वाले हैं, एंड मैन एडवांटेज सबसे ज्यादा मैटर करेगा। थोड़ा सा रश यहां पे करने की कोशिश, डिलेट इज ऑन फायर गाइस, ग्रेनेड यहां पे होने वाला, अगर क्रू लगा के ग्रेनेड फेंकते तो बिल्कुल गैलेक्सी रेसर्स को एक झटके में यहां पे कोशिश करेंगे बैक टू लॉबी भेजने के। ग्रेनेड यहां पे चला जाएगा, एक प्लेयर नॉक, सोलो यहां पे प्लेयर बचे हुए गैलेक्सी रेसर्स की कमान संभालने के लिए, एंटी लिट के ग्रेनेड्स यहां पे बिल्कुल काम आएंगे गाइस। #delete इन द चैट यहां पे लगा दो, एंड एक सोलो प्लेयर को यहां पे फिनिश ऑफ करके गैलेक्सी रेसर्स को बैक टू लॉबी। आई थिंक संजीव यहां पे एक 99% एश्योरेंस ये मिल जाएगा कि ये बुया जाएगा, वन एंड ओनली टोटल गेमिंग क्या। जी गाइस, देखना पड़ेगा 8 किल्स अब निकल गए हैं, किलर यहां पर कितने, आई थिंक सोलो सर्वाइवर बचेगा, 2v गेमर यहां पर क्या फौज इसे को डाउन कर पाएगा। फिलहाल बहुत ज्यादा प्रेशर बना जाएगा, डिलीट अब फिनिश ऑफ करेंगे टीम लीड से। किलर को देखते देखते ये बुया क्या अपने खाते में निकाल पाएंगे, ट्राई करना पड़ेगा 10वां किल। जी नहीं, यहाँ पर 2v गेमर एलिमिनेट हो जाएंगे, देखते देखते टोटल गेमिंग यहाँ पर 9 किल जिता दी बुया अपने खाते में यहाँ पर लेकर जाएंगे। बहुत ही शानदार कमबैक यहाँ पर होने वाला है। अगर आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बुला कर लिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करिएगा। तानिया क्या कहना चाहेंगे आप? टोटल गेमिंग ने स्क्वाड को बचा कर रखा, किल्स लेते गए, रोटेशन में कमी नहीं, हर एक फोकस डाल दिया है। व्यूअर्स आपके हैशटैग कम लग रहे हैं क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हैशटैग टोटल गेमिंग इन द चैट गाइस, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है, आज एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस है, फन वे में चल रहा है, देयर इज नो नेगेटिविटी कमिंग इन हियर। तो मेक श्योर लाइव पर आप आपके फेवरेट टीम को सपोर्ट करते रहिए। कनिका राठी ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि टोटल गेमिंग जीतेंगी, बिल्कुल सही प्रेडिक्शन है, गेसेस लगाते जाइए क्योंकि नेक्स्ट मैच वाला है कालाहारी, जहां पर कोई गेसेस काम नहीं करते, कोई सर्कल गेसेस भी काम नहीं करते। तो आप अभी से लगाइए, बताइए हैशटैग कि कौन सी टीम नेक्स्ट मैच के अंदर कब्जा कर लेगी, हाईएस्ट ट्रैक्स के साथ बुया निकालेगी। बिल्कुल, और भूया निकालेगी। मैं यहाँ पर प्रसाद और ताने आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा गाइस, लाइक अगला जो मैप यहाँ पे स्टार्ट होने वाला कालाहारी मैप रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, तो गाइस आप लोग अपने पूरे के पूरे मैप में एक एरिया ऐसा सेलेक्ट कीजिए जहां पर लास्ट सर्कल एंड हो सकता है। सबसे पहले प्रसाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे लगेगा मैं चूज करना चाहूंगा यहाँ पे रिफाइनरी। तानिया आप?
कमांड पोस्ट इज द प्लेस जहां पर हो सकता है कि सर्कल क्लोज इन हो जाए। ठीक है तो चलो मैं जाता हूँ थोड़ा फाउंडेशन की तरफ, तो देखते हैं गाइस सर्कल कहाँ पर एंड होगा। गाइस आप लोगों को अपने प्रेडिक्शन यहाँ पर लगाने, आप लोग खुद बताइए यार, एक अंदाजा हम लोग लगा रहे लाइक हमें नहीं पता कि अगला मैप कैसा होगा, पहला सर्कल कहाँ बनेगा, बट देखना चाहेंगे आपके प्रेडिक्शन लाइक कैसे सही है। क्या आप लोग भी जानते हैं कालाहारी मैप में कौन कौन सी टीम्स कहाँ पर उतरते, तो गाइस आपको ज्यादा पता रहेगा आपकी फेवरेट टीम क्या बूया लेकर जा पाएगी। जी बिल्कुल है, जी गाइस प्रेडिक्शन अगर आपके यहाँ पे सटीक निकल के आए तो कहना की खुशी भी नजर आएगी, ये भी हम समझ पाएंगे कि आपके प्रेडिक्शन अगर सटीक है तो आप भी टूर्नामेंट खेल सकते हो। तो गाइस एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये जो सारे स्पेशल टूर्नामेंट्स हैं ये हो रहे हैं यहां पे कैरी मिनाटी के गिल्ड के अंदर, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में जाओ गिल्ड ज्वाइन करो एंड हमें बताओ कि आपने गिल्ड ज्वाइन कर लिया एंड आप तुरंत मौका पा लोगे इन सारी टूर्नामेंट को खेलने का। एंड आपको बताना चाहूंगा मैं इन सारी टूर्नामेंट में ये सारी प्रभावशाली टीम आपके विरुद्ध खेलने वाले, तो आपको मौका भी मिलेगा बिल्कुल मीटअप करने का एंड जहां उनके विरुद्ध खेल के अपना जो गेम प्ले वो तराशने का। फिलहाल बात करेंगे आने वाले कलारी के मैप में, तो यार छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हमेशा मैं यही कहता हूं इसी मैप के बारे में, एंड डबल स्नाइपिंग का जो प्ले है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बिकॉज कहना की स्नाइपर प्लेयर्स की रिस्पांसिबिलिटी सानिया बढ़ जाती है इस मैप में। बिल्कुल, स्नाइपर को कवर फायर भी देना है, नॉक्स भी निकालने हैं और किल कंफर्मेशन पर भी फोकस देना है, तो स्नाइपर प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहेगा। एंड कमिंग बैक टू स्नाइपर्स, पहाड़ी के लिए गेसेस लगाइए कि पहाड़ी नेक्स्ट मैच में कितने किल्स निकालेंगे। ही हैज बीन अवार्डेड वन ऑफ द फाइनेस्ट स्नाइपर्स, आज हमारे साथ इन्फ्लुएंसर्स मेगालिक जीरेसर के वासियों में है, जो जिन्होंने मैक्सिमम कंपेयर टू एनी अदर इन्फ्लुएंसर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर अचीव कर चुके हैं। अगर आप भी अचीव करना चाहते हैं, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, मेक श्योर छोटे छोटे टूर्नामेंट्स खेले, बट आपके लिए यहाँ पर game.tv बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाया है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है वो कैरेमिनाटी के गिल्ड की है, एंड द प्राइस पूल इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 लाख वर्थ ऑफ INR, तो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द उसे ज्वाइन करें और फिर से हैशटैग लगाने में कमी मत करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ यहाँ पर अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करते रहिए। जी बिल्कुल, अब सपोर्ट करते रहेगा, हम लोग यहाँ पर देखना जाएगा इस कालाहारी मैप कितना अच्छा साबित होने वाले, कौन कौन से टीम्स कहाँ पर जाएगी, बट ये जी जाएगी तो सबके ऊपर देखना पड़ेगा। टोटल गेमिंग सेंटा कैटरीना टीम लीड यहाँ पर काउंसिल हॉल के ऊपर कहने के लिए हमको देखने के लिए मिल जाएगी, बट बाकी की टीम्स कहाँ पर जाने लगेगा वो यहाँ पर हमको कहने के देखने के लिए मिल जाएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पे कालाहारी का एक बेहतरीन नजारा हमें नजर आ रहा है, मैमथ है, द सब है, देखेंगे इन सारे एरिया से हमारी सारी प्यारी टीम यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस दिखा दे। फिलहाल प्लेन पर थोड़ा सा सरप्राइज जरूर यहाँ पे लगा देगा ओल्ड हैम्पटन की स्टार्टिंग यहाँ पे होने वाली, एंड पॉइंट द सब के ऊपर होने वाला निजेक्शन, थोड़ा सा हल्का सा इंबैलेंस, एंड काउंसिल हॉल तक अगर जाना है तो टीम एलीट को थोड़ा सा रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। बात करेंगे यूजी के बारे में, तो 2B के साथ यहां पे आई थिंक कन्फाइनमेंट के ऊपर या फिर बेसमेंट के ऊपर, बट कहना कि ग्राउंड शेयर जरूर करना चाहेंगे। देखेंगे इस बार यहां पे टोटल गेमिंग सेंटर कैटरीना के ऊपर जाना पसंद कर रही है CRX डिवाइन, इस बार कमांड पोस्ट को अपना करेगी, बट BFA यानी कि हमारी आवारा भाई की टीम यहां पे ग्राउंड शेयर करेगी कमांड पोस्ट के ऊपर CRX डिवाइन के साथ। देखेंगे CRX डिवाइन या फिर BFA आर्मी किसका फ्लैग यहां पे लहराता है कमांड पोस्ट के ऊपर। फिलहाल लैंड एंड फाइट का एक मुकाबला गैलेक्सी रेसर्स के साथ भी देखने को मिलने वाला, मैरियक्स विद द मैक 7 यहां पे नजर आने वाले हैं। जियांग वासियों का यहां पे हेल्प जरूर आ जाएगा, एक किल खाते में गैलेक्सी रेसर्स अपना खाता यहां पे जरूर खोल लोगे। एंड बात करेंगे अब यहां पे अला 7 के बारे में, तो वो भी ट्रेड फायर में गोल्डन को नॉक करके रखे तानिया, नॉक करके रखे लोकेश गेमर ने, बिल्कुल डीले नहीं किया, किल सिक्योर कर लिया है, फेयर ट्रेड चल रहा है, 1v1 हो चुका है और यहाँ पर 3v3 सिचुएशन, ग्रेनेड अटैक करने की कोशिश विशाल अभी के लिए बच चुके हैं, लेकिन कितनी ज्यादा देर तक बच पाएंगे क्योंकि क्रोनो शील्ड ऑलरेडी यूज हो चुकी है, अटैक करते हुए प्लेयर्स नजर जरूर आ रहे, वासियों ने ग्लू वॉल लगा ली, हेल्थ किट की कमी काफी ज्यादा नजर आ रही है, फर्स्ट ब्लड ले लिया गया है कमिंग अप फ्रॉम टीम, एंड यहाँ पर एक पुश विशाल को डाउन करके रखा गया है, एक बहुत ही अच्छा स्टेयर केस के साथ पुश देते हुए मेरिक्स आगे गए थे और किल सिक्योर कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बात करेंगे एला 7 के बारे में, तो दो ही प्लेयर्स यहां पे स्टैंडिंग होने वाले हैं, जहां गाइस लोकेश गेमर और एला 7 के शाहिद बिल्कुल आगे जाने की कोशिश करेंगे, एंड गाइस आपको भी यहां पे आगे बढ़ना होगा, गाइस कैन वी हिट 35,000 वाचिंग, बिल्कुल आज का टारगेट अगर हमने यहां पे क्रॉस किया तो आप इन सारी बेहतरीन से बेहतरीन टीम को हर रोज देख पाओगे, आपके जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर है उनके साथ यहां पे मिल पाओगे, उनका गेम प्ले देखने का मजा आपको यहां पे मिलता रहेगा। तो गाइस फटाक से यहां पे आज का टारगेट क्रॉस किया जाए, शेयर किया जाए स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा, एंड आज की 35,000 की वाचिंग यहां पे क्रॉस की जाए। फिलहाल हम देखेंगे गैलेक्सी रेसर्स के वासियो यहां पे है, तो बिल्कुल हर बात यहां पे मुमकिन होने वाले इन वासियो के ऊपर चढ़ के यहां पे कहना कि इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जा रही है। ये पर्टिकुलर प्लेयर यहां पे यार फ्री फायर को जीता है बहुत बार यार, बिल्कुल घुसकर यहां पे बिल्कुल इन्वॉल्व होकर खेलता है फ्री फायर के चप्पे चप्पे, इनको बताया देखेंगे इस बार यहां पे गैलेक्सी रेसर्स बुया कर पाएगी या फिर नेवर फैंस यहां पे कह रहा है कि टोटल गेमिंग आज 6 बुयास दिखाएंगे। देखेंगे गाइस आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आपकी फेवरेट टीम यहां पे कितना खरा उतरती है। जहां गाइस बात करेंगे अब यहां पर रोमियो गेमर के बारे में, तो बिल्कुल चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव एंड स्टोन रिच का एरिया होने वाला है। सबसे अच्छी खबर ये तानिया की यार यहां पे इनका खाता भी खुल चुका है।
बिल्कुल यहाँ पर खाता खुल चुका है और एक प्लेयर को डाउन करके भी रखा गया है. देखेंगे आगे क्या करेंगे, बिकॉज इफ वी लुक एट रोमियो गेमर और लीडर बोर्ड पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, किल स्ट्रीक अच्छी है, बुया नहीं लेकर गया. एंड यहाँ पर जैदू ने और एक प्लेयर स्नेहा को कन्फर्म कर लिया. टीम लावा जो अभी तक एक बुया लेकर जा चुके हैं, एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया. एज अ ट्रियो आगे जाना होगा. कमांड पोस्ट काफी ज्यादा हीटेड है, ब्लैक फ्लैग आर्मी के साथ ग्राउंड शेयर करते हुए आगे एक प्लेयर लीड ले चुका है, वो प्लेयर है सी आर एक शेरनी. अब यहाँ पर सुनीता वर्सेस शेरनी, दो डिवास बैटल करेंगी. कौन सी डीवा यहाँ से बचकर जाएगी, कौन सी डीवा यहाँ से एलिमिनेट होगी, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ. व्यूअर्स हैशटैग लगाते जाइए. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किलर गेमिंग ने कहा है कि आई लव टीएसजी इन कालारी बट बुया विल बी टेकन बाय गैलेक्सी रेसर. हमें वो पता जरूर चलेगा. सीआरएक्स विद टू किल्स एंड टू प्लेयर्स यहाँ पर आगे बढ़ती हुई. शेरनी हल्का सा स्ट्रेस्ड आउट होते हुए नजर आ रही है, रियूनाइट भी कर चुकी है अपनी टीम के साथ. जी बिल्कुल, फिलहाल बात करेंगे यहाँ पे सीआरएक्स डिवाइन के बारे में. गाइस कमांड पोस्ट के ऊपर अपना जो झंडा है वो लहराने के लिए पूरी जान लगा रही है शेरनी. एंड बात करेंगे हम यहाँ पे हिनाता के बारे में, तो दो ही प्लेयर्स यहाँ पे अपनी कमान संभाल रहे हैं, बट बहुत क्लोज टीम लावा के प्लेयर्स होने वाले. कहना की यहाँ पे शिकंजा कसा जा रहा है, पीछे से थर्ड पार्टी भी हो सकती है. कहना की डैमेज है, हिनाता यहाँ पे नॉक हो जाएगी. जी हाँ गाइस, स्नाइपर टावर में जो टीम लावा के प्लेयर्स है वहां से बिल्कुल कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं. रश यहाँ पे किया जाएगा, देखेंगे इस रश को यहाँ पे तोड़ना कामयाब रहेगा यहाँ पे. नंबर शेरनी को यहाँ पे M10 रिलोड करनी होगी, तैयार होना होगा फिर से एक बार डोमिनेशन पावर दिखाने के लिए. जी हाँ गाइस, आपको क्या लगता है, प्रेडिक्शंस आपके इस बार बहुत ज्यादा अच्छे सटीक लग रहे हैं, तो गाइस प्रेडिक्ट कीजिएगा कि आपको यहाँ पे क्या लगता है कौन सी टीम कालारी का मैप का बुया यहाँ से लेके जाएगी. टीम लावा के प्लेयर्स का एक कमाल का रश यहाँ पे, फिर भी शेरनी को रिवाइव देने की एक कमाल की कोशिश यहाँ पे की जाएगी. सुनीता यहाँ पे दारश है. एंड बात करेंगे अब यहाँ पे रश के बारे में, शेरनी फिर से एक बार नॉक. हिनाता यहाँ पे रिट्रीट करने की कोशिश, बट क्या ओपन में पकड़ा जाएगा, क्या यहाँ पे टीम लावा एक और फ्रैग यहाँ पर निकाल पाएगी, या फिर उनको अंडरएस्टिमेट करके सुप्रीम को एक झटका जरूर लगेगा, बिकॉज सुप्रीम के पास मैक्स सेवन होने वाले हैं. बहुत लो एचपी में यहाँ पे रश करने की कोशिश करे गाइज, बस आपको यहाँ पे हैशटैग लगाने होंगे अपनी फेवरेट टीम के. जी हाँ गाइज, आपको एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक कैरी मैनाडी की गिल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, फटाक से जाओ गाइज गिल ज्वाइन करो एंड मौका पाओ ढेर सारी ऐसे स्पेशल टूर्नामेंट्स खेलने का जहां पर आप अपनी फेवरेट टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल सकते हैं. कहना कि यहाँ पे टीएजी इनकी पार्टी ज्वाइन करेगी एंड अब यहाँ पे किसी दोनों की फाइट में कोई और यहाँ पे कहना की खाना खा के जाएगा. तानिया बिल्कुल यहाँ पर एक थर्ड पार्टी अफेयर हो चुका है, दो किल्स भी टीम टीएसजी ने एक्यूमुलेट करने है. ओजस्वी को डाउन किया गया है, रिवाइव देने का मौका, लेकिन ऋतिक को भी डाउन कर दिया गया है. और यहाँ पर टोंडे गेमर की टीम आ चुकी है, क्या टोंडे गेमर की टीम मौका देगी ऋतिक को रिवाइव देने का, या फिर ऋतिक यहाँ से एलिमिनेट होकर चले जाएंगे. और यहाँ पर टीम लावा के प्लेयर जो छुप कर बैठे हुए थे वो देखते देखते लेजेंड को एलिमिनेट कर चुके हैं ग्रेनेड अटैक के थ्रू. ओजस्वी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि वन किल कन्फर्मेशन आ जाए, अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेनेड कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है, तो अभी वेट एंड वॉच का सिनेरियो है. अंदर जाते हैं तो टीम के सुप्रीम मिलेंगे, बाहर रहते तो टोंडे गेमर की ओर से पुश आ चुका है. पर्टिकुलरली गाइड टोंडे स्नाइपर यहां का पूरे का पूरा स्नाइपर्स का एडवांटेज लिया हुआ है और डाउन करके कंफर्म कर लिया गया है. वन किल कंफर्म और सूरज भी ऑन द कोर्स यहां पर एक और किल के साथ कंफर्म. टीम लावा एलिमिनेटेड, गाइड टोंडे और रोरिंग इट आउट #TondeGamers तीन किल के साथ कमांड पोस्ट पर पूरे का पूरा कब्जा बनाते हुए नजर आ रहे हैं. जी बिल्कुल, गाइड टोंडे भाई को बहुत बार स्ट्रीम पे हमने देखा है यार, स्नाइपिंग करते हैं बहुत कमाल की स्नाइपिंग करते हैं. जी हां गाइस, वो कवर फायर काफी ज्यादा शानदार था, हमने देखा यहाँ पे तीनों प्लेयर्स अंदर घुस चुके थे बट दूर से कवर फायर एंड सटीक एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. फिर से एक बार यहाँ पे कहना कि बदलाव नजर आ रहा है, अब आधा गेम यहाँ पे खेल चुके स्नाइपर के साथ, अब एसकेएस के साथ फैंस को खुश करने की कोशिश की जा रही है. तो गाइस आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आपको खुश करने के लिए हर एक वेपनरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड गाइस आप भी यहाँ पे अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार कीजिएगा. जी हाँ गाइस, आपका यहाँ पे एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला, बस इस टीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपनी फेवरेट टीम का सपोर्ट आपको यहाँ पे बढ़ाना है, ताकि इन सारे इन्फ्लुएंस का हम यहाँ पे आगे से बार बार देख पाए. 2B gamer with two players alive, zero kill खाते में होने वाले 2B gamer खुद यहां पे 2B by and black taku होने वाले. देखेंगे इस बार यहां पे कितने players को back to lobby भेजेंगे. सामने total gaming की पूरी फौज है, दो player के साथ उस team के साथ पंगा लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है guys. बस यहां पे हम predict कर पा रहे हैं कि क्या होने वाला है. total gaming versus 2B का fight कभी भी हो सकता है अगर circle ने इनको force किया एक दूसरे के करीब आने के लिए. बट जैसा कि guys हम पूछ रहे हैं यहां पे, यार एक बार हम circle जरूर देखना चाहेंगे ताकि और भी ज्यादा explain कर पाए कि कौन सी team कहां से rotation लेने वाले. फिलहाल टोटल गेमिंग के बारे में बात किया तो बिल्कुल सामने होने वाली है यहां पे एक टीम के साथ पंगा लेने की कोशिश. यूजी वर्सेस टोटल गेमिंग फिर से एक बार हमें नजर आ रहा है. ग्रेनेड यहां पे आ जाएगा, थोड़ा सा यहां पे बचना होगा, फौजी आ जाए, बाल-बाल बच गए बिकॉज़ उस ग्रेनेड का यहां पे जो एंगल था थोड़ा सा यहां पे गलत होने वाला था. देखेंगे यूजी की टीम गाइस यहां पे मौजूद है, टोटल गेमिंग यहां पे मौजूद है एंड बात करेंगे 2B की टीम भी यहां पे रेडी है. बट कहना कि तानिया एक बात मैं देख पा रहा हूं, यूजी का रश यहां पे पूरी ताकत के साथ नहीं हो रहा है.
बिल्कुल यहाँ पर एक पुश नजर नहीं आ रहा, लेकिन टोटल गेमिंग यहाँ पर काफी ज्यादा स्टेबल नजर आ रहे हैं। 3 किल्स के साथ फौजी अजय विद वेरी लो इन एच पी यहाँ पर से हील अप करने की कोशिश, हील अप कर चुके हैं। थ्रू द विंडो पिक स्टेप्स पर अटैक करने की कोशिश अनसक्सेसफुल रही। अंश को ऑन द कोर्स डाउन कर दिया गया, रिवाइव करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ग्रेनेड अटैक आते हुए नजर आ रहा है, रिस्क काफी ज्यादा टोटल गेमिंग पर। अंश इज रिवाइव, 3 किल्स स्क्वाड स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर टोटल गेमिंग कितनी ज्यादा देर तक इतनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, क्योंकि यूजी के काफी ज्यादा रेस्टलेस प्लेयर्स हैं, ऊपर से नीचे मोमेंटम पकड़ चुके और अटैक करने की कोशिश। लेकिन यहां पर जावा बॉय को डाउन कर दिया गया है, काफी अच्छी बिगनिंग टोटल गेमिंग के लिए, लेकिन इतनी बिगनिंग से नहीं चलेगा, पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप करनी होगी। व्यूअर्स, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन दिस कंपाउंड, यूजी गेमर्स या फिर टोटल गेमिंग? फिर से एक बार यूजी गेमर के प्लेयर को स्पॉट किया गया, डाउन करने की कोशिश। यूजुअल हिमसेल्फ प्रिंस भी काफी लो इन एचपी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ग्रेनेड अगर कनेक्ट हुआ तो एक नॉक यहां पे देखने को मिल सकता है, बट नॉक नहीं, यहां पे बिल्कुल डैमेज नजर आया स्केलेटन को यहां पे नॉक करके रखा है। देखेंगे इस बार यहां पे एक और ग्रेनेड ऊपर जाएगा टोटल गेमिंग की तरफ से या फिर, बट बात करेंगे हम यहाँ पे डिलीट के बारे में, तो वो बिल्कुल तैयार होने वाले हमेशा फ्रैग निकालने के लिए। जिया गाइस, आपके फेवरेट प्लेयर बिल्कुल आपके सामने विद द पैराफल डैमेज देने की कोशिश करेंगे। M87 यहाँ पे बिल्कुल रिलोड करनी होगी, फिर से एक बार अंदर घुस गए तो बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं बाहर से यहाँ पे कैंपिंग की जा रही है, बाहर से यहाँ पे डैमेज दिया जा रहा है, बट गाइस एक खतरा यहाँ पे हो सकता है। पीछे से एक टीम इनका वेट कर रही है इनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। जिया गाइस, थोड़ा सा टोटल गेमिंग को अलर्ट रहना होगा, बिकॉज अगर पीछे से थर्ड पार्टी हो गई शुरू तो टोटल गेमिंग यहाँ पे बिल्कुल धाराशाही होते हुए वक्त नहीं लगेगा। डिलीट यहाँ पे राइट साइड के फ्लैंक करते हुए आगे भी बढ़ा जाएगा, देखता है यहाँ पे फिलहाल बात क्या होने वाली, बट गाइस बात करेंगे इस बार यहाँ पे यूजी की टीम के बारे में, बिल्कुल तैयार होने वाली अंदर अपना किला जो है बिल्कुल तैनाते तैयार है संभालने के लिए एंड अपना नाम यहाँ पे बिल्कुल बरकरार रखने के लिए। बट डिलीट इतने आसानी से यहाँ पे उस कंपाउंड को हासिल करने नहीं देंगे। यूजी को आई थिंक यहाँ पे बाहर आने को, बट एक झटका यहाँ पे लग जाएगा, अंश एंड फौज यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। माफिया एंड डिलीट्स यहाँ पे कहना कि टोटल गेमिंग की कमान संभाले, बट क्या रिवाइव देने का मौका मिलेगा? ये काफी बड़ा सरप्राइज था तानिया, काफी अच्छा सरप्राइज था। विंडो पीक के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जंप करते हैं और दो प्लेयर्स को एक साथ नॉक, अंश को बचा लिया गया है, हील अप करने की कोशिश। डिलीट यहां पर से भागने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर अंश को रिवाइव देने की कोशिश जरूर की जाएगी। टोटल गेमिंग के माफिया द स्नाइपर बॉय रेडी है स्नाइपर टावर पर कवर फायर में, अंश को गवा दिया गया है 3 किल्स के साथ, होल्ड एंड प्ले नजर आ रहा है। यूजी ने अभी तक एक भी प्लेयर नहीं गवाया है, 2 किल के साथ उज्ज्वल स्टैंडिंग टॉल और ये स्क्वाड काफी ज्यादा डैमेज टोंडे गेमर के लिए भी रेडी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर गाय टोंडे फ्रॉम टोंडे गेमर, उन्होंने रोमियो गेमर को डाउन कर दिया है। आई एम सीइंग गुड स्नाइपर शॉट्स कमिंग अप फ्रॉम टोंडे गेमर्स एज वेल, द वे दे आर ट्राइंग टू स्पॉट द एनिमीज और जिस तरीके से वो किल सिक्योर करने में डीले नहीं करते। एंड स्नाइपर की बात करते ही, हाउ कैन वी मिस पहाड़ी द लेजेंडरी स्नाइपर इन द लॉबी, और यहां पर अटैक करने की कोशिश। टू बी गेमर यहां से बच के भाग निकल जाएंगे और यहां पर फ्लैंक इन करके टू बी गेमर फिर से वही कंपाउंड में आ रहे हैं, तो रेस्टलेसनेस नजर आ रही है। जॉन्टी ग्रेनेड के साथ रेडी है, क्या ये ग्रेनेड कनेक्ट होगा? बिल्कुल दो एक साथ और बिल्कुल डैमेज डिलीवर नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बट फिर से एक बार जॉन्टी वो कोशिश जरूर करेंगे, बट किलर यहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहा है, 1v2 क्लच यहाँ पे निकाल पाएंगे या फिर, बट बहुत ज्यादा रिस्की मूव था वो। एंड फाइनली यहाँ पे 2v की तरफ से अकेले प्लेयर बाहर आए, रोमियो आर्मी को नवे स्थान के ऊपर बैक टू लॉबी का रास्ता जरूर दिखा के रखा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे 2v की टीम कानो बिल्कुल नाक में दम करते हैं, 8 भी यहाँ पे धाराशाह हो जाएंगे। बट टीम मिलेट यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, 2 किल्स खाते में। एंड मैं वही देख रहा था कि पहाड़ी इतने छोटे से एंगल से फिर भी यहाँ पे वो मौका ढूंढ रहे थे नॉक निकालने का, यही खूबसूरती रहती है गाइस स्नाइपर प्लेयर की, यार हल्का सा एंगल भी उनको मिल गया तो तब भी यहाँ पे फ्रैग्स निकालने में काबिलियत रखते हैं। देखेंगे इस बार यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि एक्शन सीन्स क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे एक्शन बनाने वाली टीम एलीट कहाँ है? बट तब भी यहाँ पे कैमरा टीम एलीट के ऊपर आया, 2v को बैक टू लॉबी भेजकर जहाँ गाइस एक जीत यहाँ पे हासिल करिए, 2 किल्स खाते में। अब यहाँ पे रफ्तार के साथ आगे बढ़ा जाएगा, सर्कल को भी एक्वायर करना एक बात होने वाली, देखेंगे हार्ड कंपाउंड इनके पास है, बट आगे जाकर कौन सी टीम के साथ इनका आमना सामना हमें देखने को मिलता है। पहाड़ी का अभी तक खाता नहीं खुला, बट गाइस एक बात तो तय है कि पहाड़ी के हाथों में यहाँ पे डबल स्नाइपर है, यानी कि वो मैजिकल शॉट्स विद मैजिकल फिंगर्स यहाँ पे जरूर नजर आने वाले, तो आपको तैयार होना होगा। थोड़ी देर बाद पहाड़ी बिल्कुल डोमिनेशन का एक दूसरा नाम बन जाएगा, बट तानिया यहाँ पे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, बिकॉज दो प्रभावशाली टीम टोटल गेमिंग वर्सेस टीम लीड हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, देखने के लिए व्यूअर्स आपका काफी अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। वी हैव क्रॉस द 31,000 लाइव वॉचिंग, लेट्स हिट 35,000, 25K टच हो चुका है, लाइव गोल अचीव्ड है, लेकिन 30K पर लाइव गोल भी है। इट इज अ ग्रेट प्लेजर, ग्रेट टू अनाउंस इट कि ये एक हिस्ट्री है कि वी हैव क्रॉस 31K लाइव वॉचिंग। सपोर्ट देते जाइए, लाइव करते जाइए और बताते जाइए, बट वी हैव टू रीच 40K विच वी हैव नेवर रीच। मेक श्योर ये सपोर्ट बना हुआ रहे। टीम लीड के स्नाइपर बॉय रेडी
है स्नाइपर शॉट्स के साथ एलिमिनेट करने को टोटल गेमिंग. क्या टोटल गेमिंग यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी? क्या यहाँ से रेसिप्रोकेशन आएगा? दैट इज क्वेश्चन. कौन यहाँ से बचेगा? सपोर्ट काफी अच्छा बनता जा रहा है. कीप ऑन शावरिंग सेम लव एंड सपोर्ट. कीप ऑन. जल्दी जल्दी थम्स अप पर क्लिक करिए. जी बिल्कुल. एंड अगर गाइस आप शाउट आउट चाहते हो तो फटाक से यहाँ पे अपने फेवरेट टीम के नाम से कुछ ना कुछ क्रिएटिव कमेंट्स यहाँ पे कीजिएगा. अगर कोई कमेंट हमें इंप्रेस करके जाता है तो उनके नाम के साथ हम शाउट आउट देने की जरूर कोशिश करेंगे. फिलहाल बात करेंगे श्रद्धा के बारे में. तो श्रद्धा कमेंट सेक्शन में टोटल गेमिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है. पहले से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे टोटल गेमिंग के माफिया के हैशटैग यहाँ पे बहुत सारे लग रहे. तो गाइस आपको यहाँ पे ऐसे हैशटैग लगाने होंगे. देखेंगे लोकेश गेमर सोलो सर्वाइविंग यहाँ पे. क्या पिछली बार की तरह जैसे टू बी भाई ने सर्वाइव किया था टॉप फोर में अपनी टीम लाई थी, क्या लोकेश गेमर इस बार यहाँ पे टॉप फोर या फिर टॉप थ्री या फिर टॉप टू में अपनी टीम को ला पाएंगे या फिर नहीं? बिकॉज सोलो सर्वाइविंग है, यानी कि यार स्पॉट होने का चांस और भी कम हो जाता है. अगर आपकी टीम में चारों प्लेयर्स है तो कहना कि कोई ना कोई जरूर स्पॉट हो जाता है. बट देखेंगे इस बार सोलो सर्वाइविंग किस प्रकार से गाई जाएगी. बट गाइस इस पार्टी में गैलेक्सी रेसेस बिल्कुल आ जाएगी इनके बिल्कुल करीब. यहाँ पे टूबी की टीम होने वाली, थोड़ा सा बचकर खेलना होगा एंड थोड़ा सा डटकर यहाँ पे खेलना होगा. गैलेक्सी रेसेस से वासी यहाँ पे होने वाले हैं एंड हम सभी को पता है वासी है तो मुमकिन होने वाला है टीम मिलिट बेस पार्टी में ज्वाइन करेगी. कमांड पोस्ट को एंड हॉटनेस और भी ज्यादा बढ़ा रहेगी. यूजी वर्सेस टीम मिलिट यहाँ पे नजर आ रहा है. तो गाइस यहाँ पे कैन वेट 35,000 वॉचिंग बिल्कुल. यहाँ पे अगर हम वॉचिंग टारगेट क्रॉस करेंगे तो गाइस यहाँ पे हम हर बार हमारे इन्फ्लुएंसर्स को देख पाएंगे गाइस एंड हम बिल्कुल उनका मजा उठा पाएंगे, उनका गेम प्ले का लुप्त यहाँ पे उठा पाएंगे. कैसे यहाँ पे थोड़ी गेमर स्नाइपिंग के साथ खेलते हैं, टू वी भाई की स्नाइपिंग के स्विचेस हम यहाँ पे देख पाएंगे टीम मिलिट के पहाड़ी. तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिश ऑफ जरूर हो जाएंगे. बट किलर आरडीपी जॉन्टी अभी भी यहाँ पे तैयार है टीम मिलिट की कमान संभालने के लिए, पूरी जान लगा रहे. आरडीपी को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा. देखेंगे टीम मिलिट के खाते में तीसरा किल आप आएगा या फिर बट वुडपेकर के साथ. जॉन्टी भाई यहाँ पे यूजी को बिल्कुल धाराशाही करने की कोशिश कर रहे. किल यहाँ पे और आ जाएगा. आई थिंक यूजी इस बार यहाँ पे थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाएगी बट बाहर आना होगा एंड अब यहाँ पे जॉन्टी भाई की गेट कीपिंग का सामना करना होगा. फिलहाल किलर के बारे में बात किया तो एक किल के यहाँ पे कंफर्म करेंगे, आगे जाएंगे. देखेंगे इस बार यहाँ पे यूजी मचा पाएगी या फिर बट किलर एंड जॉन्टी ये दोनों जोड़ी यहाँ पे टीम इलिट के लिए बहुत कमाल का गेम प्ले कर रही है गाइस. हैशटैग टीम इलिट इन द चैट यहाँ पे बिकॉज यूजी की टीम को यहाँ पे मैन एडवांटेज होने के बावजूद भी बैक टू लॉबी भेजा. इसी की बात कर रहे थे तानिया हम कि आज यहाँ पे हर एक सितारा चमकने की कोशिश करेगा. बिल्कुल यहाँ पर चमकने की कोशिश है और चमकते जा रहे हैं. गैलेक्सी रेसर हाँ. अपनी खुद की गैलेक्सी बनाते हुए 9 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं. दे हैव लॉस्ट गोल्डन ऑन द वे बट 3 स्टिल अ टीम एज अ 3 मैन स्ट्रॉन्ग आर्मी. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्नाइपर अटैक्स भी किए जा रहे हैं. स्टैंडिंग अप अपॉन द स्क्वायर बॉक्स कंटेनर्स. मेरिक्स के पास स्नाइपर है. मेरिक्स हाईएस्ट ट्रैगर भी है ऑन द कोर्स. टोटल गेमिंग के माफिया एलिमिनेट कर देंगे टोटल गेमिंग को. जॉन्टी अकेले सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं. 3 टीम्स 5 प्लेयर्स 3 वर्सेस इट इज गोइंग टू बी 2 versus 2 versus 1 and we are all up to 2 teams now. Apna kill point kisi ko bhi nahi diya. Galaxy Racer ready hai to fight it out versus team elite. Jonty ne ek ko down kar diya. Kya 1v3 clutch possible hoga? Jald se jald heal up karna hoga agar yahan par karna hai. Inhaler ka use karte hue ek push dete hue nazar aa rahe shotgun ke sath. Second knock bhi yahan par lete hue nazar aa rahe and it is going to be a super duper win indeed. Not so easy, not so close. Very good attempt seen over here. Galaxy Racer yahan par भूया लेकर जाएगी. मेरिक्स बनेंगे एमवीपी. बहुत ही अच्छा प्रदर्शन गैलेक्सी रेसर से एंड अ बिग शाउट आउट टू द व्यूअर जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि गैलेक्सी रेसर यहां पर भूया लेगी. जी बिल्कुल. आप थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारे सभी व्यूअर्स को. तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यार हमारे जो जितने भी प्लेयर्स है लाइक अवारा रुकेश गेमर सुनीता एंड यहाँ पर फौज है थोड़ा सा रिलैक्स करने का जो टाइम है वो यहाँ पर कहने के मिल जाएगा. बट देखना पड़ेगा पहाड़ी सी आर शेरनी लोकेश गेमर एंड टू बी गेमर यहाँ पर कहने के. टू बी गेमर का जो अंदाज है यार बहुत ज्यादा निराला रहता है प्रसाद. जी बिल्कुल. वो तो यहाँ पर मस्त मगन रहता है फैंस को खुश करने के लिए, एंटरटेनर कहे जाते हैं. तो गाइस यहाँ पे टू बी भाई बिल्कुल हमें एंटरटेन करते रहेंगे हमारी उनकी डबल स्नाइपिंग के साथ. बट गाइस कहे ना कि आपको भी मस्त मगन होना होगा इस आज के टूर्नामेंट में. हैशटैग लगाने होंगे अपनी फेवरेट टीम के एंड साथ ही साथ कैरी मिनाडी के गिल्ड को जरूर ज्वाइन करना होगा बिकॉज सारे स्पेशल टूर्नामेंट्स वही होने वाले हैं गाइस. पूरा प्राइस पूल जो होने वाला है टोटल 5 लाख का होने वाला है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बहुत सारे टूर्नामेंट में जहां से ढेर सारे प्राइजेस आप जीत सकते हो. सबसे अच्छी बात कि आज जिस इन्फ्लुएंसर को आप देखने के लिए आ रहे हो आपकी फेवरेट टीम को उनके साथ ही कंधे से कंधा मिला के खेलने का मौका आपको मिल जाएगा. एंड ये सारी टूर्नामेंट्स गाइस रजिस्ट्रेशन सारे के सारे फ्री होने वाले हैं. तो फटाक से जाओ गिल्ड ज्वाइन करो कैरी मिनाडी की जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है. फिलहाल बात करना चाहूंगा फिर से एक बार यहाँ पे सेकंड सेगमेंट शुरू हो जाएगा एंड अब वेल नोन मैप आएगा बर्मुडा. जी बिल्कुल. अब बर्मुडा मैप आई थिंक देखना पड़ेगा क्या वही स्ट्रेटजी से यहाँ पर अप्लाई की जाएंगी या फिर कुछ चेंजेस यहाँ पर आने वाले. जो भी टीम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रहेंगी वो ट्राई करेंगे फोकस करेंगे यार या सर्वाइवर से काम नहीं चला है. सर्वाइव करने से ज्यादा पॉइंट निकल कर नहीं आए हैं तो अभी किल पॉइंट के ऊपर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा. किल पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया था तो ज्यादा पॉइंट नहीं निकले तो अभी सर्वाइव करेंगे अच्छे से अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर कहने के निकालने होंगे क्योंकि गाइस अब जो मैप्स है वो रिपीट होने वाले हैं. इसके बाद अगर देखा जाए टोटल 4 मैचेस अभी हमारे पास बचे रहेंगे तो जी हाँ देखना होगा कौन कितने पॉइंट्स अभी यहाँ से लेकर जाए. गैलेक्सी रेसर ऑलरेडी अच्छा गया था सुपर फास्ट गेम प्ले यहाँ
हौसला दिखलाकर गई है तानिया। बिल्कुल, गैलेक्सी रेसर की ओर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है। 10 किल एंड बुया, बहुत इजी नहीं होता डबल डिजिट क्लब में एंट्री लेना, बट गैलेक्सी रेसर के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं थी, एज अ ट्रियो भी काफी आसानी से बुया लेकर गए हैं। एंड वी कैन सी द प्लेयर्स राइट नाउ, वी कैन सी आवारा 007, लोकेश गेमर, टी टोटल गेमिंग के फौजी अजय एंड सुनीता। काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ मैप आता है तब आपको हल्की सी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये टीम यहाँ लैंड करेगी। आपके पास वेल नॉलेज आ चुका है, बट आवारा 007 लुक्स हैप्पी कंटेंट विद द प्ले सोर्स ये शोन, लेकिन अभी जस्ट हाफ वे थ्रू हुए हैं और हाफ वे थ्रू बाकी है, तो जो टीम्स ने अभी तक आगे अपना प्रोग्रेस सेट नहीं किया अभी बार सेट कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर खेल सकते हैं। जी हाँ गाइस, इसी के साथ साथ हमारा अगला मैच यहाँ पर करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। बात करना चाहूंगा प्लेन पास यहाँ पर रिवर्स साइड से होता हुआ निकल जाएगा फैक्ट्री के जस्ट बाजू से, इसी के साथ साथ टीम जाएगी टोटल गेमिंग मिल के ऊपर। एंड यहाँ पर हमें बहुत सारे टीम्स देखने को मिलने वाले, टीएससी ग्रेवयार्ड की तरफ जाएगी, बुलसाई को यहाँ पर लूट करना चाहेंगे, बट बाकी टीम्स कहाँ पर लैंड करेंगी, आई थिंक वेस्टर्न साइड यहाँ पर पूरा का पूरा खाली हमको नजर आ जाएगा। फिलहाल ये सारी फाइट्स कहाँ कहाँ तक चलेगी, टीआर श्रीवान का मुकाबला आई थिंक हजगर के ऊपर किसी भी टीम के साथ नहीं रहने वाला है। धीरे धीरे करके यहाँ से जो रोटेशन है वो कहने के लेने पड़ सकती है, फिलहाल धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। टीम लावा, लोकेश गेमर, पीक के उनके पास रहने वाला टोंडे गेमर, कितने अच्छी फाइट्स यहां पर ले पाएंगे। टीम मिलिट केप टाउन की तरफ जाते हो एज यूजुअल, एक अच्छी खासी लूट यहां पर सबसे पहले करना चाहेंगे। देखना होगा इस 12 की 12 टीम, एंड यहां पर अभी तक कोई भी फाइट नहीं स्टार्ट हुई, हर एक टीम चाहेगी कि सबसे पहले हम लोग लूट यहां पर कर ले, उसके बाद एक सेफ गेम प्ले दिखलाकर सर्कल में पहुंच जाए। बट इस बार गैलेक्सी रेसर के में कुछ चेंजेस हमको नजर आने वाले, क्योंकि वो इस बार पोचिनो की तरफ उतरी है, उनको यहां पर ग्राउंड शेयर करना पड़ेगा एक और टीम के साथ। एंड फिलहाल कितनी अच्छी लूट निकल कर आ पाएगी, लाइट हाउस की तरफ वासियो फटाफट से जाना चाहेंगे, जल्दी जल्दी पहुंच कर एक अच्छी लूट कहने की करना चाहेंगे। बट गाइस लोकेश गेमर वर्सेस टीम लावा, फाइट यहां पर शॉर्ट हो चुके, पहला नॉक करने के निकाला जा चुका, कंफर्म करेंगे नहीं करेंगे वो यहां पर डिपेंड करता, बट सोच समझ कर जो कदम है वो यहां पर रखने पड़ेंगे। रोमियो गेमर आई थिंक यहां पर 2v गेमर के प्लेयर को भी फिनिश ऑफ कर दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया गया है, विशाल यहाँ पर कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, गैलेक्सी रेसर ग्राउंड शेयर कर रहे हैं, देखेंगे लोकेश गेमर के साथ ये रेसिप्रोकेशन कैसा जाएगा, बिकॉज स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड है, लूट की कमी नजर आ रही है, बिना लूट के सीधा इमीडिएटली रश करना इट कैन साउंड डिफिकल्ट, क्योंकि गैलेक्सी रेसर अभी अभी एक मोमेंटम सेट कर रहे हैं जिसके चलते वो वही वाले एड्रेलिन रश में है जो पुश दे सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, क्या मौका मिलेगा, क्योंकि टीम लावा को डैमेज देते हुए लोकेश गेमर नजर आ रहे हैं, लो इन एचपी है लेकिन जल्द से जल्द हील अप हो जाएंगे, पोचिनोक से डिस्टेंस बैटल लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अपन नजर आ जाएंगे, फिलहाल धीरे धीरे करके यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। गाइस हमको यहाँ पर देखने मिलने वाले रोमियो गेमर वर्सेस गैलेक्सी रेसर, क्या लगता है यहाँ पर रोमियो गेमर डाउन निकाल पाएंगे, फिलहाल वेपन्स किसके पास कम होंगे वो यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, बट यहाँ पर जंप एंड शूट की टेक्निक कितना कामयाब हो पाएगी, फिलहाल दोनों ही फिर से एक दूसरे के क्रोनो एबिलिटी में घुसे हुए नजर आ जाएंगे। MP5 से क्या कोई नॉक यहाँ पर निकाल पाएंगे, ट्राई करेंगे। जी हाँ, रोमियो गेमर का डैमेज पड़ चुका ऑलरेडी, पर पहला रॉक बहुत साफ होकर रखा जाएगा, इसी के साथ फिनिश ऑफ करेंगे, कोई भी मौका नहीं मिलने वाला, एनसी के साथ खाता यहां पर खुल चुका है। देखना होगा गैलेक्सी रेसर कितनी देर तक यहां पर रोक कर रख पाएगी अपने आप को, क्योंकि पीछे से घेरने की जो टेक्निक है वो यहां पर लगाई जाएगी, बनी एक तरफ रहने वाले हैं, चारों के चारों प्लेयर सलाइवा सर्किट बहुत ज्यादा लो यहां पर करके रखे जाएंगे। सी के साथ साथ गाइस मैं बोलना चाहूंगा फिलहाल गैलेक्सी रेसर के पास एक मौका यहां पर रहने वाला है, अगर गोल्डन पीछे से आते हैं और अगर नॉक यहां पर निकालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज हमको यहां पर देखने लिए मिल जाएगा। फिलहाल तो पहला किल निकाला है, क्या रश करेंगे क्या रश नहीं करेंगे, बट इतनी हिम्मत नहीं होने वाली कि यार यहां पर रश करना इतना आसान हो, बट वॉल लगाकर जो लूट क्रिएट है वो यहां पर बिल्कुल लूटने की कोशिश की जाएगी। बनी यहां पर ट्राई करना चाहिए, मैरी एक थोड़ा सा पीछे रहने वाला, आई थिंक रोड का जो कवर है, जो डिवाइडर का कवर रहने वाला ऑलमोस्ट वो उनके पास रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर फेंस के कवर में नजर आ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, टी बैग की तरफ भी ऊपर नीचे हुए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वासियो आ चुके हैं, 2B गेमर को डाउन करके रखा गया, क्या यहाँ पर रिवाइवल मुमकिन होगा या फिर एलिमिनेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बारसा बॉय को गवा दिया गया है। गैलेक्सी रेसर एज अ ट्रियो आगे बढ़ते हुए रिच के कवर से, कार्की भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, एंड 2B गेमर इज ब्लीडिंग टू डेथ, अगर अब मूवमेंट नहीं पकड़ा तो 2B गेमर विल बी एलिमिनेटेड। कार्की यहाँ पर होल्ड एंड पे कर ही रहे थे कि यहाँ पर ट्रेड फायर में मैरिक्स को डाउन किया गया, इट इज गोइंग टू बी थगेश, उन्होंने मैरिक्स को डाउन एंड कंफर्म करने में बिल्कुल भी डीले नहीं किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल भी डीले नहीं किया। तो गाइस हमारा अगला लाइक टारगेट यहाँ पर 34,000 लाइक्स का होने वाला, तो गाइस आपको फटाफट से लाइक करना है, एक साथ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, और साथ साथ अगर आपने तो स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो गाइस अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला कर लाएगा, उनको बताइए आपके फेवरेट टीम्स यहाँ पर खेलने वाले, आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर खेलने वाले। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं फिलहाल शाहिद हमको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, लोकेश गेमर यहाँ पर क्या कुछ पॉइंट्स लेकर जाने वाले, फिलहाल देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर पीके पर रहने वाले, उनके साथ में एक टीम यहाँ पर उतरे कितनी देर तक
अपने यहाँ पर अपने आप को रोक कर रख पाएंगे। फिलहाल तो अच्छी खासी लूट यहाँ पर प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी। तो गाइस आपको यहाँ पर नजर आ चुका होगा एक स्नाइपर यहाँ पर रहने वाले मैक 7 लोकेश गेमर ने खुद से यहाँ पर लेकर रखी। फिलहाल क्या वो डाउन कर पाएंगे, डैमेज देने की कोशिश कितनी ज्यादा कामयाब रहेगी। तो यहाँ पर शॉर्ट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, अगर नॉक निकालते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर रश कर पाएंगे। बट कहने के CR61 वर्सेस ब्लैक फ्लैग आर्मी भी हमको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। चिया गाइस नॉक यहाँ पर निकाला जा रहा था बट आवारा को रिवाइव टाइम रहते दे देगा। तो ये फाइट गाइस कहने की मिड रेंज की होने वाले, बट पीछे से एक प्लेयर यहाँ पर CRSTF से निकल कर आने वाले। क्या वो स्नेहा होंगी, क्या कोई डाउन यहाँ पर कर पाएंगे। आवारा के ऊपर फिर से एक और बार प्रेशर बन जाएगा, बहुत ज्यादा लो करके रखा जाएगा। बट इस बार मुकाबला थोड़ा सा कठिन रहने वाला। क्या पर एक टॉक निकल के रखा जाएगा, सी के साथ साथ स्नेहा डाउन हो जाएगा। एक और प्लेयर यहाँ पर कितनी देर तक कमान को संभाल कर रख पाएंगे देखना पड़ेगा। बट जादू को यहाँ पर डाउन करके रखा जाएगा, सी के साथ साथ फिनिश ऑफ करेंगे। टेक्निक यहाँ पर ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि चारों प्लेयर्स एक साथ टूट पड़े। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते तो ज्यादा से ज्यादा फायदा यहाँ पर निकल कर आ पाता है। बचे हुए दोनों प्लेयर्स ने आई थिंक शेरनी एंड एरियाना कितनी देर तक अपने आपको संभाल कर रख पाएंगे। बट ओ माय गॉड, जिया गाइस गैलेक्सी रेस उनका एलिमिनेशन दे देगा जिस टीम ने बूया निकाले इतने सारे किल्स के साथ। तो गाइस यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। जो टीम पिछली दफा भूया लेकर नंबर 1 पर आती है वो टीम 12th पोजीशन पर एलिमिनेट होती है, और एलिमिनेट हुए हैं टीम यूजी की ओर से। देखेंगे यूजी और कितना पुश देगी और कितने किल्स लेंगी। कमिंग बैक टू टीम BFA, 2 किल्स के साथ यू कैन सी आवारा इज डिस्कसिंग द स्ट्रेटजीज जो काफी ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड टीम CRX यहाँ पर हल्का सा बैकफुट लेते हुए हार्ड कवर और रीयूनाइटेशन के प्रोसेस में नजर आ रहे हैं क्योंकि हमेशा एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2 होते हैं। देखेंगे ये 2 कितने ज्यादा को डाउन कर सकेंगे। एंड फॉर नाउ शेरनी स्टार के साथ वेट कर रही है कि कोई टीम अटैक कर जाए तो रेसिप्रोकेट कैसे करना है और किल्स कैसे कंफर्म करने। बट राइट नाउ एवरीथिंग इज एट पीस एक्सेप्ट फॉर टीम यूजी, 2 किल के साथ आ चुके आमना सामना करने के लिए। देखेंगे ये अटैक कैसा रहेगा बिकॉज यूजी इज ऑल सेट ऑलरेडी, बिल्कुल पुश देते हुए नजर आ रहे अगेंस्ट रोमियो गेमर। व्यूअर्स गेस द प्रेडिक्शन, रोमियो गेमर वर्सेस यूजी, कौन सी टीम पोचिनॉक के ग्राउंड पर सर्वाइव करेगी, कौन सी टीम जीतेगी, खबर कौन सी टीम लेकर जाएगी। फिलहाल जावा बॉय गिली बुश बनकर जी आ गए अंदर बढ़ेंगे। सी के साथ क्या यूजी एक और डाउन निकाल पाएगी। फ्लॉट ट्राई करना चाहिए प्लेट के ऊपर, पीछे पूरा का पूरा पकड़ने की कोशिश, चूहे बिल्ली का खेल यहां पर चलने वाले। जी आ गए फिनिश ऑफ करेंगे, तीसरा किल यहां पर निकाल लेंगे। रोमियो गेमर थोड़ा सा ट्रबल में फंस जाएगा, सी के साथ साथ एलिमिनेशन यहां पर दे देंगे, कोई भी मौका नहीं दे देगा। जावा बॉय अपने खाते में 2 किल निकाल कर यहां से आगे बढ़ेंगे। जी हां गाइस 5 किल्स यूजी एम्पायर, एक बहुत ही शानदार शुरुआत कर ली गई है। 10 टीम्स अलाइव, 34 प्लेयर्स यहां पर बचे रहने वाला। तो टोटल रैंकिंग भी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, टोटल गेमिंग 44 पॉइंट्स का। जी अगर टॉप पोजीशन पर रहेगी, 25 प्लेसमेंट पॉइंट रहेंगे, 19 किल पॉइंट्स यहाँ पर होने वाले। बट गैलेक्सी रेसर गाइस इस गेम के अंदर स्टार्टिंग एलिमिनेशन दे दिया गया था, एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला। बट 43 पॉइंट्स के साथ अच्छी खासी पोजीशन के पास रहने वाले। थर्ड पर TSG के पास एक मौका ही गैस वो यहाँ पर ओवरटेक कर पाए, गैलेक्सी रेसर को कहने के पीछे हटाया जा सके। टीम लावा यहाँ पर कितने ज्यादा पॉइंट्स लेकर जा पाएगी, टीम लीड यहाँ पर ट्राई करना चाहिए, हर टीम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेकर जा पाए। बट गाइस क्या लगता है, टोंडे गेमर वर्सेस CRXD बताइए कौन लगता है यहाँ से बचकर जाएगा। स्नाइपर टावर के अंदर टोंडे गेमर के टोंडे खुद यहाँ पर होल्ड एंड प्ले करते हुए प्लाज्मा से अटैक करने की कोशिश, आरियाना को स्पॉट कर लिया गया, डैमेज डिलीवर करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन पीछे से TRP अननोन एक्स आ जाते हैं जो एक साथ एक किल सिक्योर कर चुके हैं। आरियाना इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, कृपेश वर्सेज आरियाना, कौन सा प्लेयर यहाँ से सर्वाइव करेगा। आरियाना अभी के लिए सेफ है, ग्लू वॉल लगा दिया गया है, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन विद द वुडपेकर इन हिज हैंड। आरियाना एक रश दे रही है और यहाँ पर गाय टोंडे फायर से हरियाणा को एलिमिनेट कर देंगे। CRX इज एलिमिनेटेड ऑन पोजीशन 10, टोंडे गेमर सर्वाइव टू सी अनदर डे एज द ट्रियो 2 किल्स बी कंफर्म कर चुके हैं। व्यूअर्स कीप ऑन शेयरिंग द सेम लव, कीप ऑन शेयरिंग द सेम सपोर्ट फॉर योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स। हमारा नेक्स्ट लाइक गोल है 34K, वी हैव क्रॉस 30K राइट नाउ, एंड सब्सक्राइबर्स गोल भी होने वाला है विच हैज टू बी 340। मेक श्योर वो सब्सक्राइबर्स गोल भी आप अचीव करवाइए बिकॉज विथ योर सपोर्ट वी आर स्टैंडिंग हियर एंड यू नीड टू सपोर्ट योर फेवरेट प्लेयर्स अलोंगसाइड। तो जी हाँ गाइस 34,000 का लाइक टारगेट होने वाला है, फटाफट से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के यहाँ पर बुला के लाइएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा। फिलहाल देखना चाहेंगे ब्लैक डाकू यहाँ पर कितना आगे तक बढ़ पाएंगे, आई थिंक थोड़े से नेम भी यहाँ पर कुछ ऐसे रहने वाले, बट देखना पड़ेगा ये दोनों प्लेयर्स कितना ज्यादा सर्वाइवल यहाँ पर दिखला पाएंगे। कड़की एंड ब्लैक डाकू यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स डुओस यहाँ पर बचा रहेगा, देर तक इनको सर्वाइव करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक बार सर्कल देखना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए कि यार सर्कल कैसे रोटेशन लेने वाले हैं। हमारे व्यूअर्स को गाइस अपने प्रेडिक्शन से यहाँ पर लगा दीजिएगा, हमें बताइए नेक्स्ट सर्कल कहां पर बनने वाला है। गाइस आपको वेट नहीं करना, फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट यहां पर
कर दीजिए, क्या वो भीम हो सकती है, वो क्या वो पीको, क्या वो पोचिनो होने वाले, क्या वो फैक्ट्री की तरफ जाएगा, क्या वो क्लॉक टावर की तरफ जाने वाले। फटाफट से गाइस बिना देखे सर्कल को कमेंट करने लाइक, सेकंड सर्कल आपको देखना नहीं गाइस, फटाफट से कमेंट में हमें जरूर बताएगा। हम लोग भी यहाँ पर गैस करना चाहेंगे, शायद से आई थिंक पीक और पोचिनो थोड़ा सा यहाँ पर आ सकते हैं, बट हम लोग भी डिसाइड करना चाहेंगे कहाँ पर सर्कल मोस्टली पहुंचने वाला, बट डिसाइड यहां पर आपको भी करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ इंतजार करेंगे सर्कल में टीम्स कैसे कैसे रोटेशन यहां पर रहने वाले। तो जी हां गाइस, पूरा का पूरा फायदा पीक के ऊपर जाने वाले जितने भी टीम्स यहां पर बची रहेंगे उनके पास एक बिल्कुल मौका रहेगा क्या टोटल गेमिंग एक और बार टॉप कर आएगी। जी हाँ गाइस, अगर देखा है तो तीन मैचेस के बाद ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन यहां पर लेकर बैठी, लेकिन टीम लीड कितना शानदार कम बैक इनकी तरफ से हमको देखने के लिए मिल पाएगा। बिल्कुल, हम देखेंगे क्या टीम एलीट की ओर से कोई कमबैक नजर आएगा। टोटल गेमिंग द टीम ऑन नंबर वन अब अनकंटेस्टेड रहेंगे क्योंकि उनके कंपटीशन गैलेक्सी रेसर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बैटल शुरू है, कोई बैटल एंड नहीं हुई। स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन बनता हुआ 10 मिनट्स हो चुकी है, 9 मिनट्स बाकी होने वाली है। दिली डॉग लेकर रेडी है, वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कोई भी मोमेंटम पिक हो वहां से फायरिंग शॉट्स कनेक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट देयर सम मिसहैप हैपनिंग टू टीम टीएसजी। ऋतिक एलिमिनेट हो चुके हैं, कमिंग बैक टू पहाड़ी राइट नाउ, रेडी है स्नाइपर के साथ यहाँ पर देखने के लिए कि कौन सी टीम ग्राउंड शेयर कर रही है। एंड यूजी वेल, हमने देखा 30 सेकंड में स्क्वाड वाइप किया था, फिर से एक बार टीम लावा के ऊपर परेशानियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखना पड़ेगा फिलहाल जो मुकाबला सुप्रीम को नौकर के रखा जाएगा। इसी के साथ साथ गाइस टीम लावा वर्सेस यूजी एम्पायर, जी दो प्लेयर्स बचे रहेंगे, क्या रहते हैं इसके साना को भी डाउन करके रखा जाएगा। ओह माय गॉड, अब जावा बॉय बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं, हेडशॉट्स के साथ यहाँ पर स्वागत किया जाएगा संदीप गेमर, इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे। भागना पड़ेगा जल्दी से, जल्दी से कंपाउंड को छोड़ना पड़ेगा, पोचिनो का एरिया आई थिंक कोई मौका नहीं। प्रिंस यहाँ पर फिनिश ऑफ करेंगे, टोटल 8 किल्स यहाँ पर लेकर जाती यूजी एम्पायर, एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखलाते हुए चारों प्लेयर्स को अलाइव रखा जाएगा। जी हाँ गाइस, सो हैशटैग यूजी एम्पायर इन द कमेंट सेक्शन लगा दीजिएगा और साथ साथ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल यहाँ पर करते रहना। एंड फिलहाल यहाँ पर बात की जाएगा 3 किल्स प्रिंस एंड जावा बॉय अपने खाते में यहाँ पर निकाल कर लेकर जाएंगे। गाइस हमने शुरुआत में ही बोला था जावा बॉय के लिए बहुत सारे हैशटैग्स यहाँ पर लगने वाले, क्योंकि ये अकेला प्लेयर बहुत सारी किल्स निकालकर अपनी टीम को देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर एकत्रित करके देता है। बट फिलहाल गाइस टोटल गेमिंग की बात करें तो M79 यहाँ पर निकलेगा, राज को समन एडम मंगवा लिया, UAV ऑलरेडी यहाँ से ऊपर की तरफ से निकल जाएगा, लोकेशंस रिवील हो जाएंगे, आसपास कोई भी टीम है या फिर नहीं है। तो फौजी अजय को यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा जो कि कैप्टन होने वाले टीम के, कि इसके बाद वाला रोटेशन हमको कहां पर लेना है, कौन कौन सी टीम्स कितनी देर तक अपने आप को यहाँ पर संभाल कर रखने वाली, क्योंकि गाइस सर्कल यहाँ पर शिंकिन होना स्टार्ट हो चुका है। अगला सर्कल किसके फेवर में जाने वाला, गाइस प्लीज हमको एक बार सर्कल यहाँ पर दिखाया जाए और हमारे व्यूअर्स भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे गाइस अगले सर्कल में कौन सी टीम कितनी देर तक अपने लिए जगह बनाकर रख पाएगी। फिलहाल टीम लीड एक तरफ रहेगी, टोटल गेमिंग यहां पर देर तक रुकी रहने वाली। तो जी हां गाइस, बात करूंगा सर्कल यहां पर शिफ्ट इन होना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल शिफ्ट इन होना स्टार्ट हो चुका है। टोटल गेमिंग एफ रियलाइज के नंबर वन पर है, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जिसके चलते होल्ड एंड प्ले का सिचुएशन होल्ड कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्ले स्किल्स को इसी तरीके से, क्योंकि पता है अगर यही इसी तरीके से आप लीडर बोर्ड एक्वायर कर सकते हो, नंबर वन पर आ सकते हो। एंड कमिंग बैक टू द लीड टू द सर्कल शिफ्ट, व्यूअर्स गैसेज लगाइए कि कहाँ पर सर्कल जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी पीक के एरिया में हल्का सा साउथ वेस्टर्न शिफ्ट ले लेगा। इफ नॉट आपको जो लगता है वो आपका गैस बताइए। मिल के पास टीम TSG होने वाली है, TSG ने अभी तक एक भी बुया नहीं निकाला। Maybe this is the match जब हम TSG को बुया लेकर जाते देख सके, because they are a squad strong and circle shift लेते हुए। Well, मेरा prediction बिल्कुल गलत है। Team elite dead center में circle के पास आने वाले, जिसका advantage पूरे के पूरी तरीके से लिया जाएगा। और यहाँ पर टोटल गेमिंग जो गेट कीपिंग करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खुद भी गेट कीपिंग के शिकार हो सकते हैं। कमिंग बैक टू टीम LR7, यहाँ पर फाइट शुरू है, 2 UG गेमर्स जो अभी तक काफी अच्छा हाइट पर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर कहने के टीम लीड के ऊपर फेवर लगाया था कि सर्कल इस तरफ जाएगा, तो गाइस बिल्कुल आप लोग सही हैं। बाकी व्यूअर्स को यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है कि सर्कल कहाँ कहाँ पर रोटेशन लेने वाले, तो गाइस आप लोग बिल्कुल अपने प्रेडिक्शन इसी तरीके से लगाते रहेगा। बट फिलहाल यहाँ पर लोकेश गेमर का नेट यहाँ पर क्या पहुंच पाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस उसमें यहाँ पर तय करना पड़ेगा, फिलहाल देखना पड़ेगा टप्पा खाकर क्या वो यहाँ पर जा पाएगा। आई थिंक नहीं पहुंच पाएगा, जी हाँ गाइस जंप के साथ तो नहीं जा पाएगा, और विशाल को ऑलरेडी डाउन करके रखा जाएगा। फिलहाल पहुंचना पड़ेगा, रिवाइव देने की कोई भी उम्मीद यहाँ पर क्या रह पाएगी। जी हाँ गाइस सक्सेसफुली पहुंच चुके, रिफाइव यहाँ पर दिया जाएगा, कहने की रश करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो गाइस एट टीम्स अलाइव रहेंगे, 28 प्लेयर्स यहाँ पर जो वो बचे रहने वाले, बट गाइस यहाँ पर लाइक टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो गाइस जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा, एक साथ लाइक करना है, 34,000 का लाइक टारगेट यहाँ पर होने वाला। फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला कर लाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा। जी हाँ गाइस, टोंडे गेमर यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेगा, गाय टोंडे यहाँ पर कितना अच्छा रोटेशन लेने में बिलीव करना चाहेंगे। फिलहाल सर्कल जब शिफ्ट हो चुका है, टीम लीड सर्कल के सेंटर में रहने वाले, कितनी देर तक यहां पर अपने आप को रोक कर रख पाएगी। लूरे टोंडे एंड कृपेश यहां पर
क्या कुछ स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करेंगे वो भी देखना पड़ेगा, बट बहुत सारे टीम्स का सर्कल का जो रोटेशन है वो सिंपल होने वाले, यार पीक की तरफ से वो आगे की तरफ बढ़ पाए तो जो भी टीम पहले से पीक के ऊपर बैठी हुई थी उनको यहाँ पर सामना करना पड़ेगा हर एक टीम का। एंड कहने की जो भी टीम देर तक रुकी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, अपने आपको बचा कर रखेगी, वही देर तक टिक पाएगी। तो गाइस यहाँ बात करूंगा किलर को लेकर, तो सामने ब्लैक फ्लैग आर्मी होने वाले, आई थिंक उनके लिए जो बुरा वक्त है वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, एक ट्रायंगल सा क्रिएट हो चुका है, सर्कल का एडवांटेज टीम इलीट के पास जरूर है बट हार्ड कवर की काफी ज्यादा कमी है, सिर्फ एक रॉक का कवर होने वाला है और यहाँ पर समन एयर ड्रॉप भी है, काफी ज्यादा ग्लू वॉल्स भी होने वाली है बट देर नॉट पिकिंग अप एज ऑफ नाउ। स्नाइपर यूज करते हुए ही वुड वॉन्ट टू गेट एग्जैक्ट व्यू के कहां से अगर अटैक करना शुरू करते हैं तो एडवांटेज में जाएंगे, लेकिन उससे पहले टोंडे गेमर की टीम अटैक करते हुए, टू बी गेमर की टीम अटैक करते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर कार्की अकेले बचे हुए विथ वन लास्ट मैन स्टैंड और यहाँ पर उज्जवल को स्पॉट करके अटैक करने की कोशिश बट एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, उज्जवल बच जाएंगे, हील अप कर लेंगे लेकिन कार की कितनी ज्यादा देर तक बचेंगे, जोन का डैमेज लेते हुए रोटेशन लेने की कोशिश, भागने की कोशिश, क्या भागने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप देखना पड़ेगा, फिलहाल तो नेट से यहाँ पर थ्रो के जाएंगे बट गाइस सर्कल में शिंकिन होना स्टार्ट हो जाएगा, 25 सेकंड्स यहाँ पर कहने के बच्चे रहने वाले। जी गाइस देखना पड़ेगा, अब टीम लीड यहाँ पर मुकाबला करना चाहिए। गाइस यहाँ पर पहाड़ी को देख लीजिए, उन्होंने ड्रॉप एकदम सटीक पॉइंट पर मंगाया जहां से यार वो अपने राइट साइड में पूरी की पूरी नजरे बनाकर रख पाए, अपने लिए एक हार्ड कवर भी यहाँ पर बनाकर रख पाए। फिलहाल एक और सर्कल के सेंटर में यहाँ पर रहने वाले आरडीपी यहाँ पर फिनिश ऑफ करेंगे फौज को। जी गाइस टोटल गेमिंग वर्सेस यहाँ पर चलने वाला टीम लीड, तो देखना पड़ेगा कितनी देर तक इस कमान को यहाँ पर संभाल कर रखा जाएगा, टोटल गेमिंग क्या सर्कल में एंट्री ले पाएंगे। साथ साथ यहाँ पर टीएजी भी जूझने वाली सर्कल में पहुंचने के लिए, हर एक प्लेयर एक डिफरेंट एंगल पर यहाँ पर बना रहेगा, माफिया को यहाँ पर कुछ ना कुछ कमाल दिखाना पड़ेगा जिससे टोटल गेमिंग सर्कल के अंदर एंट्री ले पाए। हर एक तरफ से आई थिंक यार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर बैठी हुई टीम लीड। गाइस मिनी मैप एक बार देखना, गाइस हर एक टीम चाहती है कि सर्कल के अंदर अपने लिए जगह बना पाए, बट टीएसजी से लिखी एंड ओजस यहाँ पर बचे रहेंगे। फिलहाल तो रिवाइव मिल जाएगा बट क्या वो फिनिश ऑफ कर पाएगी स्केलेटन। यूजी यहाँ पर दो प्लेयर्स के साथ रश करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले, स्केलेटन को बहुत ज्यादा लो करके रखा जाएगा, इसी के साथ वॉल्स को प्रॉपर्ली यूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड सर्कल का डैमेज कितनी देर तक अपने आपको संभाल कर रख पाएगा, स्केलेटन को यहाँ पर डाउन करके रखा जाएगा, फिनिश ऑफ करेंगे और जल्दी से जल्दी सर्कल में पहुंचने की पहल इनकी कामयाब रहेगी या फिर नहीं रहेगी वो देखना होगा। बिल्कुल यहाँ पर सर्कल के एज पर आने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, एज अ डियो स्ट्रॉन्ग आगे जाते, कार के अकेले बचे हुए हैं, प्ले जोन पर काफी ज्यादा नुकसान लेते हुए टू बी गेमर एलिमिनेटेड एंड इट इज गोइंग टू बी आवारा जो टीम लीड के किलर को डाउन एंड कंफर्म कर चुके हैं, एज अ ट्रियो एंड टू किल्स ही ली गई है, सर्कल के एज पर है ओनली टीम विद इन द सर्कल, सर्कल का एडवांटेज लेकर बैठे हुए, गेट कीप करने का मौका LR7 को है शायद विथ नो HP, हील अप कर रहे हैं जॉन्टी यहाँ पर अटैक करते हुए आवारा को, लेकिन ट्रेड फायर में आवारा जॉन्टी को वन शॉट वन नॉक दे देंगे, क्या जॉन्टी को बचाने की कोशिश की जाएगी या फिर नहीं, बिल्कुल बचने का मौका नहीं, एज अ डियो स्ट्रॉन्ग आवारों को फिनिश कर दिया गया, पहाड़ी एक रेज में रिवेंज फायर देखने के लिए मिला है और यहाँ पर अब 5 teams 12 players, सर्कल का एडवांटेज अभी भी टीम एलीट के पास, टोटल गेमिंग इज अ स्क्वाड स्ट्रॉन्ग माइंड जो अभी तक पोजीशन 1 पर है और अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, लेट्स सी फिर से एक बार क्या बूया देखने के लिए मिलेगा क्योंकि पहाड़ी के ग्रोजा स्प्रे रेडी हो चुके हैं अटैक करते हुए टीएसजी को एलिमिनेटेड एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी पहाड़ी जो उन्हें एलिमिनेट करेंगे, इट वॉज गाइटोंडे, लेकिन यहाँ पर गाइटोंडे को जो अटैक किया गया है आरडीपी भी एलिमिनेट हो चुका है, इट इज गोइंग टू बी 1v1 ल्यूरे वर्सेस पहाड़ी। जी बिल्कुल, अब देखना पड़ेगा खिलौते पहाड़ी बचे क्या लगता है कैसे अपने बचा पाएंगे, जी नहीं कोई भी मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा और देखते देखते फिनिश ऑफ किया जाएगा, टीम लीड यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी थर्ड पोजीशन के ऊपर, ये मुकाबला टोटल गेमिंग वर्सेस टोंडे गेमर यहाँ पर रहने वाले, खिलौते प्लेयर यहाँ पर लूरे बचेंगे 3 kills, यहाँ पर क्या लगता है माफिया कर रहे डबल स्नाइपर लेकर अंदर की तरफ जाएंगे, इसी के साथ यूजी वेपन के साथ क्या फिनिश ऑफ कर पाएंगे, जी ओ माय गॉड यहाँ पर 5 kills के साथ लेकर जाएंगे, बिल्कुल टोटल गेमिंग एक और बार यहाँ पर मचाएगी। जी हां गाइस, हैशटैग टोटल गेमिंग इन द कमेंट सेक्शन बिल्कुल लगा दीजिएगा डिलीट यहाँ पर एमवीपी होने वाले, और साथ साथ गाइस अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो गाइस एक साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। प्रसाद एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, टोटल गेमिंग ऑलरेडी टॉप कर रही थी, एक और बुआ अपने साथ लेकर गई है, और भी ज्यादा रोशनी बढ़ जाएगी इनके सितारे की, देखेंगे यार वो जो डिफरेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ाएंगे एंड वो नीचे की टीम को जो उम्मीद रहती है ना कि यार हम टोटल गेमिंग को नीचे ला पाएंगे हम फर्स्ट पोजीशन, वो और थोड़ी कम हो जाएगी कहीं ना कि यार वो जो डिफरेंस है उसके चलते। तो गाइस देखेंगे आपकी फेवरेट टीम यहाँ पे मचा रहे हैं, तारिया मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यार जो फैंस आज कह रहे हैं वही हो रहा है कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था फैंस यहाँ पे हैशटैग लगा रहे थे कि टोटल गेमिंग और बहुत ज्यादा बुआस लेगी एंड वो हो भी रहा है।
बिल्कुल, यहाँ पर फैंस मोटिवेट करते जा रहे हैं प्लेयर्स को, प्लेयर्स अपना परफॉर्मेंस लेवल अप करते जा रहे हैं। हमने देखा टोटल गेमिंग इस बार काफी पैसिव अप्रोच रख रही है, हर बार फाइनल सर्कल तक चारों मेंबर्स को बचा रही है, बुया पर बुया लिए जा रही है। क्या ये कंसिस्टेंसी चलती रहेगी, क्या ट्रिपल होने वाला है टोटल गेमिंग का, या फिर कोई और टीम आएगी, क्योंकि पर्गेटोरी में रोटेशन पर काफी ज्यादा प्रायोरिटी होंगी एंड रिपीटेशन है संजीव, तो आई एम वेरी श्योर ऑफ के यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रेटजीज देखने को मिल सकती है। जी हाँ बिल्कुल, प्लानिंग्स में कुछ चेंजेस यहाँ पर होने वाले, बट देखना पड़ेगा गाइस। हमारा जो ये बरमूडा मैप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, 4 मैचेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके, 3 मैचेस अभी भी यहाँ पर बचे हुए रहने वाले गाइस। परगेटरी देखने लिए मिल जाएगा, कालाहारी एक और बार बरमूडा हमको यहाँ पर देखने लिए मिल जाएगा। बट गाइस अगर आपने अभी तक अपनी फेवरेट टीम्स के लिए हैशटैग नहीं लगाया तो यार हैशटैग लगाना स्टार्ट कर देगा, और देख लीजिए आपकी टीम सर कितने टोटल रैंकिंग में कितने पॉइंट्स की लेकर यहाँ पर बैठी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन उनके पास यहाँ पर रहने वाले। तो गाइस डिसाइड करना पड़ेगा आपके टीम्स को कम बैक यहाँ पर करना पड़ेगा, तो गाइस अपनी टीम्स को मोटिवेट कीजिए, हैशटैग लगाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल यहां पर करती रहेगा जी। एंड गाइस साथ ही साथ एक और चीज कि यार ये सारे स्पेशल टूर्नामेंट्स आप भी खेल सकते हो इन सारी टीममेट्स के साथ, यानी कि आपकी सारी फेवरेट टीम के साथ आप भी अपना गेम प्ले तराश सकते हो, कंधे से कंधा मिलाकर खेलने का मौका आप यहां पे पा सकते हो, क्योंकि ये सारी स्पेशल टूर्नामेंट होने जा रही है कैरी मिनाटी के गिल्ड के अंदर। बस आपको एक ही चीज करनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो, गिल्ड ज्वाइन करो एंड मौका पाओ ढेर सारे टूर्नामेंट खेलकर ढेर सारे प्राइजेस भी जीतने का, बिकॉज इस बार गाइस यहां पे यार 5 लाख रुपए का प्राइज पूल होने वाला है। गाइस बात करेंगे अब यहाँ पे कैंप के बारे में, तो हमारा भाई यहाँ पे थोड़ी सी खुशी जरूर नजर आ रही है। बात करेंगे वास्यो के बारे में, तो बिल्कुल अगर वास्यो है तो मुमकिन है कमाल का बुया यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया था फौजी अजय के हाथों में, तो विजय बहुत बार देखते हैं, बट यार सुनीता ने तो पहला गेम ही जीता था। देखेंगे गाइस इन सारे टीम के बारे में यार आने वाले समय में, यानी कि आने वाले मैच में क्या कुछ देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं यार एक कमबैक चाहिए होगा हमारा भाई की टीम की तरफ से, जो फैंस भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। देखते हैं गाइस टोटल गेमिंग एक कंसिस्टेंसी दिखाएंगे या फिर फिलहाल प्लेन पाथ यहाँ पे नजर आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला सेंट्रल के ऊपर, एंड पॉइंट हो जाएगा क्रॉस रोड के ऊपर एंड हार्टियर जोन इस बार लास्ट 7 के पास होने वाला है। देखेंगे उनके साथ फिलहाल के लिए तो कोई भी ग्राउंड नहीं शेयर किया, बट गाइस फिलहाल बात करेंगे हम यहां पे टीम एलिट के बारे में, बिकॉज़ हर बार उतरती है स्की लॉज के ऊपर एंड प्लेन पर संजीव इस बार यहां पे उनको बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल देगा, बिकॉज़ अगर स्की लॉज जाना है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा एरिया पैदल तय करना होगा। आई थिंक जी हाँ गाइस भागा दौड़ी यहाँ पर कहने की करनी पड़ेगी, बट लोकेश गेमर सेफली लंबर मिल के ऊपर एक अच्छी खासी लूट यहाँ पर करना चाहेंगे, स्नाइपर्स में कोई भी कमी नहीं रहने वाले, बट CR1 वर्सेस गैलेक्सी रेसर का सेंट्रल के ऊपर सबसे पहली फाइट हमको यहाँ पर देखने लिए मिल जाएगा, बट टीम लावा का मुकाबला भी यहाँ पर रहने वाले, देखना पड़ेगा टीम लीड क्या अपने मंजिल तक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, बट जल्दी जल्दी भागा दौड़ यहाँ पर करनी पड़ेगी टीम लावा। फिलहाल पहले प्लेयर यहाँ पर खोज जाएगा कसाना, ओ माय गॉड यहाँ पर संदीप गेमर 2 प्लेयर्स, सो गाइस यहां पर एक अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए, और देखते ही देखते इसका फायदा जो टीम्स है वो यहां पर उठाना चाहेंगे। सुनीता सुप्रीम यहां पर कितनी देर तक इस कमान को रोक कर पाएंगे, फिलहाल तो अच्छे खासे वेपन्स देखने को मिल रहे हैं, MP40 एंड सारे वेपन्स अच्छे खासे प्रॉपरली यहां पर यूज करना चाहेंगे, बट क्या रहता है गाइस यहां पर मुकाबला कर पाएंगे, इसी के साथ साथ एक और डाउन क्या निकाल पाएंगे सुनीता यहां पर ट्राई करते रहते, बहुत ही शानदार हेडशॉट बट यहां पर सुप्रीम को नॉक करके रखा जाएगा, क्या लगता है सुनीता टीम लावा से क्लॉथी प्लेयर बच जाएंगे, नॉक में नॉक यहां पर निकाली जा रहे हैं सुनीता बिल्कुल यहां पर 1v2 निकाल कर गई, बट कहीं ना कहीं यहां पर गाइस देख सकते हैं यार थोड़ा सा और सपोर्ट मिल पाता तो शायद से फिनिश ऑफ कर पाते। जी हाँ गाइस रोमियो गेमर बिल्कुल 4 किल्स ऑन पॉइंट निकाल कर जाएंगे, सुनीता के लिए गाइस हैशटैग बिल्कुल यहाँ पर लगा दिएगा, फिलहाल किलर FF यहाँ पर ट्राई करना चाहेंगे टीम लीड, एक बहुत बड़ा झटका किलर एक लौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे, क्या लगता है गाइस टोंडे गेमर एक बहुत ही शानदार शुरुआत है, टीम लीड का एक बहुत बड़ा झटका यहां पर दे दिया गया है। 11वें स्थान पर का ये एलिमिनेशन आई थिंक प्लेन पर जिस प्रकार से यहां पे यार कंफ्यूजिंग बन गया था उसी के चलते स्किलॉज के तक यहां पर पहुंच नहीं पाया, थोड़ी सी गलती यहां पे कर दी 2B के साथ ही यहां पे ग्राउंड शेयर किया, बट कहना कि हम जानते हैं यार 2B का भी फायर पावर आजकल बहुत बार यहां पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, इस बार एक किल खाते में जोड़कर बैक टू लॉबी भेजने की कोशिश जरूर करेंगे, बट गाइस यहां पे ब्राजीलिया होने वाला है, बहुत ज्यादा हॉटनेस हमें नजर आ रहा है। बात करेंगे मिनी मैप के बारे में, तो गाइस एक बार डालिएगा बहुत सारी टीम यहां पे अपना ग्राउंड शेयर कर रही है ना, आपकी फेवरेट टीम गाइस अभी भी यहां पे अलाइव होने वाली। बात करना चाहूंगा मैं अब यहां पर आपके सपोर्ट के बारे में, तो कहना कि यार हम देख पा रहे हैं यहां पे 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स यहां पे कहना कि कैलकुलेशन लगाए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रखे जा रहे हैं, देखेंगे गाइस यहां पे सेंचुरी आज कौन सी टीम क्रॉस करती है 2B के लिए, यहां पे हैशटैग लगाए जा रहे हैं। बात करेंगे हम निरंजन खड़का के बारे में, तो यार TG डिलेट इज किंग, तो देखेंगे इस बार यहां पे किंग कौन बनता है, बट यार सबसे पहले अगर किंग बनना है तो बिल्कुल यहां पे कहना कि टकराना होगा कहना कि शेरनियों के साथ, देखेंगे गैलेक्सी रेसेस 4 प्लेयर्स यहां पे सेंट्रल के ऊपर अपना नाम कमाने के लिए बिल्कुल आ चुके हैं। जी हां गाइस हम सभी ने बहुत सारे टूर्नामेंट में देखा ये होम ग्राउंड रहता है हमारे गैलेक्सी रेसेस का, बहुत बार यही होता है, इस बार CR1 ने उनके साथ ग्राउंड शेयर करने की कोशिश की, ग्रेनेड अगर वासियों का कनेक्ट होता
जाता है यहाँ पे अरियाना बहुत ज्यादा लो होते हुए नजर आएंगे, देखेंगे इस बार यहाँ पे डैमेज मिलेगा या फिर बट क्रोनोशील अरियाना को बचाने के बिल्कुल काम आएगी, कहना के पीछे अपने कदम उठा दो बासा बॉय यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ गाइस इस फाइट का मजा और भी ज्यादा दुगना होता नजर आ रहा है, बिकॉज नॉक एंड रिवाइव यही यार कोई ना कोई सिलसिला यहाँ पे जरूर चलते नजर आ रहा है। बात करेंगे हम यहाँ पे हिनाता के बारे में, तो उन्होंने यहाँ पे उनको खो दिया है शेरनी, अरियाना एंड स्नेहा ये तीन प्लेयर्स यहाँ पे होने वाले इस बार सीआरएक्स डिवाइन के पास, देखेंगे अपनी कमान संभाल पाएंगे या फिर सेंट्रल के इस एरिया में अपना झंडा लहरा पाएंगे या फिर बट कहना कि यार स्नेहा को भी ट्रेड फायर में धाराशाही करके रखा। आई थिंक गैलेक्सी रेसेस इतनी आसानी से हारने माने वाले ने एक मौका स्नेहा को रिवाइव करने का बिल्कुल मिल चुका होगा, पीछे से एक कॉल आया होगा कि शेरनी यू कैन रिवाइव में आने ग्लू वॉल डाली जाएगी, बट खुद को भी यहाँ पे बचाना होगा बिकॉज गैलेक्सी रेसेस अब संजीव हाइट का एडवांटेज ले रही है, बिल्कुल हाई ग्राउंड का फायदा उनको मिल पाएगा। बट गाइस गैलेक्सी रेस देखना पड़ेगा यार, फाइट को कभी भी छोड़कर नहीं जाते, कंप्लीट यहां पर करेंगे भले उनको एलिमिनेट होना यहां पर पड़ जाए, बट देखना पड़ेगा शेरनी का ये फ्लैंक कितना ज्यादा कामयाब रहेगा एंड शेरनी क्या यहां पर अपनी दहाड़ से फिनिश ऑफ कर पाएंगे देखना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ साथ धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे, शेरनी का पूरा रोटेशन गाइस हम लोगों को यहां पर नजर आने वाला, आई थिंक वो एक अच्छा फ्लैंकर बनके एक अच्छी किल से निकाल सकते हैं, जिसके साथ उनके टीम मेंबर्स एक अच्छी फाइट यहां पर पिक कर पाएंगे, इजिली एलिमिनेट कर पाएंगे सामने वाली टीम को। बट यहां पर टीएचजी का मुकाबला गाइस एक टीम के साथ रहने वाले रोमियो गेमर, फिलहाल एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर कर ली गई थी, टीम लावो का एलिमिनेशन दिया गया था, बट सी के साथ साथ गए टीएचजी, क्या लगता है सब नेट्स वर्क करेंगे, ऋतिक का नेट यहाँ पर क्या पहुंच पाएगा, अगर पहुंचता तो शायद सुना डियल पे ओ माय गॉड चिया यहां पर से थोड़ा सा चूक जाएंगे रोमियो गेमर, अगर वॉल नहीं लगाते तो शायद से ऋतिक का एक नेट परफेक्टली कनेक्ट हो जाता और देखते देखते एक और नॉक यहाँ पर हमें नजर आ जाता, बट फिलहाल टीएचजी सेफ गेम प्ले दिखलाना चाहिएगी, हार्ड कवर में रहना चाहिए, इसी के साथ साथ लेजेंड ओ माय गॉड आई थिंक यहाँ पर लेजेंड के लिए जो वॉल है वो कहने की लगाई गई, फिलहाल देखना पड़ेगा लेजेंड यहाँ पर कितनी देर तक अपने आप को बचाकर रख पाएंगे। फिलहाल गैलेक्सी रेसर का एलिमिनेशन यहाँ पर दे देगा एरियाना, यहां पर अभी तक तो एमवीपी बन जाएंगे, फिलहाल अच्छे खासे किल्स उनके खाते में यहां पर निकल कर आ जाएंगे। तो गाइस #CRX21 इन द कमेंट सेक्शन लगा दिएगा, और साथ साथ गाइस यहां पर अगले मैच का जो लाइक टारगेट है वो मैं आपको बिल्कुल यहां पर देना चाहूंगा, तो गाइस 38,000 लाइक्स का टारगेट होने वाला गाइस नेक्स्ट टारगेट, तो गाइस फटाफट से लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करिएगा। फिलहाल तो नेट से यहाँ पर थ्रो होने वाला जस्ट यहाँ पर रश करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे नेट एक और बार थ्रो करते हो क्या लेते हैं गाइस कनेक्ट हो पाएगा, कनेक्ट होता तो शायद से नॉक निकल पाए, बट नहीं यहाँ पर दूरी तय कर ली गई थी जिसके कारण कम डैमेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। जी बिल्कुल देखेंगे इस बार यहाँ पे नॉक कर पाएंगे यहाँ पर ओजस्वी विद एमबेडेड 7 क्रशर के अंदर घुस कर यहाँ पे मार पाएंगे, इस बार एक कमाल का 1v2 क्लच ओजस्वी की तरफ से देखने को मिलने वाला है, बट कहना की ग्लू वॉल लगाई रोमियो गेमर खुद को बचाने की कोशिश यहाँ पे बार बार करते नजर आ रहे, कहना की अब टॉम एंड जेरी वाला सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, साइथे का इस्तेमाल यहाँ पे करते नजर जरूर आ गए थे, बट कहना की 4 किल्स खाते में टीएचजी अब यहाँ पे मचा देगी गाइस #TH इन द चैट, बिकॉज ब्राजीलिया के ऊपर कहना कि आपके फेवरेट प्लेस के ऊपर आपकी फेवरेट टीम यहां पे मचाते नजर आ रहे, तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। जी हां गाइस कैन वी हिट 30,000 वाचिंग गाइस बिल्कुल हम पार कर सकते हैं, अगर मैं बार-बार आपसे यही कह रहा हूं कि गाइस ये जो यार इवेंट है ये काफी ज्यादा शानदार है, हम यहां पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स को देख पाते हैं खेलते हुए वो भी टूर्नामेंट में, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन लॉबी के अंदर जहां पर और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना नाम रोशन करने के लिए यहां पे आ चुके हैं, अपना गेम प्ले दिखाकर फैंस को खुश करने के लिए यहां पे आ चुके, तो गाइस अगर ये इवेंट सारे आप बार-बार देखना तो गाइस 30,000 की वाचिंग हमें यहां पे क्रॉस करनी है, उसके साथ साथ गाइस आपको यहां पे स्ट्रीम को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को बुलाना है, अपनी फेवरेट टीम का सपोर्ट यहां पे बढ़ाते रहना है। बात करेंगे अब यहां पे ब्राजील के बारे में, देखते हैं टीएजी के ऊपर यहां पे और कौन सी टीम हमला करने के लिए आती है, बट यूजी रफ्तार के साथ बैक टू बैक आगे अपने कदम बढ़ा रही है, गोल्फ कोर्स के इस मैदान को छोड़ना होगा एंड सर्कल के अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी यहां पे सोचनी होगी, बिकॉज अगर एक बार सर्कल के अंदर जाने के लिए लेट हो गए तो गेट कीपिंग का मौका बाकी सारे टीम को मिल जाएगा एंड उसका खामियाजा इस बार यूजी को भुगतना पड़ेगा, पिछली बार कमाल के फ्रैग्स यूजी की तरफ से यहां पे नजर आ रहे थे, देखेंगे इस बार यहां पे पर्गेटरी के इस मैच में कितने सारे वेपनरीज एंड कितने सारे किल्स इनके पास नजर आते हैं। फिलहाल पॉइंट्स के बारे में बात किया तो टोंडी गेमर भी ऊपर जाना चाहते हैं टोटल रैंकिंग के ऊपर, 4 प्लस अलाइव एंड 5 किल्स एक झटके में यहां पे बहुत ही जल्दी खाते में जोड़ के रखे एंड अब यहां पे टीम लीड के फेवरेट पोजीशन के ऊपर जाकर लूट करना पसंद करेंगे, बट जाने से पहले गाय टोंडी यहां पे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे किसी भी एरिया को, यह बात बहुत अच्छी होती है संजीव, बहुत बार हम यहां पे कहना कि मैप के बाहरी इलाकों में जाकर लूट करना पसंद करते हैं, बट ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर भी यहां पे कोशिश कीजिएगा सबसे पहले कि क्या कोई टीम कैंप कर रही है, अगर क्लियर है तभी यहां पे ओपन में जाइएगा। बिल्कुल गाइस एंड सोच समझकर, जैसे कि हम लोग अक्सर हमेशा आपको बता दे गाइस सब लोग कभी भी एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाते तो हार्ड कवर टू हार्ड कवर चलेगा, लाइक पेड़ से पेड़ का कवर लेकर चलिए, अगर आपके सामने अचानक से कोई टीम आ जाती है थोड़ा मिड रेंज में रहेगा एक मौका नहीं मिलता समझ लेगा कि यार वॉल लगाई एंड स्नाइपर प्लेयर MH2B के साथ आपको आर पार डैमेज देने की कोशिश करता है तो आपकी वॉल वहां पर खत्म हो जाती है, बट अगर पेड़ का हार्ड कवर रहेगा तो थोड़ी देर तक आप वहां पर टिके रहेंगे, आपके टीम मेंबर का सपोर्ट जैसे आपको मिलेगा वैसे ही आप लोग एक अच्छी फाइट सामने वाली टीम के साथ
बिल्कुल आप निकाल पाएंगे, बट गाइस टोटल गेमिंग एक और बार क्या भूया लेकर जा पाएगी। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार यहां पर करने की करना पड़ेगा, अच्छा खासा सेफ एरिया के अंडर में तो निकल कर आ चुके हैं। बट गाइस मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर अगर समर एड्रॉप मंगवाए जाएंगे तो इनके लिए सेफली एक हार्ड कवर भी अच्छा खासा साबित हो जाएगा। तो हम लोग एक बार यहां पर सर्कल लेकर जाएंगे, हमारे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए सर्कल में कौन कौन सी टीम कहां पर है, हमारा प्रेडिक्शन कितना ज्यादा सही रहने वाला। तो गाइस मैं यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा प्रोडक्शन टीम से, तो एक बार सर्कल हम लोगों को यहां पर दिखलाया जाए। टोटल गेमिंग से माफिया, अंश, फौजी, अजय, डिलीट हमको बिल्कुल देखने लिए मिल जाएंगे। तो गाइस प्रेडिक्ट कीजिए कि यार अगला सर्कल कहां पर बनेगा। फिलहाल टोटल गेमिंग ऊपर की तरफ है एंड देखा जाए तो गाइस हर एक टीम यहां पर सेफ गेम प्ले दिखलाते हुए नजर आने वाले। गाइस मैं आपसे जानना चाहूंगा आप लोगों का प्रेडिक्शन कितना ज्यादा सही रहने वाला है। तो आपको एक सही सर्कल प्रेडिक्ट करना है, अगर आपका सर्कल सही प्रेडिक्ट हो रहा है तो यानी कि यार बिल्कुल आप लोग क्या है बहुत ऊपर तक जा सकते हो, अपना जो नाम है वो स्पोर्ट में बना सकते हो। जैसे आप लोग टूर्नामेंट खेलने के लिए आओगे वैसे ही आप लोग अगले सर्कल में पहुंचने के लिए बिल्कुल रेडी रहोगे, आपका जो अंदाजा होगा वो बिल्कुल सही होगा। जी बिल्कुल, मैं एक ही चीज सोच पा रहा हूँ, यहाँ पे CRX डिवाइन और यूजी बहुत ज्यादा रिस्की मूव करते हुए नजर आ रही है। अभी भी यहाँ पे लंब मिल्क आइलैंड के ऊपर होने वाली, देखते हैं ब्राजीलिया की तरफ अपने कदम कब तक बढ़ाते हैं। बट गाइस एक सवाल ये भी होने वाला है कि जब तक यहाँ पे हमारी CRX डिवाइन एंड यूजी ब्राजीलिया तक पहुंचेगी तब तक हमारी टोटल गेमिंग THG क्या लाइव रहेगी, या फिर फिलहाल बात करेंगे अपना पांचवा खेल ढूंढने की कोशिश में। THG के चारों शेयर यहाँ पे 7 houses में लूट करते करते यहाँ पे कहना के धारा से करने की कोशिश कर, अगर रितिक का ये ग्रेनेड यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो कहना के धारा से हो सकते थे, बट यहाँ पे ग्रेनेड का एंगल थोड़ा सा गलत हो जाएगा, रिबाउंड होकर यहाँ पे कहना के खुद पे भी आ सकता था, बाल बाल बच गए। ओजिस भी विद फमास यहाँ पे होने वाले, बात करेंगे अब यहाँ पे इनके सामने 2B के प्लेयर्स बिल्कुल मौजूद है। देखेंगे अगर अंडरएस्टिमेट करते, अगर इन दो प्लेयर्स के ऊपर एक मैट रिस्क किया जाता तो दोनों प्लेयर्स उसका झटका यहाँ पे कहना के रिवेंज में जरूर लगा देंगे। देखते हैं गाइस THG इस बार अपना पांचवा खेल कंप्लीट कर पाएगी या फिर, बट कहना के हम देख पा रहे हैं हर बार हर एक एरिया में यहाँ पे कोई टीम का अगर पंगा चल रहा है तो बचने वाले टीम के साथ एक और टीम यहाँ पे उनकी खातिरदारी करने के लिए आ रही है। तो देखेंगे गाइस THG एंड 2B इन दोनों में से कौन सी टीम यहाँ पे बचती हुई नजर आएगी, बट जो भी यहाँ पे लैंडमाइंस लगाए गए थे उनको यहाँ पे फोड़ा जा रहा है, जो भी यहाँ पे हैशटैग लगाए जा रहे हैं गाइस आपको यहाँ पे लगाते रहना होगा, सपोर्ट करना होगा अपनी फेवरेट टीम को। फिलहाल बात करेंगे ओजीएसवी के बारे में, तो M87 के साथ यहाँ पे जंप एंड शूट का शॉट यहाँ पे लगाने की कोशिश जरूर की गई थी। ट्रेड फायर में लिखी को दारा शेयर करके रखेंगे ओजीएसवी, बिल्कुल यहाँ पे लायंस रोर करने के लिए आएंगे, एक मदद यहाँ पे आ जाएगी एंड अगर यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे ओजीएसवी एंड लिखी को रिवाइव भी मिल जाएगा। जी हां गाइस 2B गेमर को बैक टू लॉबी भेजकर ओजीएसवी एंड लिखी दोनों यहां पे रिवाइव हो जाएंगे, अगर ये है तो THG के जान में जान भी आ जाएगी एंड फैंस बहुत ज्यादा खुश होंगे, बिकॉज हमने देखा है बहुत बार ओजीएसवी यहां पे 1v2 एंड 1v3 क्लच करते हैं, लेजेंड के बारे में क्या ही कहना है, इनका लेजेंडरी परफॉर्मेंस THG को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। बट फिलहाल यहां पे सर्कल के बॉर्डर पर होने वाले अगर आगे जाते हैं गराज या फिर यहां पे यार जहां पर हार्ट नजर आता है वो यहाँ पे कुछ हाउसेस अगर एक्वायर करते तो THG के पास एक अच्छी खासी सेंटर पोजीशन हो जाएगी। बट टोटल गेमिंग अभी तक खाता नहीं खुला, गाइस हाइट का एडवांटेज इनके पास होने वाला है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है संजीव बाकी सारी टीम के लिए। आई थिंक 99% मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं यहां से कि टोटल गेमिंग ने अगर ये पहाड़ी नहीं छोड़ी तो उनके पास मौका जरूर होगा 1 से 2 टीम का यहाँ पे गेट कीपिंग करने का। बिल्कुल यहाँ पर गेट कीपिंग करने का, तो गाइस फिलहाल यहाँ पर देखना पड़ेगा धीरे धीरे करके कैसे यहाँ पर जाएंगे, बट फौजी हो जाएगी चेहरे पर जो स्माइल है ना वो बिल्कुल हम लोग गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, सेफ गेम प्ले यहाँ पर करने की दिखलाया जा रहा है, कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। बट देखना होगा फिलहाल कितनी देर तक इस कमान को यहाँ पर रोक कर अपने लिए रख पाएंगे। लोकेश गेमर खाता नहीं खुला है बट सेफ गेम प्ले चारों प्लेयर्स यहां पर अलाइव रहने वाले हैं, इसी के साथ साथ गाइस हमको देखने लिए मिल जाएगा। एक जो कमेंट है वो यहां पर निकल कर आया मयंक की तरफ से, वो यहां पर बोल रहे गली गली में शोर है, डिलीट के बाजियों में जोर है। तो गाइस हैशटैग दिल से एलीट, जी हां गाइस, तो देखना पड़ेगा लीड यहां पर कितने सारे किल्स निकाल कर लेकर जा पाएंगे। बट लोकेश गेमर को भी यहां पर संभलना पड़ेगा, सर्कल में कौन कौन से टीम्स अपने लिए जगह यहां पर बनाकर रखने वाले। बट गाइस एक ही बात बोलूंगा, शुरुआती जो मैच थे वहां पर बहुत सारी टीम्स ने सर्वाइव किया, बट इस बार जो यहां पर हमारा फिफ्थ मैच चल रहा है परगेटरी मैच, वहां पर कम ही टीम्स बची रहेंगी, 7 teams अलाइव है, 27 प्लेयर्स यहां पर कहने के बचे रहेंगे। सर्कल छोटा होता जाएगा टीम्स को, उसी के साथ साथ सर्कल में भी जाना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा THG, UG, CRX यहाँ पर कैसे सर्कल में पहुंचेंगे। टोटल गेमिंग मेरा मानना यही रहेगा हायर ग्राउंड का कवर इनके पास रहने वाला, अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा पहाड़ के ऊपर रहेंगे, जितनी भी टीम्स नीचे से ऊपर जाने वाली हैं उनको यहाँ पर डोमिनेट किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा किल्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो CRX के ऊपर हमला होने वाला UG का एंड UG के ऊपर हमला होने वाला THG का। तो गाइस THG अगर वेट करते हैं थर्ड पार्टी करने का तो बिल्कुल एक अच्छी थर्ड पार्टी यहाँ पर कर पाएंगे, उसके बाद अपने लिए एक अच्छा कवर पहाड़ के ऊपर
भी बना पाएंगे। बट गाइस अगर आपने अभी तक लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो गाइस फिर से बोलना चाहूंगा आपको एक साथ लाइक करना, 38,000 का लाइक टारगेट होने वाला। तो गाइस एक साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को यहां पर बुला के लाइए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा। फिलहाल गाइस अगर बात की जाए तो यूजी आई थिंक यूजी एंड सीआरएस ने दोनों ही ने एक दूसरे को जो स्पॉट कर लिया, बट टीएचसी का रोटेशन आई डोंट नो यहां पर कैसा होगा। जी बिल्कुल, एंड अगर रोटेशन यहां पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया तो गाइस यहां पे टीएचसी के पास एक पूया जरूर नजर आएगा। देखेंगे सीआरएक्स डिवाइन यहां पे कितना ज्यादा खुशी में रहने वाले, बिकॉज यहां पे कहना कि आगे का रास्ता बहुत ज्यादा ओपन है। ऐसे अगर यूजी ने सीआरएक्स डिवाइन ओपन में स्पॉट कर लिया तो आगे जाने का रास्ता और भी ज्यादा कांटे भरा होने वाला। देखेंगे यहां पे किसका कांटा किसको चुभने वाला। फिलहाल यूजी के चारों प्लेयर्स बैक टू बैक आगे बढ़ते हैं, सामने होने वाले टीएचसी के शेर एंड ये यहां पे फाइट होने वाली है। जी हां गाइस, दोनों शेरों के बीच में देखेंगे इस बार यहां पे कौन से शेर की तहार सबसे ज्यादा गूंज उठती है इस ब्राजील के एरिया में। जी हां गाइस, यहां पे दोनों एक दूसरे के सामने। एंड अच्छी खबर यह है कि टीएचसी एंड यूजी दोनों की टीम यहां पे हेल्दी है, यानी कि दोनों के पास यहां पे अपने चार चार प्लेयर है, बट एक ग्रेनेड यहां पे दारा जी करने के लिए जरूर काम आएगा। लिखिए यार ऋतिक एक साथ यहां पे नॉक हो जाएंगे, उनको बचाने का मौका मिलेगा या फिर डोजिस भी यहां पे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। रोटेशन लेने की कोशिश है 87 यहां पे होने वाला, दारा शेखर की कोशिश बहुत ज्यादा लो करके रखा है। देखेंगे इस बार यहां पर टीएचसी को एक खतरनाक रश के साथ यूजी ने बैक टू लॉबी भेजा। ये रश काफी ज्यादा इनसेन था संजीव, बिल्कुल बहुत ही शानदार रिश्ता चार के सब खाते में यहाँ पर कहने की निकालने। तो गाइस सर्कल जैसे यहाँ पर शिफ्ट हुआ वैसे यूजी ने भी अपने कदम पीछे की तरफ मोड़े और देखते देखते इनका जो मुकाबला था वो सीआरएस डिवाइन को छोड़कर टीएचसी के साथ हमको यहाँ पर कहने की देखने मिल जाता। बट गाइस यहाँ पर आपको जो सपोर्ट है बिल्कुल हमें यहाँ पर देखने मिल जाना चाहिए और साथ साथ अगर लाइक नहीं किया तो गाइस एक साथ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना। फिलहाल बात करना चाहेंगे ब्लैक फ्लैग आर्मी वर्सेस टोटल गेमिंग, यहां पर उन्होंने डिलीट के पास इस बार M249 रहने वाले, कितने किल्स वो यहां से लेकर जा पाएंगे डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा खासा डैमेज उनको यहां पर देना पड़ेगा, फिलहाल 100 का डैमेज ऑलरेडी उनको देकर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ नेट्स क्या प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे, फिलहाल नेट्स को यहां पर थ्रो कर जाएगा, यहां पर ड्रॉप का कवर लेकर फटाफट से अपने आपको हील करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी रेडी करना पड़ेगा। फिलहाल कितनी देर तक रुक कर पाएंगे, फौज आ जाए गिल्ली बुश बन के यहां पर आगे की तरफ जाएंगे, डाउन यहां पर कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा लो करके रखा जाएगा प्लेयर को। इसी के साथ साथ रोटेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले, बट पीछे फौजी को थोड़ा सा सोच समझ कर जो अपने कदम कहने के रखना पड़ेगा। फिलहाल एक डाउन के साथ एक और डाउन निकल पाएंगे, फौजी हो जाए जी हो यहां पर एक और डाउन निकल कर रखा जाएगा, फिनिश आउट करेंगे, डिलीट आ चुके हैं पूरा का पूरा। आखिरी प्लेयर को ढूंढने के लिए क्या वो यहां पर ढूंढ पाएंगे, तो जी हाँ यहां पर ब्लैक फ्लैग आर्मी का एलिमिनेशन ऑन टाइम दिया जाएगा। और देखते देखते 3 किल्स, टोटल गेमिंग रेडी हो चुकी है एक और बूया लेने के लिए। गाइस हमें बताइएगा क्या टोटल गेमिंग एक और बार बूया यहां से लेकर चाह पाएगी। जी बिल्कुल, एंड जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले गाइस प्रेडिक्ट किया था कि अगर टोटल गेमिंग ने ये पहाड़ी छोड़ी ने, आपको याद होगा मेरा बात यहां पे, यार अगर टोटल गेमिंग ने ये पहाड़ी छोड़ी ने तो बहुत सारे टीम का गेटकीपिंग करने का मौका मिलेगा। एक टीम को यहां पे बैक टू लॉबी, एक और टीम को गेटकीप करने का मौका, थोड़ी गेमर को क्या एलिमिनेट कर पाएंगे। यहां पे ग्रेनेड की बॉटल यहां पे की जा रही, माफिया नॉक डिलीट यहां पे नॉक हो जाएंगे आज एंड फॉर जाए क्या इस फाइट में यहां पे विजय ला पाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। थोड़ी गेमर का एक कमाल का रश, प्लेयर्स बहुत ज्यादा क्लोज इन होना पसंद करेंगे एंड एक रश यहां पे देखने को मिलेगा। बट कहना के ट्रेड पार में अच्छी खबर यह है कि डिलीट को रिवाइव करने का मौका जरूर मिल जाएगा। इसमें यहां पे अंश अपनी पूरी जान लगा देंगे एंड माफिया भी यहां पे रिवाइव हो जाएंगे, ये और भी ज्यादा यहां पे मजबूत हो जाएगी। यहां पे टोटल गेमिंग मजबूत होते हुए देखेंगे टोंडी गेमर को क्या यहां पे बैक टू लॉबी का रास्ता दिखा पाएंगे। या फिर बट बात करेंगे अंश के बारे में तो ऑक वेपन के साथ यहां पे डैमेज देने की कोशिश, सारे टेंपरेरी रिकवर्स यानी कि सारी की सारी ग्लू वॉल्स यहां पे तोड़ी जा रही है एंड टोंडी गेमर को यहां पे बैक टू लॉबी भेजा जाएगा बिकॉज यहां पे एंट्री हो चुकी है गाइस पीछे से यूजी गेमर की। देखेंगे इस बार यहां पे अनग्रेजुएट गेमर की टीम कितना ज्यादा इस फाइट का रुख मोड़ेगी, बिकॉज टीम टोटल गेमिंग एक तरफ से एंड टीम यूजी गेमर दूसरी तरफ से। देखेंगे इन दोनों टीम के पास यहां पे फाइट कैसी छिटती है, माफिया को यहां पे नॉक करके गया। बट बात करेंगे अंश के बारे में तो वो एक फ्रैग यहां पे जरूर निकालेंगे टोटल गेमिंग विद द टोटल ऑफ 6 किल्स यहां पे, बट एक झटका और भी लग जाएगा फिर से एक बार माफिया एंड डिलीट यहां पे नॉक हो जाएंगे, बट अंश को भी यहां पे पकड़ के रखा है एंड अब इस बार बचाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा बिकॉज सीआरएक्स दीवान इस बार यहां पे एक तरफ से टोटल गेमिंग को सैंडविच सिचुएशन में पा लेगी। यार ये कैसी स्ट्रेटेजी थी संजीव, बिकॉज यार ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। बात करेंगे हम यहां पे सबसे पहले पंगा चल रहा था टोटल गेमिंग है टोंडी गेमर का, अनग्रेजुएट गेमर ने टोंडी गेमर को सैंडविच किया, एक तरफ से सीआरएक्स डिवाइन ने टोटल गेमिंग को सैंडविच किया। जी बिल्कुल, देखना पड़ेगा फिलहाल शेड ने क्या ऐसे बुया लेकर जा पाएंगे, 5 किल्स उनके पास यहां पर रहने वाले, देखना पड़ेगा इसी के साथ साथ क्या यहां पर सेम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या वो फिनिश ऑफ कर पाएंगे यूजी के साथ उनका मुकाबला। यहां पर उन्होंने शेड ने को भी सर्कल के अंदर पहुंचना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी पहुंच कर अपने लिए अपने आप को हील करना पड़ेगा, बट जी ने कोई भी मौका नहीं मिलने वाला। उज्जवल यहां पर डाउन करके देखना चाहेंगे, इसी के साथ साथ एलिमिनेशन यहां पर दिया जाएगा कहने के 12 किल्स यूजी एम्पायर। जी हां गाइस बचाते और देखते देखते ये बूया अपने नाम यहां पर कर लेंगे, तो बहुत ही
यार एक मैसिव कमबैक मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, एक पारा किल के साथ जो पूया यहाँ पर लेकर गए, तो गाइस यहाँ पर एक बहुत अच्छा कमबैक हमें यूजी की तरफ से देखने मिल जाएगा। तानिया यहाँ पर अगर देखा है तो प्रिंस एमवीपी होने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर प्रिंस एमवीपी होने वाले हैं। टीम सीआरएक्स हल्का सा डिसअपॉइंटेड फील कर रही है, उनकी स्क्वाड रेडी थी, रश एक अच्छा था तो और सक्सेसफुल रहे थे एलिमिनेट करने में टोटल गेमिंग को, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग किल स्ट्रीक डेवलप होते हुए नजर आ रही थी, लेकिन यूजी एम्पायर ने टेबल्स टर्न कर दिए और बूया लेकर चले गए। एंड फौजिया जे डिड नॉट गिव हिज लास्ट पॉइंट, सेल्फ एलिमिनेट हुए हैं, बिल्कुल भी किल पॉइंट नहीं दिया, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिल रही है कि हर एक पॉइंट को बचाया जा रहा है, अगर पता है कि आप वो कमा नहीं सकते हो तो बचा लिया जाता है। जी यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, फिलहाल तो जोकर एफएफ की तरफ से 20 रुपीज का सुपर चैट हमको यहाँ पर देखने को मिला, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं हर एक टीम को, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो गाइस अगर यूजी का पूरा जो रोटेशन था प्रसाद, अगर मैं बात करूं ब्राजीलिया पर पहले गए थे वो आगे की तरफ, जहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा था कि शायद से यहां पर जो फाइट है वो सीआरएक्स रिवन के साथ देखने के लिए मिल सकती थी, टीएससी जस्ट उनके पीछे थे, हुआ क्या ये रिवर्स में चले गए तीनों के तीनों टीम में। देखा है तो सबसे पहले टीएससी गई ऊपर की तरफ ब्राजीलिया में, पीछे से यूजी आती है, एक नेट से दो प्लेयर्स को डाउन किया जाता है, पूरी की पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, एंड यही होता है गाइस कि जब सर्वाइवल बहुत ज्यादा ओपी चल रहा हो, बहुत सारी टीम अलाइव हो, एंड तब जाके आप किसी टीम के साथ फाइट लेते हो, उसमें थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो तो थर्ड पार्टी का मौका बाकी सारी टीम को मिल जाता है। तो गाइस यही हुआ थोंडी गेमर एंड टोटल गेमिंग के साथ, एक तरफ से यूजी ने उनका सैंडविच बनाया, एक तरफ से सीआरएक्स डिवाइन ने टोटल गेमिंग का सैंडविच बनाया एंड मौका मार के गई यहाँ पे यार टीम हमारी। देखते हैं इस बार यहाँ पे यार मैप पर्गेटी का खत्म हो चुका है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दो मौके होने वाले कमबैक करने के या फिर कंसिस्टेंसी दिखाने के, तो गाइस इसका मतलब आपके भी पास यहाँ पे कम मौके होने वाले मोटिवेट करने के, अपने फेवरेट टीम के हैशटैग लगाने के। जी हाँ गाइस एक और बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि यार अभी तक आपने कैरी मराठी के गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से कीजिएगा, बिकॉज सारे स्पेशल टूर्नामेंट्स वही होने वाले हैं गाइस, पूरी की पूरी प्राइस पूल यहाँ पे होने वाले 5 लाख रुपए का, तो यार ढेर सारे प्राइजेस भी आज जीत पाओगे एंड अपने फेवरेट टीम के साथ यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर खेल भी पाओगे। It is indeed one of the biggest opportunity and देखेंगे कि opportunity कौन claim करता है, because link description में है, don't delay it and a big shout out to Mr. Gaming Boss 07, भूया कोई भी लेकर जाए, दिल तो delete जीतेगा, दिल जीत चुके हैं काफी अच्छे performance के साथ, influencer हैं and यहाँ पर अभी हम देख पा रहे 2B Gamer, Galaxy Racers के Marix को, Fozzy Ajay, Sunita हल्का सा stretched out feel कर रही हैं, भूया ले जाने के लिए काफी बार close जाती है लेकिन ले नहीं पाती है। Ladies and gentlemen, this is the 6th match for the day aur map hone wala hai kalahari flight path hote hue nazar aa raha hai northeastern to southwestern aur highest resource zone par already do teams hone wali hai, team elite ground share kar rahi hai total gaming ke sath, viewers ye battle kaun jeetega jald se jald prediction mein bata dijiye। जी बिल्कुल, एंड गाइस इस मैच के पहले हमें यार 40,000 का लाइक एम टारगेट क्रॉस करना है, तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल एक साथ जितने भी फैन जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं नीचे एक थम्स अप वाला बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर प्रेस करके अपना प्यार दिखा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा स्ट्रीम को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फेवरेट टीम का सपोर्ट यहाँ पे बढ़ पाए। टीम लीड के आरडीपी यहाँ पे धाराशाही हो जाएंगे एंड पहाड़ी किलर जॉन्टी उनको रिवाइव देने के लिए बिल्कुल यहाँ पे टाइम बाय करेंगे, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। बट टीम लीड ने यहाँ पर इस बार आई थिंक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाया, देखेंगे इस बार काउंसिल हॉल के ऊपर नहीं बट कहना कि सेंटा कैथरीना के पास जरूर उतरने की कोशिश की है, देखेंगे इस बार बहुत बार यहाँ पे यार कहना कि सीएस का जोन आता है। जी हाँ गाइस देखेंगे टीम मिलिट यहाँ पे मचा पाएगी या फिर, बट कहना कि एक अच्छी खबर यह है कि आरडीपी रिवाइव हो चुके हैं, यहाँ पे पंगा लिया जा रहा है टीम मिलिट वर्सेस टोटल गेमिंग, दोनों भारत की प्रभावशाली टीम हमारे सामने होने वाले हैं गाइस। अब ये जो दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आ ही चुकी है तो एक्शन सीन जरूर यहाँ पे क्रिएट होने वाले गाइस। आपको क्या लगता है सेंटा कैथरीना किसका होने वाला है? आई थिंक यहाँ पे तानिया स्ट्रेटेजी को इसलिए बदला गया है बिकॉज टोटल गेमिंग के माफिया एंड टीम मिलिट के पहाड़ी दोनों चाहते कि उनके पास हाई टियर जोन की लूट हो एंड डबल स्नाइपर उनको मिल जाए। बिल्कुल यहाँ पर हाईएस्ट रिसोर्स जोन का एडवांटेज लेने के लिए वहां पर चेंज ऑफ स्ट्रेटजीज की गई है, लेकिन यहाँ पर टू बी रेडी है, ऑल सेट है, ऑल पुश में नजर आ रहे, क्लासी ने किल कंफर्म कर लिया है, टू बी गेमिंग ने कंफर्म कर लिया है, ऊपर बच गए हैं दो प्लेयर्स जिनके लिए जरा भी हेस्ट नहीं दिखाया जा रहा, प्ले ऑफ पेशेंस नजर आ रहा है, स्नेहा और हरियाणा कितनी ज्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे, वेल स्नेहा ने यहाँ पर क्लासी को डाउन कर दिया, कंफर्म भी कर लिया, कंफर्म करने में बिल्कुल भी देरी नहीं, कार्की यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए आए, क्या ट्रेड करने का मौका मिलेगा, अटैक करते हुए यहाँ पर फिनिशर दे दिया गया, कार्की डाउन ऑन हिज नीज, क्या कंफर्मेशन का मौका, हरियाणा की ओर से एक अच्छा प्ले रिवाइव दे दिया गया विद 4 किल्स ऑलरेडी, टू बी गेमर यहाँ से आगे जाएंगे और कंफाइनमेंट पर अपना झंडा लहराएंगे। जी बिल्कुल, बट क्लासी को इन्होंने खो दिया है, 3 प्लेयर के साथ क्या अपनी टीम की उतनी मजबूती के साथ कमान संभाल पाएंगे जितनी 4 प्लेयर के साथ संभाल पाते थे, वो देखने के लिए बिल्कुल गाइस जुड़े रहेगा, लाइक चैनल सब्सक्राइब करते रहेगा एंड एक हेडशॉट विशाल यहां पे कनेक्ट करेंगे, L7 के विशाल यहां पे आगे बढ़ते हैं, जी हां गाइस ऑक वेपन के साथ एक हेडशॉट दिया एंड यहां पे तोड़ने गेमर को अपना शिकार बनाया जा रहा, आई थिंक एक आखिरी मौके के ऊपर रिवाइव देने का मौका बिल्कुल यहां पे पा लिया L7 का, अपना जो किल आने वाला था वो यहां पे उनके मुंह से छीना जा चुका है,
रिवाइव हो चुके हैं प्लेयर, खुद को हिलअप करेंगे, फिर से एक बार तैयार करेंगे। बट गाइस यहाँ पे बात की जाए तो हाइट का एडवांटेज इस बार टोनी गेमर के पास है। अगर गलती से भी लोकेश गेमर यहाँ पे बाहर आते तो बिल्कुल यहाँ पे रेड नंबर के साथ उनको धाराशाही करने का मौका मिल जाएगा टोनी गेमर को। बट गाइस आपको भी एक मौका मिलने वाला अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने का, तो गाइस हैशटैग लगाते रहेगा, हमें बताते रहेगा कि आप इन बचे हुए दो मैचेस में किस टीम की तरफ से बुआ चाहते हो। मान्या तिवारी ₹20 का सुपर चैट देखिए यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करें। बट गाइस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि गाइस जो भी आप सुपर चैट दे रहे हो उसके साथ अपने टीम का नाम भी यहाँ पे स्पैम कीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे समझ पाए कि आपका सपोर्ट जा किस टीम के लिए रहा है। फिलहाल एक जंप एंड शूट की कोशिश रोमियो गेमर को यहाँ पे दारा शेक करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। गैलेक्सी रेसर्स इस बार बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रही है, रश करने की कोशिश है। तानिया बहुत बार हम देखते हैं द मेज के ऊपर ये पंगा लेते हैं, बट इस बार इतनी क्विकली मूव्स कर रहे हैं कि यार रिफाइनरी तक पहुंच गए। बिल्कुल यहाँ पर रिफाइनरी पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर घेर लिया गया है और कटाना से फिनिशर देने की कोशिश की जा रही है। क्या एडवांस यहाँ से भाग पाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर से पकड़ाम दाव चल रहा है और रोमियो आर्मी एलिमिनेटेड है। टास्ट टू बी मेरिक्स जो फाइनल किल कंफर्म करेंगे 4 किल के साथ, बार्सा बॉय को गवाया है। इट्स ओके एज अ ट्रियो 4 किल के साथ फेयर ट्रेड किया गया, लेकिन यहाँ पर फेयर ट्रेड नजर नहीं आ रहा। लोकेश गेमर की टीम अटैक करते हुए नजर आ रही है। ऑन दी ऑपोजिट साइड वी कैन सी 2B गेमर जिन्होंने एक प्लेयर गवा दिया है, 4v3 का सिचुएशन है। It was Tone Day Gamer, my bad totally. जी बिल्कुल। एंड एक और सुपर चैट आता हुआ ब्रिज किशोर यादव की तरफ से। एंड जी गाइस आपका सपोर्ट यहाँ पे है, जैसे टूर्नामेंट यहाँ पे खत्म होता जा रहा है वैसे आपका सपोर्ट और भी ज्यादा उम्दा होता जा रहा है। देखते हैं यूजी ने इस पार्टी को ज्वाइन किया बट स्केलेटन यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, देखेंगे उनको यहाँ पे स्केलेटन में तब्दील किया जाता है या फिर नहीं। बट जावा बॉय का यहाँ पे कहीं ना कहीं मदद आते हुए बट उनको हवा में यहाँ पे नॉक किया गया। एंड जी गाइस आगे बढ़ने की कोशिश, प्रिंस यहाँ पे ग्लू वॉल लगाकर रिवाइव देने की कोशिश जरूर करेंगे, स्केलेटन को बचा नहीं पाए बट जावा बॉय जरूर यहाँ पे बच जाएंगे। देखेंगे यूजी वर्सेस गैलेक्सी रेसेस क्या देखने को मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ पे धूम के वासियों को धाराशाही करके कंफर्म करके रखा है यूजी विद 3+11 गैलेक्सी रेसेस विद ओनली 2+2v3 का ये फाइट। क्या गैलेक्सी रेसेस के प्लेयर्स यहां पे पिक कर पाएंगे? बैटिक कमाल का हेडशॉट यहां पे चला जाएगा। जी गाइस आई थिंक वीएसएस रिपर बुलेट अपना काम यहां पे जरूर करेगी। बैटिक सिचुएशन में देख पा रहा हूं पीछे यहां पे लूरे होने वाले, देखेंगे टोनी गेमर की टीम यहां पे इस पार्टी को ज्वाइन करेगी या फिर नहीं। बट कहना कि अकेले प्लेयर यहां पे रश प्रिंस यहां पे गैलेक्सी रेसेस को बैक टू लॉबी कर देंगे 3 किल्स खाते में एंड इस फाइट में जीत हासिल करेगी अनग्रेजुएट गेमर की टीम। बट थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा तानिया, बिकॉज एक और टीम इनके बहुत ज्यादा करीब होने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा करीब टीम नजर आ रही है TSG, यहाँ पर 1 किल के साथ पुश देते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर 5v1 का ड्यूल शुरू हो चुका है। लोकेश वर्सेस ओजेसी शॉटगन के साथ रेडी और यहाँ पर क्रॉसओवर करके आगे पीछे जाते हुए अटैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली नॉक नहीं निकला, लेकिन कोशिशें भी कम नहीं होंगी, अटैक करना जारी है। शाहिद को भी स्पॉट है, ओजेसी ऑग के साथ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इजी 10 को डाउन किया गया, ट्रेड फायर में ओजेसी भी डाउन। लिखी रिवाइव देना पहले पसंद करेंगे या फिर किल सिक्योर करना? बिल्कुल रिवाइव दिया जा रहा है, प्लेयर्स को बचाया जा रहा है और यहाँ पर ऋतिक फायर लेते हुए कंफर्म करते हुए फर्स्ट फ्रैग अपने लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे रोनिक ठाकुर से एक और सपोर्ट आता हुआ। जी हाँ गाइस यहाँ पे कह रहे कि अगर टीजी है मैदान में तो प्लेयर्स पहुंचे शमशान में, तो देखेंगे गाइस आप भी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगा रहे हो, और भी ज्यादा लगाओ ताकि हम यहाँ पे आपके नाम के साथ यहाँ पे शाउट आउट दे पाए। फिलहाल टीजी के बारे में बात किया तो 3 किल्स बहुत ही जल्दी अपने खाते में आते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे अब यहाँ पे आगे बढ़ने की, तो गाइस फिलहाल यहाँ पे 3 किल्स खाते में आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है एंड अपना 4th किल यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या कुछ होने वाला, बट कहना कि टीम जरूर कोशिश करेगी खुद की जान लगाने के लिए, कमबैक करने के लिए। लास्ट 7 के शाहिद यहां पे बिल्कुल लो हो जाएंगे, अकेले प्लेयर बचे हुए हैं, देखेंगे सोलो सर्वाइविंग कर पाएंगे या फिर नहीं। बट उसी के साथ साथ गाइस टोटल गेमिंग इन्होंने डिलीट को इस बार खो दिया, क्या लगता है तानिया इस बार यहां पे डिलीट ने 3 प्लेयर के साथ और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 6th मैच है, लास्ट मैच है, लास्ट मौका है व्यूअर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, और देखेंगे हम कि ये प्ले कैसे चलेगा आगे चल के। टीम इलीट ने 1 किल सिक्योर कर लिया है, पहाड़ी स्नाइपर के साथ रेडी जरूर है, लेकिन हेल्थ किट की कमी है। सामने टोटल गेमिंग के अंश, वहां पर भी हेल्थ किट की कमी नजर आ रही है। हाईएस्ट रिसोर्स जोन की ये लूट, दो टीम, ये टाइटन्स की फाइट चल रही है, दो लेजेंडरी टीम्स की फाइट चल रही है। किलर शॉटगन के साथ पुश देते हुए नजर आ रहे हैं, अंश बच के आगे जा चुके हैं लेकिन अब घेरे भी जा चुके हैं। 2v1 सिचुएशन, ग्लू ऑल सही वक्त पर लगा दी गई है, विंडो फ्लैंक के चलते बाहर जा चुके हैं एंड यहां से कितनी ज्यादा देर तक भाग पाएंगे। ट्रेड फायर शुरू है, आरडीपी को डाउन करके कंफर्म करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रहा है और कंफर्म कर दिया गया है। जी बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया, देखेंगे इस बार यहाँ पे क्या कुछ करने वाला है। फिलहाल टीम लीड के 3 प्लेयर्स यहाँ पे पहाड़ी खिलर जॉन्टी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इस बार गाइस यहाँ पे टोटल गेमिंग के साथ जो पंगा थोड़ी देर पहले लिया था इस बार यहाँ पे उनको धाराशाही कर पाएंगे या फिर अंश को नॉक करने में कामयाबी हासिल। सर्कल में जाना होगा वरना यहाँ पे 42 HP बहुत जल्दी कम हो जाएगी। खिलर
अकेली में एक आखिरी मेडिकेट इनके पास होने वाली, सबसे पहले खुद को हील अप करना होगा, अंश को बचाने का मौका यहाँ पे माफिया ढूंढेंगे या फिर नहीं वो भी देखना होगा, बट जॉन्टी को जरूर यहाँ पे ताने बैठे हैं। जी हाँ गाइस, जॉन्टी को बहुत जल्द लोग करेगा, बट क्रोनोशेली वहां पे तुरंत जॉन्टी एक्टिवेट कर देंगे खुद को बचाने के लिए। यहाँ पे एसकेएस के साथ फौज अजय आगे बढ़ने की कोशिश। जी हाँ गाइस, टीम एलीट के पहाड़ी यहाँ पे बचे हुए देखेंगे। इस बार यहाँ पे टोटल गेमिंग क्या टीम एलीट को पूरी तरीके से वाइप आउट कर पाएगी या फिर नहीं, बट स्ट्रेटेजी में ये बदलाव आई थिंक यहाँ पे टीम एलीट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। बट गाइस यहाँ पे क्या लगता है आपको, कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएगा, बिकॉज कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा आपका होने वाला है। तो गाइस हैशटैग लगाते रहेगा अपनी फेवरेट टीम के, साथ ही साथ यहां पे गाइस कैरी मेनाटी के गिल्ड को आपको ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे के रखा है, फटाक से जाओ बिकॉज सारी स्पेशल टूर्नामेंट वही होने वाले हैं। टोटल गेमिंग सिर्फ दो प्लेयर्स के साथ, कहना कि तानिया है वो जो स्ट्रेटजी में बदलाव था वो टीम एलीट के लिए भी यहां पे कहना कि नुकसानदायक हुआ, बट टोटल गेमिंग भी ऑन द अदर हैंड यहां पे बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो चुकी है, काफी ज्यादा अनहेल्दी है चुके हैं। एज अ ड्यूओ आगे बढ़ना होगा, काफी ज्यादा देर तक टेबल टॉप किया बट दे कुड नॉट हैव अफोर्डेड टू लूज प्लेयर्स, दो प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके, टीम एलीट भी एलिमिनेट हो चुके, पूरी रिस्पांसिबिलिटी अब टॉप 8 टीम्स 23 प्लेयर्स पर आ चुके, कौन लेकर जाएगा भूया। व्यूअर्स आप अपना हैशटैग लगाते जाइए, लाइक गोल को अचीव करवा दीजिए, टीम लावा एज अ स्क्वाड रिफाइनरी पर लॉन्च पैड यूज करते हुए नजर आ रही है, वेयर आर दे हेडिंग टुवर्ड्स, वेल नो वेयर इज द आंसर। संदीप गेमर फिर से एक बार डाउन हो चुके, सर्कल अभी भी फेवर में टीम लावा के, ज्यादा मूवमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल चेंज ऑफ माइंड्स चेंज ऑफ प्लान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इट इज बैटल रॉयल और यहां पर आपको करना है। वेल नाउ वी रियली नो ये लॉन्च पैड का यूज क्यों था, ब्लैक फ्लैग आर्मी आ चुकी है, आवारा रेडी विद द शॉटगन एंड नून को डाउन कर दिया गया है, जेड ट्रेड पैर में सुनीता को डाउन कर देंगे, बिल्कुल सही वक्त पर क्रोनो लगा दी गई है और यहां पर फायरिंग शॉट रुकने का नाम नहीं, सुल्तान को रिवाइव दिया गया है और अननोन को रिवाइव दिया गया है, सुल्तान इज स्टिल डाउन ऑन हिज नीज। जी बिल्कुल, देखेंगे सुल्तान को रिवाइव देने का मौका मिलता है या फिर नहीं, उनको मौका मिल जाएगा एंड सुल्तान अब यहाँ पे चढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ गाइस, देखेंगे इस बार यहाँ पे बीएफए के हाथों में एक किल जरूर है, बाकी सारे प्लेयर को बहुत ज्यादा लो करके रखा है, कमाल का रश एंड बीएफए इस फाइट में जीत हासिल करेगी। सामने होने वाले यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्लेयर्स एंड गाइस आपको यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहना होगा, थम्स अप वाला बटन गाइस उसको दबा दो, अपना प्यार दिखा दो, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर प्रेस करके आप चैनल का हिस्सा बन जाओ, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलेगा। टीम लावा विद द सोलो सर्वाइवर लास्ट स्टैंडिंग, जी हाँ गाइस सुनीता बहुत ज्यादा लो नजर आ रही है, तीन प्लेयर्स यहाँ पे बिल्कुल फिनिश ऑफ हो चुके हैं, अभी तक एक भी किल खाते में नहीं है। M10 यहाँ पे क्लचेस करने में और भी ज्यादा मुसीबत होगी बिकॉज़ गाइस हम सभी को पता है कि यार M10 यहाँ पे रिलोडिंग टाइम बहुत ज्यादा लेती है, फिलहाल एक हल्का सा पैसिव अप्रोच अगर यहाँ पर सुनीता रखती है तो बिल्कुल बैक टू बैक यहाँ पे प्लेयर्स को तारा शेखर पाएगा, कमाल का रोटेशन यहाँ पे, सुनीता को बैक टू लॉबी जरूर भेजा जाएगा, टीम लावा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, बट यूजी यहाँ पे अभी भी सर्वाइव कर रही है। जी हाँ गाइस, आई थिंक यहाँ पे बैरली सर्वाइविंग बिकॉज प्रिंस एंड उज्जवल दो ही प्लेयर्स यहाँ पे यूजी की कमान संभाले हुए हैं, इनके साथ यहाँ पे पंगा लेने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल सामने होने वाले प्लेयर्स, यहाँ पे प्रिंस को भी धाराशाही करके रखा है, उज्जवल अब यहाँ पे अकेले बच जाएंगे, बट बात करेंगे अब यहाँ पे 2B की टीम ने भी यहाँ पे कहना कि फाइट शुरुआत कर दी है, नॉक पे नॉक निकाले जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, आपकी फेवरेट टीम यहाँ पे इस आखिरी मैच में पूरी जान लगा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं MP5 के साथ यहाँ पे उज्जवल कितने सारे क्लचेस निकालेंगे, बिकॉज तानिया कहना कि यार थोड़ा सा दूर रहना होगा, एक सेफ डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, बट यहाँ पे ड्रोन ने सारी लोकेशन यहाँ पे रिवील कर दी है, एनिमीज रिवील हो चुके हैं, लोकेशन रिवील हो चुके हैं, उज्जवल गेमर जो ब्लू वॉल का ककून बनाकर होल्ड कर रहे थे ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, MP5 की पूरी एमो खत्म कर दी गई है और रीलोड लगाकर फिर से एक बार अननोन पर अटैक किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा देर तक ये स्ट्रैटेजी चली नहीं है एंड ही इज एलिमिनेटेड, 2B गेमर 5 किल्स एज अ ट्रियो आगे बढ़ते हुए, नाउ दिस टाइम द टेबल्स आर टर्न, मेंबर्स का एडवांटेज यहां पर N2B के पास था जरूर लेकिन यहां पर अननोन ने डाउन कर दिया है, कंफर्म भी कर लिया है एंड अल्टीमेटली ट्रिपल किल लेते हुए नजर आएंगे, कार की क्वाड्रा किल भी ले चुके हैं, इट इज गोइंग टू बी सुल्तान नाउ ऑल बाय हिमसेल्फ ऑन द अपर ग्राउंड लेवल, 2 vs 1 कौन सी टीम यहां से जीत कर जाएगी, 2B हल्के से स्ट्रेस्ड आउट नजर आ रहे हैं जो कि आप देख रहे हो, दिस इज द प्रेशर बिल्ट अप ड्यूरिंग द प्ले एज वेल एंड इट इज गोइंग टू बी 6 टीम्स 11 प्लेयर्स रिमेनिंग, दो प्लेयर्स अभी भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ नजर, बट गाइस 11 ही प्लेयर्स यहाँ पे अलाउ होने वाले, यानी कि बहुत सारी टीम यहाँ पे अनहेल्दी हो चुकी है एंड 2B का यहाँ पे कमाल का रश बिल्कुल फ्लैंक सक्सेसफुल करेंगे, नोवा किल 2B के हाथों में यहाँ पे आ जाएगा, गाइस लिटरली 9 किल्स यहाँ पे खाते में, बिल्कुल एक किल यहाँ पे दूर होने वाले अपने सुपर 10 से, देखते हैं 2B के खाते में यहाँ पे सुपर 10 आ पाएंगे या फिर नहीं, बट गाइस आप जरूर यहाँ पे अपनी फेवरेट टीम को मोटिवेट कर पाएंगे, फिलहाल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहेगा, जितने भी फैन जितने भी व्यूअर्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है गाइस एक साथ एक राउंड हो जाए अपनी फेवरेट टीम के नाम, नीचे एक थम्स अप वाला बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर प्रेस करो, सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस करके चैनल का हिस्सा बन जाओ, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि इन सारी टूर्नामेंट की नोटिफिकेशन आपको हर रोज मिलती रहे, फिलहाल टोटल रैंकिंग आपके साथ
शेयर करते हैं। टोटल गेमिंग 76 पॉइंट के साथ फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करके बैठेगी। यूजी गेमर की बात किया तो वो चेस कर रही है सेकंड पोजीशन के ऊपर बैठ के विद टोटल 60 पॉइंट्स। बात करेंगे थर्ड पोजीशन के बारे में तो तोंडी गेमर थर्ड पोजीशन के ऊपर होने वाला है 53 पॉइंट्स के साथ। एनसी के साथ साथ तोंडी गेमर को बैक टू लॉबी भेजा गया, आई थिंक थर्ड पोजीशन थी एंड बहुत ज्यादा आई थिंक फिफ्थ पोजीशन के ऊपर बैक टू लॉबी भेजे गए। देखते हैं कितने सारे पॉइंट्स यहां से इकट्ठा करके गए। लास्ट सेवन की बात किया तो फिलहाल के लिए छठे स्थान के ऊपर है, दो किल्स इस आखिरी मैच में यहां पे अपने खाते में जोड़ कर गए टीएच विद फाइव किल्स। यहां पे चार प्लस होने वाले जहां से आगे बढ़ने की कोशिश। एक कमाल का रोटेशन एंड सर्कल इस बार ओल्ड हैम्पटन के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे इस बार यहां पे क्या कुछ होने वाला। नॉट ओल्ड हैम्पटन, इट्स गोना बी फाउंडेशन एंड देखेंगे इस बार यहां पे सोलो सर्वाइवर को पकड़ पाएंगे या फिर बट एक सिंपल सा किल टीएच के खाते में जरूर आ जाएगा। आई थिंक इस बार तानिया जितना इसका इनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, जितने फियरलेसली यहाँ पे खेल रहे हैं, लुक एट दिस स्प्रेड आउट। यहाँ पे दो प्लेयर्स आगे आ चुके हैं, दो प्लेयर्स पीछे, बहुत ज्यादा फियरलेस मूव यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे 90% चांस नजर आ रहा है ये बुया टीएचजी जरूर लेके जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर टीएसजी के पास पूरा सही मौका है भूया ले जाने का, क्योंकि अब सिर्फ तीन टीम्स आठ प्लेयर्स हैं। सर्कल का एडवांटेज टीएसजी के पास से शायद शुरुआत टीएसजी ने नहीं की लेकिन फिनिशर दे देंगे। लेकिन उससे पहले माफिया ने ओजस्वी को एलिमिनेट कर दिया। एडवांटेज ऑफ नंबर्स जो स्क्वाड का था वो उसे कम करके आज ट्रियो कर दिया गया। इट इज अ बैटल ऑफ 3 vs 2 vs 1 लेकिन यहाँ पर फौजी अजय ने अपना थोड़ा सा प्रिसिशन ऑफ एम चेंज किया, स्पॉट हो गए, डाउन हो गए। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माफिया पर आ चुकी है। कर की मात से ग्रोजा का स्प्रे चलाते हुए इट इज गोइंग टू बी 2v3v1 नाउ। जो टीम के पास एडवांटेज ऑफ नंबर्स था वो कम था। टू बी गेमर 10 किल के साथ आगे बढ़ते हुए और कितने ज्यादा किल्स होंगे ग्लू वॉल के चलते आगे जा रहे हैं एंड सर्कल इज गोइंग टू क्लोज इन एनी टाइम सून। जी बिल्कुल यहाँ पे सर्कल कभी भी क्लोज हो सकता है। गाइस आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या कुछ अनुभव, फिलहाल आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। 2v10 कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ गाइस अब इनके सामने इस मैच का सबसे बड़ा काटा होने वाला है जो होने वाला है यहाँ पे टीएजी सबसे ज्यादा हेल्दी टीम यहाँ पे नजर आ रही है। आपको क्या लगता है गाइस यहाँ पे क्या 2v4 फाइट पिक कर पाएंगे, क्या यहाँ पे 2v टीएजी को बैक टू लॉबी भेज पाएंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों भारत के सर्वर के यहाँ पे कहना कि एक नेपाल के सर्वर का सितारा एक भारत के सर्वर का सितारा दोनों यहाँ पे कहना कि यार रियल लाइफ में फ्रेंड्स हैं। देखते हैं यहाँ पे 2v4 फाइट पिक कर पाएंगे या फिर बट जो थ्रोएबल आइटम्स है इसका इस्तेमाल यहाँ पे जरूर कर लेंगे। टोटल गेमिंग तीसरे पोजिशन के ऊपर बैक टू लॉबी एंड अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीज होने वाली दो टीम्स के बीच में। देखेंगे इस कारारी का बुआ किसके खाते में जाएगा। बट 2v गेमर और भी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है अपनी MP5 के साथ, हेडशॉट के ऊपर हेडशॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मेडिकेट्स, 9 ग्लू वॉल्स एंड ग्रेनेड यहाँ पे होने वाला है थोड़ा सा लो। यहाँ पे टीएचजी के प्लेयर्स को कर देंगे स्कोपिंग स्कोप और बहुत ज्यादा रफ्तार यहाँ पे नजर आ रही है। आखिरी मैच और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते होंगे तानिया ये प्लेयर्स। छठा मैच चल रहा है बट फिर भी वही जुनून वही जोश यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर वही जोश नजर आ रहा है 2B गेमर की ओर से। ऋतिक को डाउन कर दिया गया है, रिवाइव देने का मौका मिल चुका है। 2 vs 3 चलता रहेगा 2B गेमर वर्सेस टीएसजी। दोनों ही टीम्स काफी ज्यादा स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रही है एक्सेप्ट 2B गेमर्स ने ऑलरेडी 11 किल्स निकाली है। करके ग्रेनेड कर कुक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये ग्रेनेड कनेक्ट होगा? होगा तो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है, दो नॉक्स एक साथ निकल सकती है एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक गया नहीं है। और ग्रेनेड लॉन्चर 2B गेमर रेडी हो चुके हैं, ग्रेनेड लॉन्चर से नॉक निकालने के लिए अटैक करते जा रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू बी अ 360 attack. No precision of aim seen at this point of time. Legend को घेरा गया है। दो players एक साथ attack करते हुए कितनी ज़्यादा देर तक इस तरीके से बच पाएंगे? Trade fair में 2B gamer is already down and I think it is the time we can announce Booya real soon. जी बिल्कुल आई थिंक टीएच के पास बुआ जाएगा यहाँ पे ने बिकॉज अभी भी यहाँ पे फाइट जा रही है करके बिल्कुल नाक में दम कर रहे हैं। जी हाँ गाइस दो प्लेयर्स को यहाँ पे तारेश किया। ओह माय गॉड टीएच को यहाँ पे एलिमिनेट करके 2B गेमर ने आखिरी बुआ किया गाइस। हैशटैग 2B गेमर इन द चैट बिकॉज ब्रह्मास्त्र था 2B भाई के पास, उनको फिनिश ऑफ करके करके खुद अपने आप यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बन गया, MVP का टैग पा लेंगे एंड जी हाँ गाइस ये कमाल का बुआ अनबिलीवेबल यहाँ पे कहना कि ये परफॉर्मेंस था एंड अनएक्सपेक्टेड बुआ होगा। तानिया क्या कहना चाहेंगे? It was unbelievable, Booya. It was unexpected. 2 vs 3 था, disadvantage of number था संजीव, इसके बावजूद अपने pocket में ये Booya लेकर गए. It was the element of surprise totally. And to the viewers, before संजीव gives a small brief about this match, आप आपके predictions लगाना शुरू कर दीजिए कि आज का टूर्नामेंट में कौन नंबर वन, कौन नंबर टू और कौन नंबर थ्री. अगर राइट होता है तो वी विल मेक श्योर वी गिव अ शाउट आउट. एंड संजीव बताइए, हाउ डू थिंक टीएसजी हार गई है मैच बिकॉज दे हैड ऑल द एडवांटेजेस पॉसिबल? आई थिंक मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा था कि टीएसजी आई थिंक फोर्थ पोजीशन के ऊपर बैठी हुई थी, 2B गेमर थोड़ा सा नीचे थी सेवंथ और एट पोजीशन के, बट अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि 13 किल लेकर जो 12 प्लेसमेंट अपने खाते में जोड़ेंगे टोटल 25 पॉइंट्स लेकर कितना अच्छा कमबैक रहेगा, क्या वो टॉप 5 में पहुंच पाएंगे, क्या वो टॉप 3 में अपने लिए जगह बनाकर जा पाएंगे? बट हमारा जो मेन फोकस होने वाला आज के चैंपियंस कौन यहाँ पर बनकर जाएंगे। तो गाइस अपने जो आपके यार जितने भी हैशटैग लगा दीजिए आपकी फेवरेट टीम जो भी आपको लगता है कि यहाँ से आज जीत कर जाने वाले, तो गाइस बिल्कुल हैशटैग लगाइए। हमें भी बता दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन कौन कौन सी टीम्स
आज यहाँ से लेकर जाएंगी। जी बिल्कुल गाइज, आज का ये टूर्नामेंट था सीआरएक्स इन्फ्लुएंसर्स ग्रैंड स्टिम के बारे में। तो देखेंगे गाइज ये टाइटल आज यहाँ पे कौन सी टीम पा लेगी। बट गाइज यहाँ पे एक टाइटल आप भी पा सकते हो अगर खुद को मौका दे सकते हो तो। जी हाँ गाइज, यहाँ पे एक चीज करनी है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो, कैरी मिनाटी के गिल्ड ज्वाइन करो, बिकॉज सारे आने वाले स्पेशल टूर्नामेंट कैरी मिनाटी के गिल्ड के अंदर होने वाले, जिसका टोटल कुल मिला के प्राइज पूल होने वाला है 5,00,000 रुपए का। तो गाइज फिलहाल यहाँ पे आपको हैशटैग लगाने और मैं फेवरेट टीम के एन यहाँ पे चलते मैप सन बुयास की तरफ, देखते हैं यहाँ पे किस मैप में किस टीम ने बुया लेता। बट उससे पहले मैं जरूर सवाल पूछना चाहूंगा कि यार रोटेशंस आज काफी ज्यादा बढ़िया, एंड वो मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे कहने वाला था कि यार वो जो M79 था अगर 2B इस्तेमाल कर पाते तो और भी ज्यादा मजा आता। आई थिंक वो यहाँ पर ट्राई करना चाहते थे कि जल्दी से जल्दी डॉक निकाल पाए, बट होता क्या है कि तानिया एंड प्रसाद, मैं आपको बोलना चाहूंगा मोस्ट ऑफ द जो टीम्स होती है ना उनके अंदर सभी प्लेयर को M79 चलाना नहीं आता कि लाइक अगर मेरी टीम में मैं हूँ तो मैं M79 चलाना जानता हूँ, बट अगर मैं किसी और को पकड़ाऊंगा तो वो क्या करेगा, लाइक आसमान में एम कर देगा, कहीं ना कहीं कुछ कहीं और ही चला जाएगा तानिया उड़ता हुआ एमओ। बिल्कुल, मास्टर ऑफ वेपनरी नाम की एक चीज है, क्योंकि इसीलिए स्नाइपर का रोल होता है, रशर का रोल होता है, इसी तरीके से M79 की भी प्रैक्टिस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड आई थिंक वो इंपॉर्टेंस आप कर सकते हो, यू हैव गॉट अ फ्री जोन टू प्रैक्टिस देयर, और आप वहां पर आप जाइए प्रैक्टिस करिए, मास्टर दिस अल्टीमेट वेपन, क्योंकि यही एक वेपन है जो 1v4 क्लच कराकर आपको भूया दिलवा सकता है। के साथ साथ गाइस हम लोग चलना चाहेंगे मैप्स एंड बुयास की तरफ और जान लेते हैं 6 के 6 मैच जिसमें कौन कौन सी टीम ने कौन कौन से मैच के अंदर बुया निकाला। सबसे पहले बात करना चाहूंगा बर्मुडा मैप को लेकर, तो यहां पर गाइस बुया निकल कर आता है टीम लावा। पहले मैच के अंदर एक शानदार शुरुआत यहां पर की गई थी, कहने की बहुत ही सेफली आगे बढ़ते हुए नजर आए, बट पर्गेटरी मैप यहाँ पर कम बैक होता है टोटल गेमिंग, जो कि अपने लिए पहले से ही एक अच्छी शुरुआत करने की सोच चुकी थी, सेकंड पोजीशन अब तक लेकर जा चुकी थी, बट थर्ड गेम यहाँ पर गैलेक्सी रेसर 10 से 11 के अपने नाम करके गई। जी बिल्कुल, जब यहाँ पे सेकंड सेगमेंट आ गया, फोर्थ पोजिशन यहाँ पे आ रहे, फोर्थ मैप में यहाँ पे यार पर्गेटरी में टोटल गेमिंग ने बिल्कुल फैंस का दिल यहाँ पे जीत लिया। बात करेंगे कालारी के बारे में तो यार रोटेशन बहुत ज्यादा बढ़िया थे, बात करेंगे यूजी एम्पायर ने यहाँ पे एक बुया जरूर करके लगा था, फिर से एक बार बात करेंगे लास्ट मैच कालारी 2B गेमर ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, एंड जी हां गाइस वो अनबिलीवेबल बुया बनाम टीएजी यहां पे अपने खाते में जरूर जोड़ के रखा था। फिलहाल बात करेंगे यहां पे कहना कि यार आज का टूर्नामेंट बहुत ज्यादा ओपी हुआ संजीव एंड तानिया, कहना चाहूंगा मैं वो 1v2 क्लच, वो यहां पे डोमिनेशन, हर एक टीम यहां पे कहना कि एक के बाद एक अपना नाम रोशन कर रही थी, ऐसा नहीं कि आज के पूरे 6 मैचेस में किसी एक ही टीम ने यहां पे डोमिनेशन दिखाया। अग्रीड, इट वॉज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डे, हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि एक ही टीम कंटिन्यू एक बुया ले जा रही थी, बट देयर इज वन टीम जो नजरें नहीं हटाने दे रही थी, टोटल गेमिंग शुरुआत भी की, एंड तक सर्वाइव भी किया, स्ट्रगल भी किया, बैड मोमेंट्स भी थे, लेकिन कंटिन्यूसली रेस में लगे हुए थे, बैकफुट नहीं जा रहे थे, तो आई वुड अप्रिशिएट द प्ले कमिंग इन फ्रॉम टोटल गेमिंग। यहाँ गाइस यहाँ पर चलते हैं एक बार हम लोग हाइलाइट्स की तरफ और जान लेते हैं जितने भी फाइट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखी। सबसे पहले एक और बार चलना चाहेंगे यहाँ पर, बात करूंगा लेजेंड को लेकर, सबसे पहले नॉक यहाँ पर निकालेगा, शुरुआत यहाँ पर कर ली गई थी, खाता खोला गया और साथ साथ उज्जवल यहाँ पर जंप एंड शूट टेक्निक यहाँ पर लगाना चाहते थे, फिनिश ऑफ क्या कोई भी मौका नहीं देना चाहते, यहाँ पर डिलीट के हेडशॉट्स यहाँ पर बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, डिलीट का गाइस शॉर्ट रेंज के अंदर फेवरेट वेपन डबल बैरल। तो गाइस मैं भी आपको अक्सर यही बोलता हूँ कि आप लोग जब गन एट्रीब्यूट्स ऑफ होते तो आप लोग भी डबल बैरल चलाएगा, बहुत ही अच्छा डैमेज आपको देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल, टू शॉट के अगर एक भी हेडशॉट कनेक्ट हुआ तो एक नॉक आप देख सकते हो। लोकेश गेमर ने यहां पे इस पार्टी को ज्वाइन किया था, तोंडी गेमर को बहुत जल्दी यहां पे धाराशाही करने की कोशिश की थी ओजस्वी विद मैक्स 7, एंड जी हां गाइस यहां पे अगर आप M87 को एक पर्याय कहना चाहते हो, एक सॉल्यूशन या फिर एक यहां पे और एक ऑप्शन कहना चाहते हो तो मैक्स 7 जरूर हो सकता है। जी हां गाइस, गाय तोंडी इस बार यहां पे स्नाइपिंग से बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया यहां पे कवर फायर दे रहे थे, एंड दोनों प्लेयर्स को इन्होंने इतनी दूर से यहां पे धाराशाही किया। फिलहाल रोमियो गेमर के बारे में बात किया तो MP5 को, यानी कि जो भी फैन जो भी व्यूअर्स यहां पे देख रहे हैं गाइस, SMG वेपन अगर आपका फेवरेट है तो गाइस MP5 के साथ बहुत बार बहुत सारे टीम्स को एंड व्यूअर्स को एंड स्पोर्ट प्लेयर्स को हमने जाते हुए देखा है। फिलहाल देखेंगे इस बार यहां पे क्या कुछ हो रहा था। गाइस सुल्तान के बारे में बात किया तो मैक्स 7 के साथ रोटेशन ले रहे थे, जावा बॉय विद द M10 यहां पे धाराशाही करने की कोशिश कर रहे थे सुनीता स्कार के साथ, यहां का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया था, ये रोटेशंस, ये जंप एंड शॉट, यहां पे दो नॉक निकालने की बेहतरीन कोशिश यहां पे जो सुनीता ने की थी बहुत ज्यादा बढ़िया थी, बट जंप एंड शॉट यहां पे वो रोक नहीं पाए ओजस्वी के रोटेशंस। 1v2 क्लच और भी ज्यादा कमाल का, M87 वन नॉक देन रोटेशन देन रिलोड देन अगेन यहां पे अंदर घुसे क्रोनो शील्ड में जाकर यहां पे कहना कि क्लचेस करने की कोशिश, एंड देन इस सीन में यहां पे लेजेंड आए तानिया एंड अपना जो जलवा वो यहां पे बिखरते हुए नजर आए थे।
बिल्कुल यहाँ पर अपना बहुत ही अच्छा एक्शन पैक सिनेरियो क्रिएट कर दिया था। 4 किल्स के साथ यहाँ पर लेजेंड ने अपने टीम को भी बचाया और अपने लिए किल्स भी एक्यूमुलेट की। बट कमिंग बैक टू टोटल गेमिंग, वेल फौजी अजय ने ये बहुत डेयरिंग वाला किल लिया, क्योंकि ब्लू जोन में जाकर किल कर लेना इतना ईजी नहीं होता। नॉट ओनली वन फॉलोड बाई सेकेंड एज वेल, 2 किल्स एक साथ सिक्योर कर लिए गए थे एंड इट वॉज डिलीट, जो टीम सपोर्ट बिल्कुल सही वक्त पर आकर दे जाते हैं। एंड अनग्रेजुएट के भी काफी ज्यादा क्लच सिचुएशन हमने देखे थे, काफी ज्यादा डोमिनेंट प्ले देखा था। ब्लैक फ्लैग आर्मी जो यहाँ पर रश करती है अगेंस्ट टीम लव एंड सक्सेसफुल बैटल, जीत कर आगे जाती है कमिंग अप फ्रॉम अवारा हिमसेल्फ। जी बिल्कुल, जी हाँ, यहाँ पर और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं यूजी एम्पायर लगातार एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगा रही थी, बट 2B गेमर के हेडशॉट्स बिल्कुल ऑन पॉइंट यहाँ पर रहते, फिनिश ऑफ करते हैं। ये गेम के अंदर बहुत ही शानदार किल्स करके निकाले गए, देखा जाए तो इमोट के साथ साथ इतने सारे हेडशॉट्स वो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, करके इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे हुए, तो देखा जाए तो 11 किल्स और इनके पास है। लास्टली यहाँ से जो बूया था वो निकाल कर लेकर गए, 13 किल्स अपने नाम यहाँ पर कहने की करके गए। तो गाइस आखिरी मौका आपके पास रहने लगा, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस एक साथ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, हम लोग आपके सारे के सारे कमेंट्स यहां पर रीड आउट करने वाले प्रसाद। जी बिल्कुल, एंड देखेंगे गाइस आज क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल यहां पे आ रहे इस CRX Influencers Grind Scream का टाइटल कौन सी टीम जीतेगी गाइस फटाक से बताएगा, बिकॉज कमेंट सेक्शन में हमारी निगाह यहाँ पे बनी रही है। एंड जी हाँ, जिनके भी जितने भी वो प्रेडिक्शन से वो आकर एक्यूरेट हुए तो उनके नाम के साथ हम शाउट आउट देने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल तानिया एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जैसा कि यार आज हर एक सितारा चमक रहा था, लास्ट गेम ने 4 से 5 चांद यहाँ पे लगा दिए, ये जरूर कहना चाहूंगा, बिकॉज वो 2 प्लेयर्स पहले से यहाँ पे अनहेल्दी थे, तब से जो उन्होंने किल मीटर अपना शुरू किया डबल डिजिट तक पहुंचा के एक बूया भी उन्होंने एक्वायर किया था। बिल्कुल, वहां पर बूया अक्वायर किया था, इसीलिए तो मिस्टर जोकर कह रहे हैं कि आज फ्रॉम नेपाली टीम इट इज गोइंग टू बी 2B गेमर एंड आरजी कार्की वन द नेपालीज हार्ट एनपीएनपी। वेल, नॉट ओनली नेपालीज, इंडियन हार्ट भी जीता है, करके अकेले 8 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देते हैं 2 टीम्स ऑलरेडी। तो वी आर हियर, ई स्पोर्ट्स इज द प्लेटफॉर्म जहां पर हर एक नेशन रियूनाइट होता है, थोड़ा सा टिफ टाफ चलता रहता है, बट इट इज ऑल गुड टू गो, इट इज ऑल अबाउट ई स्पोर्ट्स दैट इज ग्रोइंग एंड इट इज game.tv जो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को जमा करते हैं एंड अलग अलग से शाइनीस्ट दिखाते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल प्ले कमिंग अप फ्रॉम ईच एंड एवरी यूट्यूबर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन इन्फ्लुएंसर्स एंड टॉक अबाउट रिजल्ट। वेल, अभी तक भी मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कोई गेसेस आ रहे हो नंबर 1, 2, 3 के। जी हाँ, आई थिंक देखना पड़ेगा, बट गाइस रिजल्ट्स का वक्त हो चुका, चलते हैं को लेकर जाएंगे आज के चैंपियंस कौन यहाँ पर बनने वाले CRX Influencers Grind Scream। जी हाँ, यहाँ पर होगी टोटल गेमिंग 87 पॉइंट्स इनके पास, यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे फर्स्ट पोजीशन यहाँ से लेकर जाएंगे, और साथ साथ सेकंड पर होने वाले यूजी एम्पायर एक बहुत ही शानदार कम बैक इनकी तरफ से भी हमको देखने के लिए मिलेगा। पर जी बिल्कुल, एंड थर्ड पोजीशन होने वाली है यहाँ पे TIG आवेगे विद टोटल 64 पॉइंट्स। सो गाइस टॉप 3 टीम आज की होने वाली है, टोटल गेमिंग, यूजी एम्पायर एंड TIG आर्मी। कांग्रेचुलेशन टू दिस टीम्स, यहाँ पे यार बिल्कुल एक भारी भरकम परफॉर्मेंस किया था इन तीनों टीम्स ने, यार कहना कि वो क्लचेस, वो उज्जवल के यहाँ पे रोटेशन, टोटल गेमिंग ने तो पूरा का पूरा डोमिनेशन आज दिखाया है। बिल्कुल, यहाँ पर डोमिनेशन दिखाया है एंड टोटल डोमिनेशन की अगर स्ट्रीक हम देखें तो इट वाज ऑलवेज फ्रॉम टोटल गेमिंग, दैट इज हाउ दे आर ऑन पोजीशन 1 विद टोटल ऑफ 87 पॉइंट्स फॉलोड बाय यूजी एम्पायर। काफी कम डिफरेंस था पोजीशन 2 एंड 3 में, बट ईच पॉइंट इज काउंटेड, दैट इज हाउ यूजी एम्पायर पोजीशन 2 पर है, TSG ऑन 3, टोंडे गेमर एंड वी मस्ट अप्रिशिएट कार्की फॉर दिस पर्टिकुलर अपशिफ्ट 59 पॉइंट्स के साथ पोजीशन 4 पर, एंड 5th पर वी कैन सी 2B गेमर। सो अल्टीमेटली 2B गेमर के कार्की ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया एंड इट वॉज फॉर गैलेक्सी racer. Well, it could have been a better day, but you win some, you lose some. It was some of that part coming up from Galaxy Racer. जी हाँ, बहुत कुछ आज हमको यहाँ पर सीखने लिए मिलता है, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने मिला, और साथ साथ हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे स्टार ताने आपको, बहुत कुछ आपके साथ भी हमें सीखने लिए मिलता है। साथ साथ प्रसाद क्या कहना चाहेंगे जाते वक्त? एक ही चीज कहना चाहूंगा गाइस कि यार जो सितारे आज चमक रहे हैं ना, कल जाके उनका उनके बीच में आपका भी नाम यहाँ पे चमक सकता है, बस खुद को एक मौका देते हो। तो गाइस फटाक से जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, एंड गाइस वहां पे कैरी मिनाटी के गिल्ड का हमने लिंक देख रखा है, उस पे ऊपर जाओ, गिल्ड ज्वाइन करो, ढेर सारे टूर्नामेंट खेलने का मौका पाओ। एंड सबसे अच्छी बात यह कि इन सारे टूर्नामेंट का कुल मिला के प्राइस पुल होने वाला है 5 लाख रुपए का। तो गाइस ढेर सारे प्राइजेस आप जीत सकते हैं, मौका पा सकते हो आपकी फेवरेट टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलने का, एक झटके में आपका नाम रोशन हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह कि जीव हमें उनका गेम प्ले कास्ट करने का मौका मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, बिल्कुल रेडी हो जाए, आप लोगों को हम चाहेंगे कि यार आप लोग हमारे यहाँ पर खेलने के रहे, हम लोग आपको कास्ट करें, आपकी रोटेशंस, आपके फ्लैंकर्स जो भी रहेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी हमको भी जानने के लिए मिले। तो गाइस ऐसे ही बड़े बड़े टूर्नामेंट के साथ हम लोग लगातार वापस आते रहेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।